है यहाँ पे जो राफा का पॉइंट है जो मिस्र के साथ है वो उन्होंने खोल रखा है, पर मिस्र ने भी अपनी बॉर्डर बंद कर दी। बिल्कुल, ये जो गाजा पट्टी है मिस्र के साथ 11 किलोमीटर लगती है और जो भी प्लान करना है लोगों ने यहाँ से इस सारी जगह से इसराइल से घिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसराइल ने घेर रखा है और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर है वो एक तरफ है, तो आप समझ सकते हैं कि 11 लाख लोगों को 24 घंटे दिए पलाय। चाहे उन्होंने सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट बोलते हैं जिस प्रकार से पिछले 7 दिन से लगातार बमबारी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट है स्पेशली नॉर्थ गाजा, ये जो नॉर्थ गाजा है गाजा सिटी है इसको जिस प्रकार से पिछले 7 दिन में लगातार हवाई जहाज के बम्बार्डमेंट के द्वारा ध्वस्त किया गया है, इसके अलावा लेकिन टैंक्स भी हम देख रहे हैं, ये देखिए टैंक्स जो हैं ये अभी नॉर्थ गाजा में हैं। बिल्कुल, अब ये जो टैंक्स हैं ये देखिए ये बिल्कुल आपने जो कहा ये जितने टैंक्स हैं ये पिछले 4 दिन से खड़े हैं इस उम्मीद से कि कब उनको वक्त मिलता है और कब आदेश मिलता है कि वो गाजा पट्टी को जाकर के पूरा का पूरा सैर। लेकिन गाजा पट्टी में जो है जितनी गाजा पट्टी के जो इमारतें ऊपर थी उतनी ही नीचे भी टनल्स हैं, उस टनल्स के साथ यकीन करना है जब ये लड़ाई ऑफेंसिव जाएगा, ये ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि अगले 40 मिनट में शायद ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा, 7 बजे के आसपास ग्राउंड ऑफेंसिव जाने की उम्मीद है, उसको उस उम्मीद से ये लगाई जा सकती है कि गाजा पट्टी जो है कि किस प्रकार से उसको बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि ध्वस्त किया गया है, इमारतें गिरा दी गई हैं लेकिन टनल में तो लोग उम्मीद हो सकती है जो फाइटिंग बिल्टअप एरिया बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं टनल जो है, अगर मैं ये और व्यापक तरीके से इस मैप पे आए, इस नक्शे पे आए, इजरायली तैनाती के बीच हमास का एक्शन ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां हमास के लड़ाकों का मोर्टार से हमला हुआ, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मोर्टार से हमले से जुड़ी हुई खबर, इजरायली ठिकानों को किस तरीके से टारगेट किया गया है ये देखिए आप तस्वीरों में, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हमास के लड़ाके मोर्टार से हमला करते हुए नजर आए ये आप देखिए जरा। तो ये इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायली तैनाती के बीच हमास के एक्शन का ये वीडियो सामने आया है, हमास के लड़ाके किस तरीके से मोर्टार से हमला कर रहे हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, इजरायली ठिकानों को इन लड़ाकों द्वारा टारगेट किया जा रहा है और मोर्टार का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, इजरायली ठिकानों को ये टारगेट कर रहे हैं, ये तस्वीरें लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने। आगे बढ़े उससे पहले देखिए 33 मिनट का ही वक्त बाकी है जिसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाना है उत्तरी गाजा के हिस्से में, जहां के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के लड़ाकों की तैयारी वाली तस्वीर भी सामने आई है, एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है, कंधे पर लॉन्चर लिए दिखा हमास का लड़ाका, ये तस्वीर आप देखिए जरा, एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी की जा रही है, वार पलटवार का दौर जारी है और दोनों ही तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली, ये हमास के लड़ाके की तस्वीर है जिसमें वो किस तरीके से तैयार नजर आ रहा है ये आप देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, गाजा बॉर्डर पर बढ़ रहा है इजरायली मूवमेंट, ये हम आपको खबर बता रहे हैं, इजरायली सैन्य तैनाती बढ़ गई है, डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, इजरायली सैन्य गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, ये देखिए टैंक्स मूव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी अल्टीमेटम दिया था कि नॉर्थ गाजा से लोग खाली कर दे, 1 घंटे बाद बड़ा अटैक करने वाला है इजरायल, इसीलिए लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, नॉर्थ गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल है और ये टैंकों का मूवमेंट आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो एक बार फिर से हम तस्वीरें बता दें, 1 घंटे बाद बड़ा अटैक करेगा इजरायल और इसीलिए टैंक्स का मूवमेंट तेज हो गया है, जो सैन्य डिप्लॉयमेंट है, जो सैन्य तैनाती है वो बढ़ गई है इजरायल की तरफ से, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबकी नजरें इस वक्त नॉर्थ गाजा पर ही है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की कोशिश अब इजरायल की तरफ से की जाएगी, एक बड़ा सैन्य काफिला इस वक्त हम देख सकते हैं इस नॉर्थ बॉर्डर पर, जो गाजा बॉर्डर है नॉर्थ साइड जो बताया जा रहा है नॉर्थ गाजा, और यहाँ पर एक बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, एक ऐसा गाड़ियों का काफिला जो बता रहा है कि तैयारी इजरायल की बड़ी है, इजरायल की सेना पूरी तरह से तैनात यहाँ पर होना चाहती है, हर चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाले हुए इजरायल की सेना और यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा।
तो एक तरफ गाजा में बड़ी आबादी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके के हालात बने हुए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए जगह बदलने की स्ट्रैटेजी, 11 लाख फिलिस्तीनी किस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इन्हें मूव किया गया है। ये गाजा पट्टी का पूरा इलाका यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गाजा पट्टी का इलाका है जहां पर इनको मूवमेंट करने के लिए कहा गया, अल्टीमेटम दिया गया बकायदा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये लोग मूव कर गए हैं। इसराइल ने अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व में मूव, दक्षिण से उत्तर की ओर मूव कर दिया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। यहां पर फिलिस्तीनियों को मूव किया गया दक्षिण की तरफ, तो इसराइलियों को मूव किया गया उत्तर की तरफ। इसराइल ने फिलिस्तीन के 11 लाख लोगों को उत्तर से गाजा से दक्षिण गाजा जाने को आदेश दे दिया और अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर में भेज दिया है। तो इस पॉपुलेशन मूवमेंट की स्ट्रैटेजी, इसके पीछे क्या हो सकती है, इसका महत्व समझने की कोशिश अपने एक्सपर्ट से भी हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से घड़ी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। समय समझना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से जरा वो काउंटडाउन दिखाइए, कितना वक्त बाकी है जो एक्शन है। ये लीजिए 29 मिनट का ही वक्त बाकी है जिसके बाद, क्योंकि उल्टी गिनती लगातार जारी है, अल्टीमेटम का वक्त नजदीक आता जा रहा है। राजेश जी, एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक्शन भी लिया जाना है, लेकिन इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ मूव हो जाइए, फिलिस्तीनियों को आपने अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन अपने 4 लाख नागरिकों को आपने नॉर्थ में क्यों भेजा, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? इसके पीछे तो यही समझ में आता है कि जो उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनूवर चाहिए, इतने सारे टैंक्स हैं, इतने सारे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो किस तरफ से आएंगे, क्योंकि एक डेडलाइन तो दे दी है उन्होंने। इस ज़रूरी नहीं है कि डेडलाइन के तुरंत बाद ही वो अटैक करें, वो ज़रूर उन्होंने रणनीति बनाई होगी, क्योंकि फाइनली जो लड़ाई है वो तो अंडरग्राउंड ही लड़ी जाएगी, पैदल लोगों से चढ़ी जाएगी, टैंक तो उनको वहां तक पहुंचाएंगे, इन्फेंट्री व्हीकल्स उनको वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो उनको अंदर घुस घुस के बिल्डिंग टू बिल्डिंग, बेसमेंट टू बेसमेंट, टनल टू टनल जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमास के वो लड़ाकू हैं उनको वो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। और वो भी तैयार हैं, डेडलाइन भी निकल चुकी है, पॉपुलेशंस भी मूव हो चुके हैं, तो अब डेफिनेटली हमास भी पूरी तैयारी में है। सर, ये मूवमेंट आपको टेम्पररी लगता है या फिर ये परमानेंट है, क्योंकि यहाँ से लोगों को हटाना और अपने लोगों को बसाना, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी, इसे हम बहुत दूर का सोचा समझा प्लान मान के चले क्या? नहीं, ये जो इजरायली की मूवमेंट है ये तो टेम्पररी लगती है, ठीक है, ताकि वो क्रॉस फायर में ना आ जाए। हमास कैसे, वो तो हमास की पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, फिलिस्तीनी पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, ये तो युद्ध का जो रिजल्ट है वो ही हमें बता पाएगा। तो अपने लिए क्या इनसाइड सपोर्ट की भी कोशिश की जा रही है, बात सर आपको चार्ट करना चाह रहे हैं। देखो, सच्चाई ये है कि ये बड़ी सोची के साथ रणनीति बनाई है इजराइल ने, और जिस प्रकार से पैलेस्टीनियों को नॉर्थ से साउथ में किया है, तो वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो पैलेस्टीन सिविलियन एक तो कोलेट्रल डैमेज में मारे जा सकते हैं, दूसरा ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं हमास को। अब इनसाइड सपोर्ट इनका रहता है। अब सच्चाई ये है कि अब जो लड़ाई लड़ेगा इजराइल, उसके ये 3-4 पहलू हैं। पहले उन्होंने एयर पार से सोफन अप करेगा, फिर जब उसने HR जिसको बोलते हैं, जब असली लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले वो आर्टिफायर करेगा, रॉकेट फायर मिसाइल करेगा, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट। और उसके बाद जो इन्फेंट्री है वो आर्मर्ड व्हीकलों में चलेगी यहाँ पर, क्योंकि बिल्टअप एरिया है। मगर एक चीज का ध्यान रखना प्रीतिमा, कि क्या हो रहा है कि जो हमास है उसने मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है, और उसके जो लड़ाई है वो ज़्यादातर होगी टनल में, वहाँ छुपे हुए हैं, और उसके साथ उन्होंने माइन फील्ड बहुत लगा लिए हैं, बूबी ट्रैप्स लगा लिए हैं। और ये भी एक है जो दुखती हुई कड़ी इसराइल की, जो 150 से ज़्यादा उन्होंने एक प्रकार से प्रिजनर बना रखे हैं, जिनको वो लेके चले गए हैं हमास, उनका क्या होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसराइल भले ही हमास को खत्म करने के लिए उत्तरी गाजा खाली करा रहा है, लेकिन उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कैसे, आइए इसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है, लेकिन इतने छोटे क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं, जो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं।
ये टनल जमीन के नीचे 10 से 12 मीटर की गहराई में है। इसकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर है और इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल उठता है, इतनी सुरंगें क्यों बनाई गई, इन सुरंगों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो आइए इसे भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। गाजा पट्टी में तीन प्रकार की सुरंगें बनाई गई हैं। पहली सामानों हथियारों की तस्करी के लिए जो टनल के जरिए मिस्र और गाजा को जोड़ती है, वही दूसरी सुरक्षा के लिए, जैसे लड़ाकों को रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना और हथियारों का भंडारण करना। तीसरी जो प्रकार की टनल है वो है जिसके जरिए हमास लड़ाके इसराइल में घुसपैठ करते हैं। तो ये जो है हम आपको बता रहे हैं 1, 2, 3। अब जो चुनौती है वो सुरंगें हैं जो सामने आई हैं। मैं चाहूंगी कि जो कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए कुलकर्णी सर, ये जो सुरंगें हमने देखी, ये 5 इलाके हैं और सुरंगें एक सबसे बड़ी चुनौती जिनकी डिटेल के बारे में जानकारी हमने दी, अब इससे कैसे निपटा जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है बिकॉज गाजा पट्टी में जो है ऊपर ये चाहे नॉर्थ गाजा हो या गाजा सिटी हो, यहीं पर 11 लाख लोग बसते हैं, 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, बाकी तकरीबन 7-8 लाख लोग इधर हैं। ये 11 लाख लोग अगर पलायन भी करते हैं, हमास जो है पूरा का पूरा उसका लॉजिस्टिक्स, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया में सबसे बड़ी तकलीफ अगर होती है तो वो, क्योंकि जो डिफेंडर है वो अंदर अंदरूनी पूरे सुरंगों के अंदर। अगर आप टेबल पे समझाएं तो यहाँ पे सैनिक भी हैं। ये देखिए, अगर आप देखिए ये जो सुरंगें हैं, ये सुरंगें अंदर होंगी। अब इन सुरंगों के अंदर जाकर के हमलावर को जाना बहुत कठिन होता है, यानी कि वो तो मौत के घाट जा रहा है, बल्कि जो डिफेंडर है वो इंतजार कर रहा है कि जो हमलावर है सुरंगों में घुसे। इजरायली जो है वो कभी भी सुरंगों के अंदर नहीं घुसेंगे, उनको अगर बाहर निकालना है। 1300 से ज्यादा हमास ने सुरंगें बना रखी, सुरंगों को बाहर निकालने के लिए जैसे कहा जा रहा है कि फास्फोरस एमिनेशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का वो इस्तेमाल करेंगे कि जिससे कि जितने भी लोग सुरंगों के अंदर हैं ये बाहर अपने आप निकलेंगे, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये बाहर के जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्टिलरी की गाड़ियां हैं, ग्राउंड ट्रुप्स हैं, उसके अलावा आपके F-15 एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सैनिक हैं तो सुरंगों के अंदर कहां इस तरह से, ये जो आप दिखा रहे थे, मैं कह रही हूं चैलेंज कितना बड़ा है। अगर यहां पर होस्टेजेस होंगे तो फिर कैसे छुड़ाएं? बहुत बड़ा चैलेंज, सुरंगों के अंदर लड़ना मतलब जान देने बराबर है, बहुत मुश्किल होगा इसराइलियों को सुरंगों के अंदर लड़ना। वो पर सुरंगों के अंदर नहीं लड़ेंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि ये जितने भी हमास के लोग हैं या जो भी लड़ाकू हैं इनको बाहर निकाला जाए, और बाहर निकालने का तरीका है उनको गैस करना। पर ऐसे में रसद भी सर यहीं से पहुंचाया जाता, तो बहुत सारी सुरंगें, कितनी भी सुरंगें हों, सुरंगों के अंदर जा कर के लड़ना नामुमकिन के बराबर है। आप कैसे लड़ेंगे सुरंगों के अंदर जाना, लेकिन उनको आदमियों को सुरंगों से बाहर आप कैसे निकालेंगे? जब उसको गैस करेंगे आप उसमें इस तरह के, जब आप गैस डालेंगे सुरंगों के अंदर तो आदमी जो अपने आप बाहर आएगा, क्योंकि उसको सांस लेने की तकलीफ होगी, उसको कुछ नहीं देखेगा तो अपने आप वो बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो मारा जाएगा। और इसराइल ने यकीन किया होगा बाहर आएगा तो फिर टैंक्स भी हैं, ये सारे के सारे, मतलब ये जो जितने आपके सोल्जर्स हैं ये उनको वहीं पे मार देंगे। तो इसराइल ने यकीन किया है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया वो जानते हैं बहुत मुश्किल है, और उस चीज को आसान करने के लिए पिछले 7 दिन से वो लगातार इसको अब चैलेंज ये है कि इन सुरंगों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जल्दी से बता देते हैं, जैसा कि कुलकर्णी सर बता रहे हैं चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या चुनौतियां आएंगी? गाजा पट्टी में सुरंगों का इतना लंबा चौड़ा जाल है तो इजरायली फोर्स के लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी यहां पर जाकर हमास के लड़ाकों को मारना? ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा पट्टी में ऑपरेशन के लिए इजरायली फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती टनल की खोज करना, टनल्स भी बहुत सारी हैं। और दूसरी चुनौती, अगर टनल खोज भी ली गई है तो उनमें हमास लड़ाकों को खोजना और उन्हें पकड़ना। फिर तीसरी चुनौती ये होगी कि सुरंगों के अंत तक पहुंचना और उनके नेटवर्क का पता लगाना। और चौथी चुनौती फिर ये होगी साथ साथ गाजा पट्टी में सुरंगों के जाल को खत्म कर देना। पिछले कुछ सालों में गाजा के टनल नेटवर्क से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 2008 में टनल में घुसते वक्त इजराइल ने अपने 9 सैनिकों को खो दिया था, जबकि 2014 में भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ही टनल में एंट्री करते वक्त 66 इजरायली सैनिक मारे गए थे। तो आसान नहीं है इतना, और इसके चलते इजरायली फौज को उल्टे पांव लौटना भी पड़ा था। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशनल टास्क है। गाजा सीमा पर तैनाती के लिए और टैंक्स रवाना कर लिए गए हैं, गाजा सीमा पर हलचल और तेज हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 मिनट कुछ ही सेकंड्स का वक्त
बाकी है जब बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ऐसे में टैंक्स का मूवमेंट किस तरीके से तेज होता हुआ दिख रहा है, यह आप देखिए। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की लेटेस्ट हलचल का वीडियो। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, इजरायली अल्टीमेटम के खत्म होने में अब कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। बता दें गाजा में अफरा तफरी का इस बीच माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, गाजा में लोगों के भागने का ये लेटेस्ट वीडियो नजर आया, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा है कि इजरायल अब रुकने वाला नहीं है। इजरायल ने अल्टीमेटम भी दिया था, इन इलाकों को खाली करने को भी कहा था, और अब तस्वीरें इस बीच सामने आ रही है जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लोग जहां तहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 19 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली है। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था। शुरुआत में खबर ये भी आ रही थी कि गाजा में कई सारे लोगों ने डिनाई कर दिया था कि हम अपना घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी। देखिए डिनाई तो किया था, और हमास ने भी उनको कहा था कि आप छोड़िए मत, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको पता है कि इसराइल कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन तो करेगा ही। तो जिन लोगों को लगा कि वो हमास के सामने उनकी ह्यूमन शील्ड नहीं बनना चाहते हैं, उन्होंने पलायन करने का सोच लिया है। जो उनके कट्टर जो उनके साथ हैं तो वो ज़रूर उनके साथ लड़ेंगे, और वो ये ज़रूर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सिविलियन हैं, हमें मत मारो। और उनके पीछे हो सकता है हमास या कोई और खड़ा हो, तो और जितने भी ये टनल्स के जो हमने बात करी है, उनके जितने भी एंट्रीज हैं सब बेसमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट्स के थ्रू हैं। तो उससे उसके थ्रू आप नीचे जाएंगे 10-12 मीटर, और फिर साइड टू साइड उसका मैप भी नहीं है आपके पास, सीक्रेसी बनाई हुई है, और बूबी ट्रैप्स हैं वहाँ पे, तो और माइंस हैं, तो कैसे उसका ऑपरेशन आप करेंगे। आपको जरूर उनको किसी ना किसी तरीके से ऊपर लाना पड़ेगा, जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे। और आपने देखा भी अभी अपनी तस्वीरों में, हमास की जो फाइटर्स हैं उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल तैनात करके रखे हैं। बिल्कुल, और जैसे ही ये टैंक्स ये इन्फेंट्री व्हीकल्स अंदर जाएंगी, क्योंकि सर वक्त बहुत कम बचा है, हम एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वक्त बहुत कम बचा है। देखिए 17 मिनट 52 सेकंड, ये वक्त हमेशा सेकंड्स जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। 17 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है। सिवाज सर, इस बीच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गाजा जहां पर बड़ा एक्शन होने वाला है, गाजा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जा रहा है, वहां पर इसराइल के लिए एक्शन लेना या एक्शन करना कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है? अल्टीमेटम तो आपने दे दिया, लेकिन ह्यूमन कैजुअलिटीज के बगैर एक्शन ले पाना कितना आसान होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुश्किल होगा, ये सच्चाई है, ये एक बड़ा चैलेंज है। मगर इसराइल को इसका ब्लूप्रिंट पता है, और उसको मालूम है कि ये जो टनल्स हैं इनके एंट्री पॉइंट कहाँ हैं। देखो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई सबसे ज़्यादा टनल की होगी, क्योंकि अगर टनल के अंदर हमास अंदर रहे तो जीतना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और ये निकलेंगे नहीं, ये सोचना कि हमास को आप गैस इन करके बाहर निकाल देंगे, शायद ये नहीं हो पाएगा। उनके पास गैस के मास्क हैं, इक्विपमेंट हैं, इतने शायद ना हो, मगर ये बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज होने वाला है, और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और ये एक प्रकार अगर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर सिविलियन कैजुअल्टी हो जाती है कोलैटरल, तो फिर सिंपथी भी मुझे लगता है पैलेस्टाइन की तरफ सवाल जाएगी। यही पर यही तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वेल इक्विप्ड हुए कैसे, जब आप कह रहे हैं कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, कि आप कोई भी तरीका अपनाएंगे उसकी काट इनके पास है, तो बिना किसी के समर्थन के इनके पास सब कुछ कैसे? हाँ देखो सच्चाई ये है कि हमास को तैयारी कराने में ईरान का पूरा पूरा हाथ है, यही नहीं हमास को, हिजबुल्ला को भी, और ये तैयारी 2 साल से हो रही थी। इसके लिए एक प्रकार उन्होंने गांव भी बना लिए थे मोकअप के लिए, और ड्रिल बना के उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिस की हुई है। और ये समझने की कोशिश करो, ये टनल जो हैं, ये जो जमावड़ा टनल्स का है, ये दूसरे देशों में भी निकलता है, तो इनका बहुत फ्लूड मूवमेंट है, इनका लॉजिस्टिक वहाँ से आएगा, अम्यूनिशन वहाँ से आएगा, और ये मुझे लगता है वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि टनल डिफेंसिस को कैसे न्यूट्रलाइज कराया जाए। और ये एक आने वाले समय के लिए ये पढ़ाया जाएगा कि इजरायली ने कैसे न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि हमास जो हैं वो कन्वेंशन लड़ने वाले नहीं हैं, वो आतंकवादी हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा वाला है, और स्पेशली टनल्स को किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद किया जाता है, उससे किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये एक तरीके से केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाएगा, ये आप कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, उससे पहले निधि के
पास हम चलते हैं, निधि के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। निधि बिल्कुल प्रतिमा, टनल वॉरफेयर क्या होता है ये कुलकर्णी सरस से जानेंगे, लेकिन एक और डिटेल सामने आई है, हमास की ताकत और इजराइल की कमजोरी अब बताने का वक्त आ गया है। एक तरफ जहां सुरंगों का जाल है तो दूसरी तरफ हमास की ताकत भी है। इजराइल की कमजोरी क्या है सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सुरंगों का जाल देखने को मिल रहा है, जो नेटवर्क है उसका पता नहीं है इजराइल को, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। टनल में सुरक्षित ठिकाने, अब इसको लेकर है कि एंट्री एग्जिट का अंदाजा नहीं है इजराइल को, तो ये एक कमजोरी है, ये वीकनेस है। बम और घातक हथियार, नीचे से निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है, ये कमजोरी है इजराइल की, ये नहीं पता ही, लेकिन ये हमास की ताकत है। इजराइल की कमजोरी और हमास की ताकत, ये दोनों आपको बता रहे हैं। बम और घातक कितने हो सकते हैं, नीचे से निकलकर कैसे हमला किया जा सकता है, टनल में सुरक्षित ठिकाने बनाए गए हैं हमास की तरफ से, हमास का एक्शन टनल के अंदर है और दूसरी तरफ टनल वॉरफेयर शुरू हो गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि इजराइल एक्शन क्या लेता है। प्रथम बिल्कुल देखिए, टनल को लेकर हम बता रहे हैं कि दोनों की ही ताकत और कमजोरी क्या क्या है। गाजा में भारी तबाही देखने को मिल रही है, कई रिहायशी बिल्डिंग्स में इस वक्त ये एक्शन किया गया, जिसके बाद कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई है। ये तस्वीर आपके सामने, रिहायशी इलाकों से धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इजरायली सीमा से सटे गाजा के इलाकों में इस वक्त गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही है, ये रिहायशी इलाके की तस्वीरें बताई जा रही है। इजराइल बॉर्डर से गाजा में गोलीबारी के बाद किस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए जरा। अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने में अभी भी कुछ वक्त बचा है, 13 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से गाजा में अभी भी एक्शन जारी है, लेकिन बड़े स्तर पर एक्शन अभी होना बाकी है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर बम से अंडरग्राउंड बंकर को उड़ाया जाए तो क्या संभव है कि सभी बंकर खत्म हो जाए। आइए आपको बताते हैं कैसे बंकर बम काम करता है। देखिए जब बंकर बम पिन पॉइंट अटैक करता है तो जमीन को पार करके कंक्रीट की मोटी परत भेजता है और फिर सुरंग के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है और सुरंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी सुरंगें उड़ाएंगे गाजा में, तो सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बंकर बम क्या कारगर साबित होंगे। हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, ये भी समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सिवा सर, बड़ा चैलेंज है और हम टनल्स को लेकर हम बात भी कर रहे हैं, बंकर बम से कैसे निपटा जाए ये भी बड़ा सवाल है, ये कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे निपटा जाए। देखो सच्चाई ये है कि इसराइल को मालूम है कि ये लड़ाई टनल्स की है और हमास टनल के अंदर छुपा हुआ है और उनको किसी तरीके से निकालना है। अगर नहीं निकले तो अंदर जाके उनको खत्म करना है, तो उससे पहले जब वो अंदर बढ़ेंगे तो एंट्री चाहिए और एंट्री के लिए ये जिस प्रकार से इनके पास बॉम्ब है जो कि मारने से एक प्रकार अंदर जाके बस्ट होंगे और ओपनिंग करेंगे और उसके बाद जाएंगे। देखो यही तो कहना है कि ये लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी टनल की, और ये लड़ाई एक बहुत ही लंबी और भयानक होने वाली है। एक और समझना प्रतिमा, क्योंकि ये जाल बिछाया हुआ टनल का और दूसरे देशों में भी निकलती है, तो इनका लॉजिस्टिक सिस्टम अम्यूनिशन वगैरह इन्होंने बढ़ा के रखा होगा। इसका मतलब हमास के पास काबिलियत और क्षमता है, वो लड़ सकते हैं लंबा, ये भी सच्चाई है, और उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। जो 5000 रॉकेट फायर कर सकता है 20 मिनट के अंदर, इसका मतलब उन्होंने काफी जमावड़ा कर चुके हैं और इसके लिए ईरान ने और बाकी देशों ने इनकी हेल्प की है। और मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई चलेगी ऐसे तो कहीं ना कहीं हिजबुल्ला भी वहां से नॉर्थ से फायर करने की कोशिश करेगा। तो मैं यही कह सकता हूं ये लड़ाई काफी मुश्किल होने वाली है इसराइल के लिए, मगर इसराइल का जो पास्ट एक्सपीरियंस और बताता है कि इसराइल ने वो कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सकता, तो ये सच्चाई है कि इसराइल ने इसका कोई इलाज निकाला है। इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन हमास ने जिस तरीके से उनकी टेरिटरी में घुसकर हमला किया उसका भी तो पता मोसाद नहीं लगा सकी। तो आज जो अल्टीमेटम के बाद होने वाला है, क्या उससे निपटने के लिए भी हमास वेल इक्विप्ड है, राजेश सर? हाँ, वो देखिए हमास ने तो पूरी तैयारी की है, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ईरान से स्टेटमेंट आया है
कि हमास पूरी तरह तैयार है और वो जो है इसराइल का जो भी ऑफेंसिव है उसको नाकाम कर देगा, ज़रूर उनके पास तैयारी है। और इसराइल ने डेडलाइन दी है तो डेडलाइन के बाद उनको पता है, डेडलाइन के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी, वो तैयार हैं। अब किस तरह से उनको वो इसराइल उनको डिसेप्शन प्लान बना करके किस तरह से उनको सोचने पर मजबूर करेगा कि अटैक इधर से आ रहा है और अटैक एक्चुअली दूसरी तरफ से आया है, उनकी क्या रणनीति है, वो बहुत ही सीक्रेट है। संभलने का मौका नहीं दिया जाए। और ये जो बंकर बस्टर जो आपने कहे, ये जो बॉम्ब नीचे जाके पेनेट्रेट करके और फिर ब्लास्ट होते हैं, ये या तो ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है इफेक्ट जो जितना भी है वो लिमिटेड एरिया में होता है। ये नहीं कि अब आप 1300 किलोमीटर के टनल हैं या 500 किलोमीटर के टनल हैं, तो अब 500 किलोमीटर टनल के लिए आप कितने बम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक दूसरी रणनीति बनानी होगी कि जहाँ पे आपको ओपनिंग चाहिए वहाँ पे ये बम लगाए जाएंगे, किस तरह से उनको मजबूर किया जाए कि वो बाहर निकलें, और किस तरह से इन टनल्स को दूसरे एक्सप्लोजिव से ब्लॉक करके या डिस्ट्रॉय करके, राजेश जी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन लड़ाया जाएगा और बंकर बम क्या होते हैं, इसको लेकर भी आपने बड़ी जानकारी दी। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हमास एयरफोर्स के चीफ की मौत हो गई है। हमास को बहुत बड़ा झटका है, IDF के हमले में ये मौत हुई है। 7 अक्टूबर के अटैक में बड़ा रोल था इसका बताया जा रहा है। तेल अवीव पर जो 5000 रॉकेट से अटैक किया गया, इसी ने ही इसे लीड किया था। 7 अक्टूबर के अटैक में इसका बड़ा रोल था और इसकी मौत हो गई, इसे ढेर कर दिया गया। संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर अभी ये इसराइल का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, बहुत कम वक्त रह गया है, हम लगातार काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं, लेकिन रात में कैसे, किस तरह से एयरफोर्स भी पूरी तरह से कह रहे हैं कि मदद ली जाएगी जो इसराइल की एयरफोर्स है, तो रात में कैसे अंजाम दिया जाएगा ऑपरेशन? बहुत अच्छा सवाल है। इसराइली फोर्सेज जो है बहुत आधुनिक है, उनको रात के आले हैं उनके पास, इसलिए जो पिछले 7 दिन से जिस प्रकार से वो लगातार बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अब उसके बाद उन्होंने टनल वॉरफेयर करना है। जो ये टनल्स हैं, जो जितनी भी सुरंगें हैं उसका लेआउट उनको मालूम है, और वो भी उनके पास आले हैं जिससे वो लेआउट का पता करेंगे। लेआउट का पता करने के बाद उनके पास मिसाइलें हैं जो उस टनल्स को बर्बाद कर सकती है। तो प्लान बी के तहत तेल अवीव से अगर एयरफोर्स को बिल्कुल एक्टिव किया गया तो यहाँ से फिर फाइटर जेट्स उड़ेंगे, F-15, F-16, F-35, जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो इनको हेलीकॉप्टर्स हैं, सारे के सारे जो उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या है। इसके अलावा उन्होंने बिजली, पानी, खाना पीना सब बंद कर रखा है, तो वैसे ही वहाँ पे कठिनाई शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद वो गैस का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे सुरंगों के अंदर डालने के लिए, सुरंगों को बंद करने की कोशिश करेंगे जिससे किसी की सांस ना लिया जाए। और बंकर जो बम है वो भी इस्तेमाल यही सुरंगों, यहाँ पे जितनी सुरंगों का एक दफा लेआउट पिछले 7 दिनों से इसराइल यही कर रहा होगा कि सुरंगों का लेआउट, क्योंकि 2007 के बाद जब से इसराइल बाहर निकला है उस पिछले 16 सालों में इन्होंने काफी कुछ अंदर का लेआउट बनाया होगा जिसके बारे में इसराइल को मालूम नहीं होगा। पर अब क्योंकि उनके पास आले हैं, रात को लड़ने के आले हैं, सुरंगों के लेआउट के पता करने के आले हैं, उनको ध्वस्त करने के भी आले हैं। बात सर आपकी तरफ से कही जा रही है कि बहुत ही वेल इक्विप्ड है इजरायली फोर्सेस और इसीलिए चुन चुनकर अपने टारगेट्स को तबाह किया जा रहा है। इजराइल के सेड्रोट से हमास का हमला, सेड्रोट में हमास का एक साथ कई रॉकेट से हमला हुआ, हमास की मिसाइल सड़क पर जाकर गिरी है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस बीच सामने आ गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने है जहां पर सेड्रोट में हमास का हमला हुआ है। तो इस वक्त तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं सेड्रोट से सामने आ रही है जहां पर हमास की तरफ से हमला बोला गया, एक साथ कई रॉकेट से बताया जा रहा है कि ये हमला बोला गया है। हमास की मिसाइल सड़क पर जा गिरी है जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शिवाज सर अब बहुत कम वक्त बचा है, हम दिखा भी रहे लगातार, 5 मिनट और कुछ ही सेकेंड्स का वक्त बाकी है जिसके बाद अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा और हम लोग की शुरुआत हो जाएगी इसराइल की तरफ से। और बात एक बार फिर से हो रही है कैजुअलिटीज की, दोनों तरफ से ही कितने बड़े स्तर पर इस युद्ध में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटम भले ही दे दिया गया था लेकिन पूरे इलाके को खाली करा पाना UN ने भी माना था कि असंभव है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, ये एक चैलेंज था और जो इसराइल ने एक प्रकार से
डेडलाइन दी थी, उसके बाद वो कभी भी हमला कर सकता है। ये जरूरी नहीं है जैसे डेडलाइन खत्म होगी उसके बाद इमीडिएटली हमला करे, हमला करेगा इजराइल अपना सोच समझ के एक टाइम पे। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि लड़ाई हरदम रात को होती है, क्योंकि जो दिन में अगर लड़ाई होगी तो डिफेंडर जो है उसको बड़ा फायदा होता है, वो देख सकता है। वैसे तो आजकल दिन में भी रात को भी दिन जैसा काम हो जाता है, नाइट विजन डिवाइस है, मगर फिर भी ये हमला रात को होगा। और इसके लिए जो अब एयर पार्क का इस्तेमाल, मिसाइल का, रॉकेट का फायर करके उसको सोफन अप, और फिर जो आर्मर्ड व्हीकलों से इन्फेंट्री घुसेगी। मगर ये भी याद रखो कि हमास भी इसके लिए तैयार है, उसने जो कहते हैं कि एंटी टैंक लेआउट बहुत अच्छा कर रखा है, मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है, और उनकी जो डिफेंसिस हैं वो जाती हैं फिर टनल के अंदर। तो ये नहीं होगा इतना आसान इसराइल के लिए भी इतना जल्दी क्रॉस करके वो बिल्टअप एरिया में आ जाएं। तो ये लड़ाई मुझे लगता है लंबी खिंचेगी। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने 150 के करीब सिविलियंस को पकड़ के लेके गए हैं, जिसमें फॉरेनर्स भी हैं, उनका क्या भविष्य है? क्योंकि वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा हमास, अब उससे क्या होगा? मगर ये सच्चाई है, ये आर पार की लड़ाई है और इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है, और ये हमला कभी भी हो सकता है डेडलाइन के बाद, ये कतई नहीं कि अभी होगा। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहना कि अब जिस प्रकार से सीज कर लिया गाजा को, उसका एक प्रकार फ्यूल भी काट दिया, फूड भी काट दिया, बिजली पानी, मगर हमास के पास सब सम्मान सारे चीजें टनल्स के अंदर है, और अभी भी ये टनल ब्लॉक नहीं है, ये इजिप्ट की तरफ भी निकलती है, लेबनान की तरफ भी निकलती है, वहां से भी ये मूवमेंट होती है। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मगर ये भी सच्चाई है, इसराइल की काबिलियत और क्षमता को देखते हुए हम यही कहते हैं कि लड़ाई चलेगी लंबी। बड़ी खबर का मैं रुख करने जा रही हूँ, उत्तरी गाजा में इसराइल का एयर अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरी गाजा से। ये वही इलाका है जिसे खाली करने का अल्टीमेटम बकायदा दिया गया था, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ है, इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हमास के लिए ह्यूमन शील्ड बने रिहायशी इलाके, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी इस बीच सामने आई हैं, देखिए आप नॉर्थ गाजा की ये तस्वीरें, उत्तरी गाजा की ये तस्वीरें जहां पर इसराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है। ये रिहायशी इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर भीषण मिसाइल हमला हुआ है। तो इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया है, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। गाजा में इसराइल का भीषण अटैक, ये एयर स्ट्राइक की गई है और टनल को टारगेट किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने है, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमले की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर इमारतों के बीच हमास के टनल को निशाना बनाया गया। हमास के लिए एक तरीके से जो रिहायशी इलाके वो अब तक ह्यूमन शील्ड के तौर पर काम करते आ रहे हैं, और इन्हीं इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम भी इसराइल की तरफ से दे दिया गया था कि आप इन इलाकों को खाली करें और दक्षिणी गाजा का रुख करें। फिर हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां लंबा जाम लग गया था उन लोगों का जो पलायन कर रहे थे, अपना घर बार छोड़कर यहां से जा रहे थे, और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मिसाइल अटैक होने शुरू भी हो गए। हमास के लिए हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ह्यूमन शील्ड बने हैं, ये तमाम रिहायशी इलाके इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया, तो रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ। बिल्कुल नॉर्थ गाजा की तस्वीर दिखा रही है प्रतिमा आपको, और इस बीच क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल की सूचना मिल रही है कि इसके जरिए बड़ा हमला करेगा इजराइल, और उसके बाद और इन बम्स के सहारे, यानी जो इन बॉम्ब्स के सहारे, जो बंकर बॉम्ब्स के सहारे ये सुरंगों पर अटैक किया जाएगा और इन सुरंगों को नष्ट नाबूद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर होस्टेज भी हो सकते हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि बहुत घनी आबादी वाला इलाका था जिन्हें पूरा शिफ्ट करने को कहा गया। ये हमास जो है ये ह्यूमन शील्ड यहाँ के वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी इस्तेमाल करेगा, और ये जो होस्टेजेस हैं उनको भी इस्तेमाल करेगा, जिससे कि इसराइलियों को हमेशा अपने लोगों का बहुत ख्याल रहता है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रहता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो यकीन करेंगे कि सुरंगों से पहले ही वो एक तरीके का प्रोपेगेंडा करेंगे कि आपके 10 होस्टेज इसके अंदर हैं, तो वो उस के ऊपर उस तरीके से हमला ना करें, इस तरीके से सोच रहे हैं। बंकर बम की जो कैपेसिटी होती है वो किस तरह की, क्योंकि ये टेरेन किस तरह का है, ये जितने हैं 10 से 12 मीटर जो जमीन के नीचे होंगे, सुरंगे जो हैं 10 से 12 मीटर जमीन के नीचे होंगे, और ये जो नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से सुरंगे जा रही होंगी,
उन सुरंगों के बीच में छुपे होंगे। अल्टीमेटम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, गाजा की उल्टी गिनती के आखिरी जो वक्त थे, आखिरी जो समय था वो भी खत्म हो चुका है, यानी जो अल्टीमेटम का समय है वो खत्म हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, इजरायली समय के हिसाब से अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है, यानी कभी भी गाजा के उत्तरी इलाके में एक्शन इजराइल का शुरू हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, इजराइल के अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन हमास के खिलाफ यहां शुरू हो सकता है। गाजा के उत्तरी इलाके को खाली कराने का अल्टीमेटम इजराइल की तरफ से दिया गया था, जिसका वक्त अब खत्म हो चुका है। ऐसे में किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हमारे साथ एयर मार्शल राजेश जी मौजूद है। सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रात के वक्त में अगर ऑपरेशन किया जाता है तो किस तरीके से एयरफोर्स उसको अंजाम देगी? देखिए, एयरफोर्स तो ज़रूर इस तरीके से उनके पास रात में अटैक करने के बहुत सारे साधन हैं, और किसी न किसी तरह से जो डिसएडवांटेज होता है डिफेंडर का रात को ही होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन रिवील कर देता है किसी तरह से। जैसे आप बाहर निकले, थोड़ी टॉर्च की लाइट लगा दी तो आप पकड़े जाओगे, या कोई भी एक थर्मल सिग्नेचर अगर आप दोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा और आइडिया हो जाएगा कि इस तरफ से एंट्री है या एग्जिट है। तो अब आप ये देखिए, जो 10 से 12 मीटर नीचे जो सुरंग है उसके लिए जो बंकर पेनिट्रेटर बॉम्ब्स हैं वो शायद वहाँ तक इतनी डेप्थ तक ना पहुँच पाएँ। तो जहाँ पे उनकी जो एंट्रेंसेज हैं उसको एयरफोर्स ज़रूर टारगेट करेगा। और टनल्स के अंदर एक ये होता है कि अगर बड़े कैलिबर का बॉम्ब आप वहाँ डालें और उसके एंट्रेंस पे डालें तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका जो ब्लास्ट का इफेक्ट है वो टनल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसकी वजह से लोगों की मौत जो है बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो यही मेरी जो है ये मेरा एस्टिमेशन है, और देखते हैं कि किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, हाँ। किस तरह के टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सिवा सर, चूंकि आप खुद भी इसराइल में रहे हैं, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसराइल के इस तमाम ऑपरेशन को अंजाम देना बिना इंटरनेशनल एजेंसीज के संस्थाओं के निगाह में आए हुए, क्योंकि उन्होंने लगातार आगाह किया है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज बड़े स्तर पर हो सकती है। जिस तरीके से आप बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और अब चूंकि अल्टीमेटम का समय खत्म हो गया और आगे की तरफ बढ़ रही है लगातार। देखो, सच्चाई यह है कि हमास की स्ट्रेंथ क्या है। हमास की स्ट्रेंथ है उसकी टर्न एंड डिफेंसिव, अमान की स्ट्रेंथ है कोलैटरल डैमेज के लिए ह्यूमन सीट, उनका वो इस्तेमाल करेगा, उनको जाने नहीं दे रहा सिविलियंस को। अभी आर्टी फायर, रॉकेट फायर, एयर पावर से फायर होगा, मगर वो इन इलाकों में से सिविलियन को नहीं जाने देगा और अपने टनल से बाहर नहीं निकलेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक प्रकार इजरायली फोर्स के लिए कि टनल के अंदर कैसे घुसें, एंट्री करें, क्योंकि घुसना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर निकलेंगे नहीं। जिस प्रकार से सोच रहे शायद गैस का इस्तेमाल करें, उसके लिए भी वेल इक्विप्ड है, उनका समाधान भी सब कुछ है। तो ये लड़ाई एक बहुत ही नई लड़ाई होगी कि जो कि बंकर्स के अंदर नहीं बल्कि टनल्स में होगी। टनल्स की एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट भी इतनी मुझे नहीं लगता कि शायद इजराइल को पता हो, तो वो कोशिश करेगा, मगर एक बार आपको एंट्री मिल गई टनल्स के अंदर तो फिर इजराइल की जो फोर्स है वो मुझको लगता है मूव करेगी उन टनल्स में और इनको बर्बाद करने की कोशिश करेगी। मगर एक चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये टनल्स हैं, ये जो हमास है ये एक प्रकार से कन्वेंशनल वारफेयर लड़ने वाले फौज नहीं है, ये गुरिल्ला टाइप हैं और ये बड़े और ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। और ये बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई होती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, और डिफेंडर, जो डिफेंडर होता है उसको फायदा होता है अटैकर की बजाय। टैंकों का इस्तेमाल, बड़ी गाड़ियों नहीं, इन्फेंट्री को अंदर घुसना पड़ेगा और टनल के अंदर घुसना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि टनल को मुझे हमास छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे ये, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ उसमें है। और दूसरा, ये बात कर ही रहे हैं कि जो सिविलियंस कैजुअलिटी, जो सिविलियंस को पकड़ा हुआ है उनका क्या करेगा, ये जो एक्शन हो रहा है या फिर होने वाला है उसमें ये हमास को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे आपको लगता है, या फिर ये लड़ाई लंबी चलने वाली? देखो, ये लड़ाई मुझे लगता है लंबी चलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी हमास हाथ खड़े करने वाला नहीं, क्योंकि हमास ने तैयारी 2 साल से कर रखी है, उसने हर चीज को देख लिया। उसने अपनी जो है, इजराइल से अभी अभी की एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है, हिजबुल्ला की इजराइल पर बमबारी। जी हाँ, लेबनन का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी।
ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए किस तरह से हिजबुल्ला एक्टिव हो गया है। सैन्य ठिकाने जो इसराइल की तरफ से बनाए गए थे नॉर्थ गाजा में, वहां पर इसराइल पर बमबारी की है हिजबुल्ला ने। आज सुबह खबर मिली थी कि इसराइल ने जो हिजबुल्ला के ठिकाने वहां पर बमबारी की, और अब हिजबुल्ला ने पलटवार करके इसराइल पर बमबारी की है। मैं चाहूंगी कुलकर्णी सर, ये लेबनान है, ये लेबनान जो कि सीधा लेबनान बॉर्डर कनेक्ट करता है इसराइल से, और यहाँ पर ये देखिए ये सीरिया है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से अटैक हुआ है। और लेबनान का चरमपंथी संगठन है हिजबुल्ला, उसने अटैक किया है। ये है लेबनान के, उनको मालूम है इसराइल को कि लेबनान जो है हिजबुल्ला जो दूसरा आतंकवादी संगठन है जो लेबनान में है वो हमला करेगा। उस हमले से बचने के लिए इसराइल ने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, यकीन करने के लिए कि हिजबुल्ला जो है इस लड़ाई के बीच में दखलअंदाजी ना दे, ईरान सीरिया के बीच में ना करे। इसलिए सीरिया के दो जो एयरफील्ड हैं उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया कल रात, तो सीरिया को वहाँ किया, इधर लेबनान को कि हिजबुल्ला जो है इधर दखलअंदाजी ना करे इस लड़ाई में, इसलिए उन्होंने अपनी यहाँ पर तैनाती कर रखी है जिससे लेबनान को इधर संभाल ले। और वहाँ पर इस प्रकार से गाजा पट्टी में जो है पूरा जोर, ये जो आर्मी मूवमेंट है ये इसराइल का यहाँ लेबनान बॉर्डर पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा हरकत होगी। लेकिन इसराइल का आज मकसद ये होगा कि पहले वो काम खत्म करे गाजा पट्टी। मैं आपको इस वक्त रोक रही हूं सर, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आ गया है। तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए आप हमास के लड़ाके किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने है, ये लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का। तो इजरायली फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं हमास के लड़ाके, और किस तरीके से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमास के लड़ाके इन वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको दोनों ही तरफ की फोर्सेस नजर आएंगे। एक तरफ तो हमास के आतंकी कहा जा सकता है कि आपको ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ IDF के यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो सैनिक हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। किस तरीके से उनके सैन्य वाहन आगे की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि गाजा बॉर्डर का रुख कर रही है। तस्वीरें सामने आ रही है युद्ध क्षेत्र से। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो, और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस किस तरीके से गाजा बॉर्डर का रुख कर रही हैं। सैन्य वाहन बड़ी तादाद में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान बॉर्डर से इजरायल पर हमला हुआ है, बहुत बड़ी खबर। इजरायल पर मिसाइल से हमला किया है और IDF ने भी लेबनान पर रॉकेट दागे हैं। इसराइल ने पलटवार करके जवाब दिया है, मिसाइल से जो हमला किया गया लेबनान की तरफ से, तो इसराइल की जो फोर्स है डिफेंस फोर्स उसने रॉकेट दाग दिए हैं, पलटवार किया है। तो ये बहुत बड़ी जो लड़ाई का विस्तार है वो लेबनान तक पहुंच चुका है। लेबनान बॉर्डर से इसराइल पर हमला हुआ और फिर इसराइल ने पलटवार किया। इजरायली अल्टीमेटम के बीच अभी अभी सबसे बड़ी विध्वंसक खबर सामने आई है, गाजा के पास इजरायली टैंकों का जमावड़ा नजर आ रहा है। अटैक के बाद बता दें बड़ी संख्या में इसके लिए टैंक तैनात है, थोड़ी ही देर में बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो गाजा के पास इजरायली टैंकों का जमावड़ा तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। माना जा रहा है अटैक के लिए बड़ी संख्या में ये टैंक तैनात कर दिए गए हैं, और अब से कुछ ही देर बाद बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दिया, इजरायली फोर्स ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है, ये बड़ी खबर है। शाम 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगा ऑपरेशन, बंधक ऑपरेशन के एक्सपर्ट अफसर शामिल। इमारत टनल में आज रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इन ग्राउंड ऑपरेशंस की सारी फीड इसराइल में बैठे सीनियर कमांड सेंटर मॉनिटर करते रहेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आने के बाद कमांड सेंटर से एडिशनल फोर्सेस और अटैक हेलीकॉप्टर उस लोकेशन पर कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगी, ये बड़ी खबर सामने आपके।
और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये, इजरायली टैंक की फायरिंग शुरू हो चुकी है। गाजा सीमा के पास इजरायली टैंक्स ने पोजीशन ले ली है, ये बहुत बड़ी खबर है। इजरायली टैंक्स पूरी तरह से तैनात है और आज की रात कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म हो रहा है लोगों के लिए पलायन का। और इस वक्त जो खबर मिल रही है, पोजीशन टैंक्स ने ले ली है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, गाजा सीमा पर तैयारी पूरी है, तो उधर गाजा के भीतर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर बड़े पैमाने पर लोगों का जाना भी जारी है। हमारी टीम को इस मिलियन मार्च की कुछ हवाई तस्वीरें हासिल हुई है, जो आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया इसराइल की तरफ से लोगों को कि वो यहां से निकल जाएं, क्योंकि यहां पर इसराइल की ओर से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है, और किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग अब इस इलाके से पलायन कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए, समझिए किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी का माहौल होगा, क्योंकि वो घड़ी नजदीक आ रही है। हम टाइमर भी बीच बीच में आपको दिखाएंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि वो घड़ी कितनी नजदीक आ चुकी है, क्योंकि इजराइल की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाना है। इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था गाजा के उत्तरी इलाके को खाली कर दक्षिणी इलाके में ये लोग मूव हो जाएं, इस बात का लोगों को संदेश दे दिया गया था। और अब जाम की स्थिति हो गई है यहां से, क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं, अपना घर से जितना जरूरी सामान वो ले जा सकते थे वो ले जा रहे हैं और फिर यहां से मूव कर रहे हैं। ये तस्वीरें और विस्तार से आपके सामने हम रखेंगे, ताकि आप समझ सके कि इस वक्त हालात किस तरीके से भयावह बने हुए हैं। गाजा की जो तस्वीरें हैं वो क्या बता रही है, एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बता दें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अश्विनी सुभाष सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ एयर मार्शल राजेश कुमार निधि के साथ मौजूद है, उनका भी आगे हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अश्विनी सुभाष सर, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को जो लगातार सामने, क्योंकि वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब इसराइल की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि हम बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखो प्रतिमा, इसमें कोई शक नहीं, पूरी लड़ाई की तैयारी कर रखी है। अभी ये ऑफेंसिव होने वाला है इजराइल का, उससे पहले जो प्रिलिमिनरी प्रीएम्प्टिव एक्शन करने होते हैं इजराइल ने वो कर लिए हैं, उसके टैंक रेडी हैं, बीएमपी गाड़ियां रेडी हैं, आर्मर जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं वो भी रेडी हैं, उनके बाद आर्टी गन्स वगैरह और मिसाइल रॉकेट ये भी फायर करना स्टार्ट करेंगी। और अब जिस प्रकार से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि एक पैलेस्टीन के जो सिविलियंस हैं वो नॉर्थ के इलाके को छोड़ के चले जाएं साउथ में, वो भी होगा। उसकी वजह ये है, हाँ। क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज्यादा जबरदस्त चलने वाली है, क्योंकि हमास की डिफेंसिव टनल डिफेंस है, वो ऊपर नहीं लड़ेंगे, वो टनल डिफेंसिस के अंदर है और वो ऐसे इलाकों में है जहां पर रियासी इलाके हैं, वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये लड़ाई होगी और जब ये अंदर गाजा पट्टी के अंदर लड़ाई स्टार्ट होगी, तो ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई होगी, और बिल्टअप एरिया की लड़ाई जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, और वो डिफेंडर के लिए आसान है, अटैकर के लिए काफी मुश्किल है। हम टेक्निकलिटीज पर भी बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुलकर्णी सर, ये तादाद छोटी मोटी नहीं है, 11 लाख लोगों को एकाएक आपने कह दिया कि इन इलाकों को खाली कीजिए, क्योंकि हम बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और ये देखिए, हम टाइमर भी लगातार दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द वो एक्शन होने वाला है, और इसीलिए जाम की स्थिति वहां पर बन गई है, लोगों को जो समझ में आया वो उठाकर वो चलते बने। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन चेन है, सिवाज सर बता रहे थे, कुलकर्णी सर जो प्रतिमा सवाल पूछ रहे हैं कि कितना मुश्किल होगा, अभी चुनौती कितनी ज्यादा होगी, ये गाजा पट्टी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मॉडल बनाया है, ये है गाजा पट्टी और इसी का ब्लो अप है ये जो नजर आ रहा है। ये जो गाजा पट्टी है ये 40 किलोमीटर लंबी है, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है, टोटल इलाका 365 स्क्वायर किलोमीटर है, आबादी 22 लाख की है, लेकिन जो अब कयामत की रात है वो है नॉर्दर्न पोर्शन पे, नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी, यहाँ से जो 11 लाख मैंने कहा 22 लाख की आबादी है, 11 लाख लोग जो है यहाँ बसते हैं, जिन्हें
24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो इस गाजा पट्टी को खत्म हो रहा है, वो खत्म होने को आ रहा है। सारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है बंद है, एक ही पॉइंट है यहाँ पे जो राफा का पॉइंट है जो मिस्र के साथ है, वो उन्होंने खोल रखा है। पर मिस्र ने भी अपनी बॉर्डर बंद कर दी। बिल्कुल, ये जो गाजा पट्टी है मिस्र के साथ 11 किलोमीटर लगती है और जो भी पलायन करना है लोगों ने यहाँ से, ये सारी जगह से इसराइल से घिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसराइल ने घेर रखा है और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर है वो एक तरफ है। तो आप समझ सकते हैं कि 11 लाख लोगों को 24 घंटे दिए पलायन, चाहे उन्होंने सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट बोलते हैं जिस प्रकार से पिछले 7 दिन से लगातार बमबारी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट है स्पेशली नॉर्थ गाजा, ये जो नॉर्थ गाजा है गाजा सिटी है, इसको जिस प्रकार से पिछले 7 दिन में लगातार हवाई जहाज के बम्बार्डमेंट के द्वारा ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा टैंक्स भी हम देख रहे हैं, ये देखिए टैंक्स जो हैं ये अभी नॉर्थ गाजा में हैं। बिल्कुल, अब ये जो टैंक्स हैं ये देखिए, ये बिल्कुल आपने जो कहा ये जितने टैंक्स हैं ये पिछले 4 दिन से खड़े हैं इस उम्मीद से कि कब उनको वक्त मिलता है और कब आदेश मिलता है कि वो गाजा पट्टी को जा करके पूरा का पूरा शहर। लेकिन गाजा पट्टी में जो है जितनी गाजा पट्टी के जो इमारतें ऊपर थी उतनी ही नीचे भी टनल्स हैं, उस टनल्स के साथ यकीन करना है जब ये लड़ाई ऑफेंसिव जाएगा, ये ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है। जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि अगले 40 मिनट में शायद ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा, 7 बजे के आसपास ग्राउंड ऑफेंसिव जाने की उम्मीद है, उसको उस उम्मीद से ये लगाई जा सकती है कि गाजा पट्टी जो है कि किस प्रकार से उसको बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि ध्वस्त किया गया है, इमारतें गिरा दी गई हैं, लेकिन टनल में तो लोग उम्मीद हो सकती है जो फाइटिंग बिल्टअप एरिया बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं टनल जो है, अगर मैं ये और व्यापक तरीके से इस मैप पे आए, इस नक्शे पे आए, इजरायली तैनाती के बीच हमास का एक्शन, ये बड़ी खबर सामने आ रही जहां हमास के लड़ाकों का मोर्टार से हमला हुआ। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मोर्टार से हमले से जुड़ी हुई खबर, इजरायली ठिकानों को किस तरीके से टारगेट किया गया है ये देखिए आप तस्वीरों में। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हमास के लड़ाके मोर्टार से हमला करते हुए नजर आए, ये आप देखिए जरा। तो ये इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायली तैनाती के बीच हमास के एक्शन का ये वीडियो सामने आया है। हमास के लड़ाके किस तरीके से मोर्टार से हमला कर रहे हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इजरायली ठिकानों को इन लड़ाकों द्वारा टारगेट किया जा रहा है और मोर्टार का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, इजरायली ठिकानों को ये टारगेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने। आगे बढ़े उससे पहले देखिए 33 मिनट का ही वक्त बाकी है जिसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाना है उत्तरी गाजा के हिस्से में, जहां के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के लड़ाकों की तैयारी वाली तस्वीर भी सामने आई है। एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है, कंधे पर लॉन्चर लिए दिखा हमास का लड़ाका, ये तस्वीरें आप देखिए जरा। एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी की जा रही है, वार पलटवार का दौर जारी है और दोनों ही तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली। ये हमास के लड़ाके की तस्वीर है जिसमें वो किस तरीके से तैयार नजर आ रहा है, ये आप देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, गाजा बॉर्डर पर बढ़ रहा है इजरायली मूवमेंट, ये हम आपको खबर बता रहे हैं। इजरायली सैन्य तैनाती बढ़ गई है, डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, इजरायली सैन्य गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है। ये देखिए टैंक्स मूव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी अल्टीमेटम दिया था कि नॉर्थ गाजा से लोग खाली कर दे, एक घंटे बाद बड़ा अटैक करने वाला है इजरायल, इसीलिए लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। नॉर्थ गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल है और ये टैंकों का मूवमेंट आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो एक बार फिर से हम तस्वीरें बता दें, एक घंटे बाद बड़ा अटैक करेगा इजरायल और इसीलिए टैंक्स का मूवमेंट तेज हो गया है, जो सैन्य डिप्लॉयमेंट है, जो सैन्य तैनाती है वो बढ़ गई है इजरायल की तरफ से। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबकी नजरें इस वक्त नॉर्थ गाजा पर ही है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की कोशिश अब इजरायल की तरफ से की जाएगी। एक बड़ा सैन्य काफिला इस वक्त हम देख सकते हैं इस नॉर्थ बॉर्डर पर, जो गाजा बॉर्डर है, नॉर्थ साइड जो बताया जा रहा है नॉर्थ गाजा, और यहाँ पर एक बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं। एक ऐसा गाड़ियों का काफिला जो बता रहा है कि तैयारी इजरायल की बड़ी है,
इसराइल की सेना पूरी तरह से तैनात यहाँ पर होना चाहती है। हर चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाले हुए इसराइल की सेना, और यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो एक तरफ गाजा में बड़ी आबादी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके के हालात बने हुए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए, जगह बदलने की स्ट्रैटेजी, 11 लाख फिलिस्तीनी किस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इन्हें मूव किया गया है। ये गाजा पट्टी का पूरा इलाका यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गाजा पट्टी का इलाका है जहां पर इनको मूवमेंट करने के लिए कहा गया, अल्टीमेटम दिया गया बकायदा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये लोग मूव कर गए हैं। इसराइल ने अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व में मूव, दक्षिण से उत्तर की ओर मूव कर दिया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। यहां पर फिलिस्तीनियों को मूव किया गया दक्षिण की तरफ, तो इसराइलियों को मूव किया गया उत्तर की तरफ। इसराइल ने फिलिस्तीन के 11 लाख लोगों को उत्तर से गाजा से दक्षिण गाजा जाने को आदेश दे दिया, और अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर में भेज दिया है। तो इस पॉपुलेशन मूवमेंट की स्ट्रैटेजी, इसके पीछे क्या हो सकती है, इसका महत्व समझने की कोशिश अपने एक्सपर्ट से भी हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से घड़ी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। समय समझना बहुत जरूरी। एक बार फिर से जरा वो काउंटडाउन दिखाइए, कितना वक्त बाकी है जो एक्शन है। ये लीजिए, 29 मिनट का ही वक्त बाकी है जिसके बाद, क्योंकि उल्टी गिनती लगातार जारी है, अल्टीमेटम का वक्त नजदीक आता जा रहा है। राजेश जी, एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक्शन भी लिया जाना है, लेकिन इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ मूव हो जाइए। फिलिस्तीनियों को आपने अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन अपने 4 लाख नागरिकों को आपने नॉर्थ में क्यों भेजा, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? इसके पीछे तो यही समझ में आता है कि जो उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनूवर चाहिए, इतने सारे टैंक्स हैं, इतने सारे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो किस तरफ से आएंगे, क्योंकि एक डेडलाइन तो दे दी है उन्होंने। इस ज़रूरी नहीं है कि डेडलाइन के तुरंत बाद ही वो अटैक करें, वो ज़रूर उन्होंने रणनीति बनाई होगी, क्योंकि फाइनली जो लड़ाई है वो तो अंडरग्राउंड ही लड़ी जाएगी, पैदल लोगों से चढ़ी जाएगी, टैंक तो उनको वहां तक पहुंचाएंगे, इन्फेंट्री व्हीकल्स उनको वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो उनको अंदर घुस घुस के, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, बेसमेंट टू बेसमेंट, टनल टू टनल, जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमास के वो लड़ाकू हैं उनको वो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। और वो भी तैयार हैं, डेडलाइन भी निकल चुकी है, पॉपुलेशंस भी मूव हो चुके हैं, तो अब डेफिनेटली हमास भी पूरी तैयारी में है। सर, ये मूवमेंट आपको टेम्पररी लगता है या फिर ये परमानेंट है, क्योंकि यहाँ से लोगों को हटाना और अपने लोगों को बसाना, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी, इसे हम बहुत दूर का सोचा समझा प्लान मान के चले क्या? नहीं, ये जो इजरायली की मूवमेंट है ये तो टेम्पररी लगती है, ठीक है, ताकि वो क्रॉस फायर में ना आ जाए। हमास कैसे, वो तो हमास की पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, फिलिस्तीनी पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, ये तो युद्ध का जो रिजल्ट है वो ही हमें बता पाएगा। तो अपने लिए क्या इनसाइड सपोर्ट की भी कोशिश की जा रही है, बात सर आपको चार्ट करना चाह रहे हैं। देखो, सच्चाई ये है कि ये बड़ी सोची के साथ रणनीति बनाई है इजराइल ने, और जिस प्रकार से पैलेस्टीनियों को नॉर्थ से साउथ में किया है, तो वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो पैलेस्टीन सिविलियन, एक तो कोलेट्रल डैमेज में मारे जा सकते हैं, दूसरा ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं हमास को। अब इनसाइड सपोर्ट इनका रहता है। अब सच्चाई ये है कि अब जो लड़ाई लड़ेगा इजराइल, उसके ये 3-4 पहलू हैं। पहले उन्होंने एयर पार से सोफन अप करेगा, फिर जब उसने HR जिसको बोलते हैं, जब असली लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले वो आर्टिफायर करेगा, रॉकेट फायर मिसाइल करेगा, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, और उसके बाद जो इन्फेंट्री है वो आर्मर्ड व्हीकलों में चलेगी यहाँ पर, क्योंकि बिल्टअप एरिया है। मगर एक चीज का ध्यान रखना प्रीतिमा, कि क्या हो रहा है कि जो हमास है उसने मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है, और उसके जो लड़ाई है वो ज्यादातर होगी टनल में, वहां छुपे हुए हैं, और उसके साथ उन्होंने माइन फील्ड बहुत लगा लिए हैं, बूबी ट्रैप्स लगा लिए हैं, और ये भी एक है जो दुखती हुई कड़ी इजराइल की, जो 150 से ज्यादा उन्होंने एक प्रकार से प्रिजनर बना रखे हैं, जिनको वो लेके चले गए हैं हमास, उनका क्या होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसराइल भले ही हमास को खत्म करने के लिए उत्तरी गाजा खाली करा रहा है, लेकिन उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कैसे, आइए इसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है।
यानी कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है, लेकिन इतने छोटे क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं, जो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। ये टनल जमीन के नीचे 10 से 12 मीटर की गहराई में है। इसकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर है, और इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल उठता है, इतनी सुरंगें क्यों बनाई गई, इन सुरंगों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो आइए इसे भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। गाजा पट्टी में 3 प्रकार की सुरंगें बनाई गई हैं। पहली, सामानों हथियारों की तस्करी के लिए, जो टनल के जरिए मिस्र और गाजा को जोड़ती है। वहीं दूसरी, सुरक्षा के लिए, जैसे लड़ाकों को रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना और हथियारों का भंडारण करना। तीसरी जो प्रकार की टनल है वो है जिसके जरिए हमास लड़ाके इसराइल में घुसपैठ करते हैं। तो ये जो है हम आपको बता रहे हैं 1, 2, 3। अब जो चुनौती है वो सुरंगें हैं जो सामने आई हैं। मैं चाहूंगी कि जो कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए कुलकर्णी सर, ये जो सुरंगें हमने देखे, ये 5 इलाके हैं और सुरंगें एक सबसे बड़ी चुनौती, जिनकी डिटेल के बारे में जानकारी हमने दी, अब इससे कैसे निपटा जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है, बिकॉज गाजा पट्टी में जो है ऊपर, ये चाहे नॉर्थ गाजा हो या गाजा सिटी हो, यहीं पर 11 लाख लोग बसते हैं, 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, बाकी तकरीबन 7-8 लाख लोग इधर हैं। ये 11 लाख लोग अगर पलायन भी करते हैं, हमास जो है पूरा का पूरा उसका लॉजिस्टिक्स, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया में सबसे बड़ी तकलीफ अगर होती है तो वो, क्योंकि जो डिफेंडर है वो अंदर अंदरूनी पूरे सुरंगों के अंदर। अगर आप टेबल पे समझाएं तो यहाँ पे सैनिक भी हैं। ये देखिए, अगर आप देखिए, ये जो सुरंगे हैं, ये सुरंगे अंदर होंगी। अब इन सुरंगों के अंदर जाकर के हमलावर को जाना बहुत कठिन होता है, यानी कि वो तो मौत के घाट जा रहा है, बल्कि जो डिफेंडर है वो इंतजार कर रहा है कि जो हमलावर है सुरंगों में घुसे। इजरायली जो है वो कभी भी सुरंगों के अंदर नहीं घुसेंगे, उनको अगर बाहर निकालना है। 1300 से ज्यादा हमास ने सुरंगे बना रखी, सुरंगों को बाहर निकालने के लिए जैसे कहा जा रहा है कि फास्फोरस एमिनेशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का वो इस्तेमाल करेंगे कि जिससे कि जितने भी लोग सुरंगों के अंदर हैं ये बाहर अपने आप निकलेंगे, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये बाहर के जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्टिलरी की गाड़ियां हैं, ग्राउंड ट्रूप्स हैं, उसके अलावा आपके F-15 एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सैनिक हैं तो सुरंगों के अंदर कहां इस तरह से, ये जो आप दिखा रहे थे, मैं कह रही हूं चैलेंज कितना बड़ा है। अगर यहां पर होस्टेजेस होंगे तो फिर कैसे छुड़ाएं? बहुत बड़ा चैलेंज, सुरंगों के अंदर लड़ना मतलब जान देने बराबर है, बहुत मुश्किल होगा इसराइलियों को सुरंगों के अंदर लड़ना। वो पर सुरंगों के अंदर नहीं लड़ेंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि ये जितने भी हमास के लोग हैं या जो भी लड़ाकू हैं इनको बाहर निकाला जाए, और बाहर निकालने का तरीका है उनको गैस करना। पर ऐसे में रसद भी सर यहीं से पहुंचाया जाता, तो बहुत सारी सुरंगें, कितनी भी सुरंगें हों, सुरंगों के अंदर जाकर के लड़ना नामुमकिन के बराबर है। आप कैसे लड़ेंगे सुरंगों के अंदर जाना, लेकिन उनको आदमियों को सुरंगों से बाहर आप कैसे निकालेंगे? जब उसको गैस करेंगे आप उसमें इस तरह के, जब आप गैस डालेंगे सुरंगों के अंदर तो आदमी जो अपने आप बाहर आएगा, क्योंकि उसको सांस लेने की तकलीफ होगी, उसको कुछ नहीं देखेगा, तो अपने आप वो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो मारा जाएगा, और इसराइल ने यकीन किया होगा बाहर आएगा तो फिर टैंक्स भी हैं। ये सारे के सारे, मतलब ये जो जितने आपके सोल्जर्स हैं ये उनको वहीं पे मार देंगे। तो इसराइल ने यकीन किया है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया वो जानते हैं बहुत मुश्किल है, और उस चीज को आसान करने के लिए पिछले 7 दिन से वो लगातार इसको अब चैलेंज ये है कि इन सुरंगों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जल्दी से बता देते हैं, जैसा कि कुलकर्णी सर बता रहे हैं चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या चुनौतियां आएंगी? गाजा पट्टी में सुरंगों का इतना लंबा चौड़ा जाल है, तो इजरायली फोर्स के लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी यहां पर जाकर हमास के लड़ाकों को मारना? ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा पट्टी में ऑपरेशन के लिए इजरायली फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती टनल की खोज करना। अब टनल्स भी बहुत सारी हैं, और दूसरी चुनौती, अगर टनल खोज भी ली गई है तो उनमें हमास लड़ाकों को खोजना और उन्हें पकड़ना। फिर तीसरी चुनौती ये होगी कि सुरंगों के अंत तक पहुंचना और उनके नेटवर्क का पता लगाना, और चौथी चुनौती फिर ये होगी साथ साथ गाजा पट्टी में सुरंगों के जाल को खत्म कर देना। पिछले कुछ सालों में गाजा के टनल नेटवर्क से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 2008 में टनल में घुसते वक्त इजराइल ने अपने 9 सैनिकों को खो दिया था, जबकि 2014 में भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ही टनल में एंट्री करते वक्त 66 इजरायली सैनिक मारे गए थे। तो आसान नहीं है इतना, और इसके चलते इजरायली फौज को उल्टे पांव लौटना भी पड़ा था।
तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशनल टास्क है। गाजा सीमा पर तैनाती के लिए और टैंक्स रवाना कर लिए गए हैं। गाजा सीमा पर हलचल और तेज हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 मिनट कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है जब बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ऐसे में टैंक्स का मूवमेंट किस तरीके से तेज होता हुआ दिख रहा है ये आप देखिए। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की लेटेस्ट हलचल का वीडियो। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, इजरायली अल्टीमेटम के खत्म होने में अब कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। बता दें गाजा में अफरा तफरी का इस बीच माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, गाजा में लोगों के भागने का ये लेटेस्ट वीडियो नजर आया, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा है कि इजरायल अब रुकने वाला नहीं है। इजरायल ने अल्टीमेटम भी दिया था, इन इलाकों को खाली करने को भी कहा था, और अब तस्वीरें इस बीच सामने आ रही है जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग जहां तहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 19 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली है। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था। शुरुआत में खबर ये भी आ रही थी कि गाजा में कई सारे लोगों ने डिनाई कर दिया था कि हम अपना घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी। देखिए डिनाई तो किया था, और हमास ने भी उनको कहा था कि आप छोड़िए मत, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको पता है कि इसराइल कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन तो करेगा ही। तो जिन लोगों को लगा कि वो हमास के सामने उनकी ह्यूमन शील्ड नहीं बनना चाहते हैं, उन्होंने पलायन करने का सोच लिया है। जो उनके कट्टर जो उनके साथ हैं तो वो ज़रूर उनके साथ लड़ेंगे, और वो ये ज़रूर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सिविलियन हैं, हमें मत मारो। और उनके पीछे हो सकता है हमास या कोई और खड़ा हो। तो और जितने भी ये टनल्स के जो हमने बात करी है, उनके जितने भी एंट्रीज हैं सब बेसमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट्स के थ्रू हैं। तो उससे उसके थ्रू आप नीचे जाएंगे 10-12 मीटर, और फिर साइड टू साइड उसका मैप भी नहीं है आपके पास, सीक्रेसी बनाई हुई है, और बूबी ट्रैप्स हैं वहाँ पे, तो और माइंस हैं, तो कैसे उसका ऑपरेशन आप करेंगे। आपको जरूर उनको किसी ना किसी तरीके से ऊपर लाना पड़ेगा। जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे, और आपने देखा भी अभी अपनी तस्वीरों में हमास की जो फाइटर्स हैं उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल तैनात करके रखे हैं। बिल्कुल, और जैसे ही ये टैंक्स ये इन्फेंट्री व्हीकल्स अंदर जाएंगी, क्योंकि सर वक्त बहुत कम बचा है, हम एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वक्त बहुत कम बचा है। देखिए 17 मिनट 52 सेकंड, ये वक्त हमेशा सेकंड्स जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। 17 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है। सिवाज सर, इस बीच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गाजा जहां पर बड़ा एक्शन होने वाला है, गाजा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जा रहा है, वहां पर इसराइल के लिए एक्शन लेना या एक्शन करना कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है। अल्टीमेटम तो आपने दे दिया, लेकिन ह्यूमन कैजुअलिटीज के बगैर एक्शन ले पाना कितना आसान होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुश्किल होगा, ये सच्चाई है, ये एक बड़ा चैलेंज है। मगर इसराइल को इसका ब्लूप्रिंट पता है और उसको मालूम है कि ये जो टनल्स हैं इनके एंट्री पॉइंट कहाँ हैं। देखो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई सबसे ज़्यादा टनल की होगी, क्योंकि अगर टनल के अंदर हमास अंदर रहे तो जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और ये निकलेंगे नहीं, ये सोचना कि हमास को आप गैस इन करके बाहर निकाल देंगे, शायद ये नहीं हो पाएगा। उनके पास गैस के मास्क हैं, इक्विपमेंट हैं, इतने शायद ना हो, मगर ये बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज होने वाला है, और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और ये एक प्रकार अगर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर सिविलियन कैजुअल्टी हो जाती है कोलेटरल, तो फिर सिंपथी भी मुझे लगता है पैलेस्टाइन की तरफ सवाल जाएगी। यही पर यही तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वेल इक्विप्ड हुए कैसे, जब आप कह रहे हैं कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, कि आप कोई भी तरीका अपनाएंगे उसकी काट इनके पास है, तो बिना किसी के समर्थन के इनके पास सब कुछ कैसे। हाँ देखो सच्चाई ये है कि हमास को तैयारी कराने में ईरान का पूरा पूरा हाथ है, यही नहीं हमास को हिजबुल्ला को भी, और ये तैयारी 2 साल से हो रही थी। इसके लिए एक प्रकार उन्होंने गांव भी बना लिए थे मोकअप के लिए, और ड्रिल बना के उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिस की हुई है। और ये समझने की कोशिश करो, ये टनल जो हैं, ये जो जमावड़ा टनल्स का है, ये दूसरे देशों में भी निकलता है, तो इनका बहुत फ्लूइड मूवमेंट है, इनका लॉजिस्टिक वहाँ से आएगा, अम्यूनिशन वहाँ से आएगा, और ये मुझे लगता है वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि टनल डिफेंसिस को कैसे न्यूट्रलाइज कराया जाए। और ये एक आने वाले समय के लिए ये पढ़ाया जाएगा कि इजरायली ने कैसे न्यूट्रलाइज किया,
क्योंकि हमास जो है वो कन्वेंशन लड़ने वाले नहीं है, वो आतंकवादी है। तो ये भी समझना पड़ेगा टनल्स को किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद किया जाता है, उससे किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये एक तरीके से केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाएगा, ये आप कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात, इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, उससे पहले निधि के पास हम चलते हैं, निधि के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। निधि बिल्कुल प्रतिमा, टनल वॉरफेयर क्या होता है ये कुलकर्णी सरस से जानेंगे, लेकिन एक और डिटेल सामने आई है, हमास की ताकत और इजराइल की कमजोरी अब बताने का वक्त आ गया है। एक तरफ जहां सुरंगों का जाल है तो दूसरी तरफ हमास की ताकत भी है। इजराइल की कमजोरी क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सुरंगों का जाल देखने को मिल रहा है, जो नेटवर्क है उसका पता नहीं है इजराइल को, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। टनल में सुरक्षित ठिकाने, अब इसको लेकर है कि एंट्री एग्जिट का अंदाजा नहीं है इजराइल को, तो ये एक कमजोरी है, ये वीकनेस है। बम और घातक हथियार, नीचे से निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है, ये कमजोरी है इजराइल की, ये नहीं पता ही, लेकिन ये हमास की ताकत है। इजराइल की कमजोरी और हमास की ताकत, ये दोनों आपको बता रहे हैं। बम और घातक कितने हो सकते हैं, नीचे से निकलकर कैसे हमला किया जा सकता है, टनल में सुरक्षित ठिकाने बनाए गए हैं हमास की तरफ से, हमास का एक्शन टनल के अंदर है और दूसरी तरफ टनल वॉरफेयर शुरू हो गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि इजराइल एक्शन क्या लेता है। प्रथम बिल्कुल देखिए, टनल को लेकर हम बता रहे हैं कि दोनों की ही ताकत और कमजोरी क्या क्या है। गाजा में भारी तबाही देखने को मिल रही है, कई रिहायशी बिल्डिंग्स में इस वक्त ये एक्शन किया गया, जिसके बाद कई बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। ये तस्वीर आपके सामने, रिहायशी इलाकों से धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इजरायली सीमा से सटे गाजा के इलाकों में इस वक्त गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही है, ये रिहायशी इलाके की तस्वीरें बताई जा रही है। इजरायल बॉर्डर से गाजा में गोलीबारी के बाद किस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए जरा। अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने में अभी भी कुछ वक्त बचा है, 13 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से गाजा में अभी भी एक्शन जारी है, लेकिन बड़े स्तर पर एक्शन अभी होना बाकी है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर बम से अंडरग्राउंड बंकर को उड़ाया जाए तो क्या संभव है कि सभी बंकर खत्म हो जाए। आइए आपको बताते हैं कैसे बंकर बम काम करता है। देखिए जब बंकर बम पिन पॉइंट अटैक करता है तो जमीन को पार करके कंक्रीट की मोटी परत भेजता है और फिर सुरंग के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है और सुरंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी सुरंगें उड़ाएंगे गाजा में, तो सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बंकर बम क्या कारगर साबित होंगे। हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, ये भी समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, सिवा सर बड़ा चैलेंज है और हम टनल्स को लेकर हम बात भी कर रहे हैं, बंकर बम से कैसे निपटा जाए ये भी बड़ा सवाल है, ये कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे निपटा जाए। देखो सच्चाई ये है कि इजराइल को मालूम है कि ये लड़ाई टनल्स की है और हमास टनल के अंदर छुपा हुआ है और उनको किसी तरीके से निकालना है, अगर नहीं निकले तो अंदर जाके उनको खत्म करना है। तो उससे पहले जब वो अंदर बढ़ेंगे तो एंट्री चाहिए और एंट्री के लिए ये जिस प्रकार से इनके पास बॉम्ब है जो कि मारने से एक प्रकार अंदर जाके बस्ट होंगे और ओपनिंग करेंगे और उसके बाद जाएंगे। देखो यही तो कहना है कि ये लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी टनल की और ये लड़ाई एक बहुत ही लंबी और भयानक होने वाली है। एक और समझना प्रतिमा, क्योंकि ये जाल बिछाया हुआ टनल का और दूसरे देशों में भी निकलती है तो इनका लॉजिस्टिक सिस्टम अम्यूनिशन वगैरह इन्होंने बढ़ा के रखा होगा, इसका मतलब हमास के पास काबिलियत और क्षमता है, वो लड़ सकते हैं लंबा, ये भी सच्चाई है। और उनके पास हथियारों की कमी नहीं है, जो 5,000 रॉकेट फायर कर सकता है 20 मिनट के अंदर, इसका मतलब उन्होंने काफी जमावड़ा कर चुके हैं और इसके लिए ईरान ने और बाकी देशों ने इनकी हेल्प की है। और मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई चलेगी ऐसे तो कहीं ना कहीं हिजबुल्ला भी वहां से नॉर्थ से फायर करने की कोशिश करेगा। तो मैं यही कह सकता हूं ये लड़ाई काफी मुश्किल होने वाली है इजराइल के लिए, मगर इजराइल का जो पास्ट एक्सपीरियंस और बताता है कि इजराइल ने वो कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सकता, तो ये सच्चाई है कि इजराइल ने इसका कोई इलाज निकाला है। इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन
हमास ने जिस तरीके से उनकी टेरिटरी में घुसकर हमला किया उसका भी तो पता मोसाद नहीं लगा सकी। तो आज जो अल्टीमेटम के बाद होने वाला है क्या उससे निपटने के लिए भी हमास वेल इक्विप्ड है, राजेश सर? हाँ, वो देखिए हमास ने तो पूरी तैयारी की है और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ईरान से स्टेटमेंट आया है कि हमास पूरी तरह तैयार है और वो जो है इसराइल का जो भी ऑफेंसिव है उसको नाकाम कर देगा। ज़रूर उनके पास तैयारी है और इसराइल ने डेडलाइन दी है तो डेडलाइन के बाद उनको पता है डेडलाइन के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी, वो तैयार हैं। अब किस तरह से उनको वो इसराइल उनको डिसेप्शन प्लान बना करके किस तरह से उनको सोचने पर मजबूर करेगा कि अटैक इधर से आ रहा है और अटैक एक्चुअली दूसरी तरफ से आया, उनकी क्या रणनीति है वो बहुत ही सीक्रेट है। संभलने का मौका नहीं दिया जाए। और ये जो बंकर बस्टर जो आपने कहे, ये जो बॉम्ब नीचे जाके पेनेट्रेट करके और फिर ब्लास्ट होते हैं, ये या तो ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इनका जो है इफेक्ट जो जितना भी है वो लिमिटेड एरिया में होता है। ये नहीं कि अब आप 1300 किलोमीटर के टनल हैं या 500 किलोमीटर के टनल हैं तो अब 500 किलोमीटर टनल के लिए आप कितने बम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक दूसरी रणनीति बनानी होगी कि जहां पे आपको ओपनिंग चाहिए वहां पे ये बम लगाए जाएंगे, किस तरह से उनको मजबूर किया जाए कि वो बाहर निकलें और किस तरह से इन टनल्स को दूसरे एक्सप्लोजिव से ब्लॉक करके या डिस्ट्रॉय करके, राजेश जी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसे कैसे ऑपरेशन लाया जाएगा और बंकर बम क्या होते हैं इसको लेकर भी आपने बड़ी जानकारी दी। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हमास एयरफोर्स के चीफ की मौत हो गई है। हमास को बहुत बड़ा झटका है, IDF के हमले में ये मौत हुई है। 7 अक्टूबर के अटैक में बड़ा रोल था इसका बताया जा रहा है। तेल अवीव पर जो 5000 रॉकेट से अटैक किया गया इसी ने ही इसे लीड किया था। 7 अक्टूबर के अटैक में इसका बड़ा रोल था और इसकी मौत हो गई, इसे ढेर कर दिया गया। संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर अभी ये इसराइल का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, बहुत कम वक्त रह गया है, हम लगातार काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं, लेकिन रात में कैसे किस तरह से एयरफोर्स भी पूरी तरह से कह रहे हैं कि मदद ली जाएगी जो इसराइल की एयरफोर्स है, तो रात में कैसे अंजाम दिया जाएगा ऑपरेशन? बहुत अच्छा सवाल है। इसराइली फोर्सेज जो हैं बहुत आधुनिक हैं, उनको रात के आले हैं उनके पास, इसलिए जो पिछले 7 दिन से जिस प्रकार से वो लगातार बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर रहे हैं उनको मालूम है कि अब उसके बाद उन्होंने टनल वॉरफेयर करना है। जो ये टनल्स हैं, जो जितनी भी सुरंगें हैं उसका लेआउट उनको मालूम है और वो भी उनके पास आले हैं जिससे वो लेआउट का पता करेंगे। लेआउट का पता करने के बाद उनके पास मिसाइलें हैं जो उस टनल्स को बर्बाद कर सकती है। प्लान बी के तहत तेल अवीव से अगर एयरफोर्स को बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव किया गया तो यहाँ से फिर फाइटर जेट्स उड़ेंगे, F-15, F-16, F-35 जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं, सारे के सारे जो उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या है। इसके अलावा उन्होंने बिजली, पानी, खाना पीना सब बंद कर रखा है, तो वैसे ही वहाँ पे कठिनाई शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद वो गैस का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे सुरंगों के अंदर डालने के लिए, सुरंगों को बंद करने की कोशिश करेंगे जिससे किसी सांस ना लिया जाए। और बंकर जो बम है वो भी इस्तेमाल यही सुरंगों, यहाँ पे जितनी सुरंगों का एक दफा लेआउट पिछले 7 दिनों से इसराइल यही कर रहा होगा कि सुरंगों का लेआउट, क्योंकि 2007 के बाद जब से इसराइल बाहर निकला है उस पिछले 16 सालों में इन्होंने काफी कुछ अंदर का लेआउट बनाया होगा जिसके बारे में इसराइल को मालूम नहीं होगा। पर अब क्योंकि उनके पास आले हैं, रात को लड़ने के आले हैं, सुरंगों के लेआउट के पता करने के आले हैं, उनको ध्वस्त करने के भी आले हैं। बात सर आपकी तरफ से कही जा रही है कि बहुत ही वेल इक्विप्ड है इजरायली फोर्सेस और इसीलिए चुन चुनकर अपने टारगेट्स को तबाह किया जा रहा है। इजराइल के सेड्रोट से हमास का हमला, सेड्रोट पे हमास का एक साथ कई रॉकेट से हमला हुआ, हमास की मिसाइल सड़क पर जाकर गिरी है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस बीच सामने आ गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने है जहां पर सेड्रोट में हमास का हमला हुआ है। तो इस वक्त तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये सेड्रोट से सामने आ रही है जहां पर हमास की तरफ से हमला बोला गया, एक साथ कई रॉकेट से बताया जा रहा है कि ये हमला बोला गया। हमास की एक मिसाइल सड़क पर जा गिरी है जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शिवाज सर
अब बहुत कम वक्त बचा है, हम दिखा भी रहे लगातार, 5 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है जिसके बाद अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा और हम लोग की शुरुआत हो जाएगी इसराइल की तरफ से। और बात एक बार फिर से हो रही है कैजुअलिटीज की, दोनों तरफ से ही कितने बड़े स्तर पर इस युद्ध में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटम भले ही दे दिया गया था लेकिन पूरे इलाके को खाली करा पाना यूएन ने भी माना था कि असंभव है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, ये एक चैलेंज था और जो इसराइल ने एक प्रकार से डेडलाइन दी थी उसके बाद वो कभी भी हमला कर सकता है। ये जरूरी नहीं है जैसे डेडलाइन खत्म होगी उसके बाद इमीडिएटली हमला करे, हमला करेगा इसराइल अपना सोच समझ के एक टाइम पे। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि लड़ाई हरदम रात को होती है, क्योंकि जो दिन में अगर लड़ाई होगी तो डिफेंडर जो है उसको बड़ा फायदा होता है, वो देख सकता है। वैसे तो आजकल दिन में भी रात को भी दिन जैसा काम हो जाता है, नाइट विजन डिवाइस है, मगर फिर भी ये हमला रात को होगा और इसके लिए जो अब एयर पावर का इस्तेमाल, मिसाइल का, रॉकेट का फायर करके उसको सोफन अप और फिर जो आर्मर्ड व्हीकलों से इन्फेंट्री घुसेगी। मगर ये भी याद रखो कि हमास भी इसके लिए तैयार है, उसने जो कहते हैं कि एंटी टैंक लेआउट बहुत अच्छा कर रखा है, मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है और उनकी जो डिफेंसिस हैं वो जाती हैं फिर टनल के अंदर। तो ये नहीं होगा इतना आसान इसराइल के लिए भी इतना जल्दी क्रॉस करके वो बिल्टअप एरिया में आ जाए, तो ये लड़ाई मुझे लगता है लंबी खिंचेगी। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने 150 के करीब सिविलियंस को पकड़ के लेके गए हैं जिसमें फॉरनर्स भी हैं, उनका क्या भविष्य है, क्योंकि वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा हमास, अब उससे क्या होगा। मगर ये सच्चाई है, ये आर पार की लड़ाई है और इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और ये हमला कभी भी हो सकता है डेडलाइन के बाद, ये कतई नहीं कि अभी होगा। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहना कि अब जिस प्रकार से सीज कर लिया गाजा को, उसका एक प्रकार फ्यूल भी काट दिया, फूड भी काट दिया, बिजली पानी, मगर हमास के पास सब सम्मान सारे चीजें टनल्स के अंदर है और अभी भी ये टनल ब्लॉक नहीं है, ये इजिप्ट की तरफ भी निकलती है, लेबनान की तरफ भी निकलती है, वहां से भी ये मूवमेंट होती है। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मगर ये भी सच्चाई है इसराइल की काबिलियत और क्षमता को देखते हुए हम यही कहते हैं कि लड़ाई चलेगी लंबी। बड़ी खबर का मैं रुख करने जा रही हूँ, उत्तरी गाजा में इसराइल का एयर अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरी गाजा से। ये वही इलाका है जिसे खाली करने का अल्टीमेटम बकायदा दिया गया था, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ है, इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हमास के लिए ह्यूमन शील्ड बने रिहायशी इलाके, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये तस्वीरें भी इस बीच सामने आई हैं। देखिए आप, नॉर्थ गाजा की ये तस्वीरें, उत्तरी गाजा की ये तस्वीरें जहां पर इसराइल का एयर स्ट्राइक हुआ, ये रिहायशी इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर भीषण मिसाइल हमला हुआ है। तो इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया है, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, गाजा में इसराइल का भीषण अटैक, ये एयर स्ट्राइक की गई है और टनल को टारगेट किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने है, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमले की तस्वीरें आपके सामने है जहां पर इमारतों के बीच हमास के टनल को निशाना बनाया गया। हमास के लिए एक तरीके से जो रिहायशी इलाके वो अब तक ह्यूमन शील्ड के तौर पर काम करते आ रहे हैं और इन्हीं इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम भी इसराइल की तरफ से दे दिया गया था कि आप इन इलाकों को खाली करें और दक्षिणी गाजा का रुख करें। फिर हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां लंबा जाम लग गया था उन लोगों का जो पलायन कर रहे थे, अपना घर बार छोड़कर यहां से जा रहे थे, और अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मिसाइल अटैक होने शुरू भी हो गए। हमास के लिए हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ह्यूमन शील्ड बने हैं, ये तमाम रिहायशी इलाके इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया, तो रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ। बिल्कुल, नॉर्थ गाजा की तस्वीर दिखा रही है प्रतिमा आपको, और इस बीच क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल की सूचना मिल रही है कि इसके जरिए बड़ा हमला करेगा इसराइल और उसके बाद और इन बम्स के सहारे, यानी जो इन बॉम्ब्स के सहारे, जो बंकर बॉम्ब्स के सहारे ये सुरंगों पर अटैक किया जाएगा और इन सुरंगों को नष्ट नाबूद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर होस्टेज भी हो सकते हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत घनी आबादी वाला इलाका था जिन्हें पूरा शिफ्ट करने को कहा गया। ये हमास जो है ये ह्यूमन शील्ड यहाँ के वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी इस्तेमाल करेगा और ये जो होस्टेजेस हैं उनको भी इस्तेमाल करेगा, जैसे कि इसराइलियों को हमेशा अपने लोगों का बहुत ख्याल रहता है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रहता है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो यकीन करेंगे कि सुरंगों से पहले ही वो
एक तरीके का प्रोपेगेंडा करेंगे, ये आपके 10 होस्टेज इसके अंदर है, तो वो उस के ऊपर उस तरीके से हमला ना करें, इस तरीके से सोच रहे हैं। बंकर बम की जो जो कैपेसिटी होती है वो किस तरह की, क्योंकि ये टेरेन किस तरह का है, ये जितने हैं 10 से 12 मीटर जो जमीन के नीचे होंगे, सुरंगे जो हैं 10 से 12 मीटर जमीन के नीचे होंगे, और ये जो नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से सुरंगे जा रही होंगी, उन सुरंगों के बीच में छुपे होंगे। अल्टीमेटम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, गाजा की उल्टी गिनती के आखिरी जो वक्त थे, आखिरी जो समय था वो भी खत्म हो चुका है, यानी जो अल्टीमेटम का समय है वो खत्म हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, इजरायली समय के हिसाब से अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है, यानी कभी भी गाजा के उत्तरी इलाके में एक्शन इजरायल का शुरू हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, इजरायल के अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है, ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन हमास के खिलाफ यहां शुरू हो सकता है। गाजा के उत्तरी इलाके को खाली कराने का अल्टीमेटम इजरायल की तरफ से दिया गया था, जिसका वक्त अब खत्म हो चुका है, ऐसे में किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हमारे साथ एयर मार्शल राजेश जी मौजूद है। सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रात के वक्त में अगर ऑपरेशन किया जाता है तो किस तरीके से एयरफोर्स उसको अंजाम देगी? देखिए, एयरफोर्स तो ज़रूर इस तरीके से उनके पास रात में अटैक करने के बहुत सारे साधन हैं, और किसी न किसी तरह से जो डिसएडवांटेज होता है डिफेंडर का रात को ही होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन रिवील कर देता है किसी तरह से। जैसे आप बाहर निकले, थोड़ी टॉर्च की लाइट लगा दी तो आप पकड़े जाओगे, या कोई भी एक थर्मल सिग्नेचर अगर आप दोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा और आइडिया हो जाएगा कि इस तरफ से एंट्री है या एग्जिट है। तो अब आप ये देखिए, जो 10 से 12 मीटर नीचे जो सुरंग है उसके लिए जो बंकर पेनिट्रेटर बॉम्ब्स हैं वो शायद वहाँ तक इतनी डेप्थ तक ना पहुँच पाएँ, तो जहाँ पे उनकी जो एंट्रेंसेज हैं उसको एयरफोर्स ज़रूर टारगेट करेगा। और टनल्स के अंदर एक ये होता है कि अगर बड़े कैलिबर का बॉम्ब आप वहाँ डालें और उसके एंट्रेंस पे डालें तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका जो ब्लास्ट का इफेक्ट है वो टनल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसकी वजह से लोगों की मौत जो है बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो यही मेरी जो है ये मेरा एस्टिमेशन है, और देखते हैं कि किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, किस तरह के टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सिवान सर, चूंकि आप खुद भी इसराइल में रहे हैं, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसराइल के इस तमाम ऑपरेशन को अंजाम देना बिना इंटरनेशनल एजेंसीज के, संस्थाओं के निगाह में आए हुए, क्योंकि उन्होंने लगातार आगाह किया है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज बड़े स्तर पर हो सकती है। जिस तरीके से आप बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और अब चूंकि अल्टीमेटम का समय खत्म हो गया और आगे की तरफ बढ़ रही है लगातार। देखो, सच्चाई यह है कि हमास की स्ट्रेंथ क्या है। हमास की स्ट्रेंथ है उसकी टर्न एंड डिफेंसिव, हमान की स्ट्रेंथ है कोलैटरल डैमेज के लिए ह्यूमन सीट, उनका वो इस्तेमाल करेगा, उनको जाने नहीं दे रहा सिविलियंस को। अभी आर्टी फायर, रॉकेट फायर, एयर पावर से फायर होगा, मगर वो इन इलाकों में से सिविलियन को नहीं जाने देगा और अपने टनल से बाहर नहीं निकलेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक प्रकार इजरायली फोर्स के लिए कि टनल के अंदर कैसे घुसें, एंट्री करें, क्योंकि घुसना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे नहीं। जिस प्रकार से सोच रहे शायद गैस का इस्तेमाल करें, उसके लिए भी वेल इक्विप्ड है, उनका समाधान भी सब कुछ है। तो ये लड़ाई एक बहुत ही नई लड़ाई होगी कि जो कि बंकर्स के अंदर नहीं बल्कि टनल्स में होगी। टनल्स की एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट भी इतनी मुझे नहीं लगता कि शायद इजराइल को पता हो, तो वो कोशिश करेगा, मगर एक बार आपको एंट्री मिल गई टनल्स के अंदर तो फिर इजराइल की जो फोर्स है वो मुझको लगता है मूव करेगी उन टनल्स में और इनको बर्बाद करने की कोशिश करेगी। मगर एक चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये टनल्स हैं, ये जो हमास है ये एक प्रकार से कन्वेंशनल वारफेयर लड़ने वाले फौज नहीं है, ये गुरिल्ला टाइप हैं और ये बड़े और ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। और ये बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई होती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, और डिफेंडर जो डिफेंडर होता है उसको फायदा होता है अटैकर की बजाय। टैंकों का इस्तेमाल, बड़ी गाड़ियों नहीं, इन्फेंट्री को अंदर घुसना पड़ेगा और टनल के अंदर घुसना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि टनल को मुझे हमास छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे ये, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ उसमें है। और दूसरा ये बात कर ही रहे हैं कि जो सिविलियंस कैजुअलिटी, जो सिविलियंस
को पकड़ा हुआ है, उनका क्या करेगा हमास? ये जो एक्शन हो रहा है या फिर होने वाला है उसमें ये हमास को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे आपको लगता है, या फिर ये लड़ाई लंबी चलने वाली? देखो ये लड़ाई मुझे लगता लंबी चलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी हमास हाथ खड़े करने वाला नहीं, क्योंकि हमास ने तैयारी 2 साल से कर रखी है। उसने हर चीज को देख लिया। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल से अभी अभी की, एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है, हिजबुल्ला की इजराइल पर बमबारी। जी हाँ, लेबनन का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी। ये बहुत बड़ी खबर है, देखिए किस तरह से हिजबुल्ला एक्टिव हो गया है। सैन्य ठिकाने जो इजराइल की तरफ से बनाए गए थे नॉर्थ गाजा में, वहां पर इजराइल पर बमबारी की है हिजबुल्ला ने। आज सुबह खबर मिली थी कि इजराइल ने जो हिजबुल्ला के ठिकाने वहां पर बमबारी की, और अब हिजबुल्ला ने पलटवार करके इजराइल पर बमबारी की है। मैं चाहूंगी कुलकर्णी सर, ये लेबनान है, ये लेबनान जो कि सीधा लेबनान बॉर्डर कनेक्ट करता है इजराइल से, और यहाँ पर ये देखिए ये सीरिया है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से अटैक हुआ है, और लेबनान का चरमपंथी संगठन है हिजबुल्ला, उसने अटैक किया है। ये है लेबनान के, उनको मालूम है इजराइल को कि लेबनान जो है हिजबुल्ला जो दूसरा आतंकवादी संगठन है जो लेबनान में है वो हमला करेगा। उस हमले से बचने के लिए इजराइल ने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, यकीन करने के लिए ये हिजबुल्ला जो है इस लड़ाई के बीच में दखलअंदाजी ना दे, ईरान सीरिया के बीच में ना करे। इसलिए सीरिया के 2 जो एयरफील्ड हैं उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया कल रात, तो सीरिया को वहाँ किया, इधर लेबनान को कि हिजबुल्ला जो है इधर दखलअंदाजी ना करे इस लड़ाई में, इसलिए उन्होंने अपनी यहाँ पर तैनाती कर रखी है जिससे लेबनान को इधर संभाल ले, और वहाँ पर इस प्रकार से गाजा पट्टी में जो है पूरा जोर, ये जो आर्मी मूवमेंट है ये इजराइल का यहाँ लेबनान बॉर्डर पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा हरकत होगी, लेकिन इजराइल का आज मकसद ये होगा कि पहले वो काम खत्म करे गाजा पट्टी। मैं आपको इस वक्त रोक रही हूँ सर, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आ गया है, तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए आप हमास के लड़ाके किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तस्वीरें सामने है, ये लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का। तो इजरायली फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं हमास के लड़ाके, और किस तरीके से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमास के लड़ाके इन वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको दोनों ही तरफ की फोर्सेस नजर आएंगे, एक तरफ तो हमास के आतंकी कहा जा सकता है कि आपको ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ IDF के यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो सैनिक हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, किस तरीके से उनके सैन्य वाहन आगे की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि गाजा बॉर्डर का रुख कर रही है, तस्वीरें सामने आ रही है युद्ध क्षेत्र से। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो, और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस किस तरीके से गाजा बॉर्डर का रुख कर रही हैं, सैन्य वाहन बड़ी तादाद में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान बॉर्डर से इजरायल पर हमला हुआ है, बहुत बड़ी खबर, इजरायल पर मिसाइल से हमला किया है, और IDF ने भी लेबनान पर रॉकेट दागे हैं, इजराइल ने पलटवार करके जवाब दिया है मिसाइल से जो हमला किया गया लेबनान की तरफ से, तो इजराइल की जो फोर्स है डिफेंस फोर्स उसने रॉकेट दाग दिए हैं, पलटवार किया है, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई, जो लड़ाई का विस्तार है वो लेबनान तक पहुंच चुका है, लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला हुआ और फिर इजराइल ने पलटवार किया। इजरायली अल्टीमेटम के बीच अभी अभी सबसे बड़ी विध्वंसक खबर सामने आई है, गाजा के पास इजरायली टैंकों का जमावड़ा नजर आ रहा है, अटैक के बाद बता दें बड़ी संख्या में इसके लिए टैंक तैनात है, थोड़ी ही देर में बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो गाजा के पास इजरायली टैंकों का जमावड़ा तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, माना जा रहा है अटैक के लिए बड़ी संख्या में ये टैंक तैनात कर दिए गए हैं, और अब से कुछ ही देर बाद बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दिया, इजरायली फोर्स ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है, ये बड़ी खबर है, शाम 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगा ऑपरेशन, बंधक ऑपरेशन के एक्सपर्ट अफसर शामिल, इमारत टनल में आज रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा,
इन ग्राउंड ऑपरेशंस की सारी फीड इसराइल में बैठे सीनियर कमांड सेंटर मॉनिटर करते रहेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आने के बाद कमांड सेंटर से एडिशनल फोर्सेस और अटैक हेलीकॉप्टर उस लोकेशन पर कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगी। ये बड़ी खबर सामने आपके। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये, इजरायली टैंक की फायरिंग शुरू हो चुकी है। गाजा सीमा के पास इजरायली टैंक्स ने पोजीशन ले ली है। ये बहुत बड़ी खबर है, इजरायली टैंक्स पूरी तरह से तैनात हैं और आज की रात कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म हो रहा है लोगों के लिए पलायन का। और इस वक्त जो खबर मिल रही है, पोजीशन टैंक्स ने ले ली है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, गाजा सीमा पर तैयारी पूरी है। तो उधर गाजा के भीतर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर बड़े पैमाने पर लोगों का जाना भी जारी है। हमारी टीम को इस मिलियन मार्च की कुछ हवाई तस्वीरें हासिल हुई है, जो आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया इसराइल की तरफ से लोगों को कि वो यहां से निकल जाएं, क्योंकि यहां पर इसराइल की ओर से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है। और किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग अब इस इलाके से पलायन कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए, समझिए किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी का माहौल होगा, क्योंकि वो घड़ी नजदीक आ रही है। हम टाइमर भी बीच बीच में आपको दिखाएंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि वो घड़ी कितनी नजदीक आ चुकी है, क्योंकि इसराइल की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाना है। इसराइल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था गाजा के उत्तरी इलाके को खाली कर दक्षिणी इलाके में ये लोग मूव हो जाएं, इस बात का लोगों को संदेश दे दिया गया था। और अब जाम की स्थिति हो गई है यहां से, क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं। अपना घर से जितना जरूरी सामान वो ले जा सकते थे वो ले जा रहे हैं और फिर यहां से मूव कर रहे हैं। ये तस्वीरें और विस्तार से आपके सामने हम रखेंगे, ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त हालात किस तरीके से भयावह बने हुए हैं। गाजा की जो तस्वीरें हैं वो क्या बता रही है, एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अश्विनी सुभाष सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ एयर मार्शल राजेश कुमार निधि के साथ मौजूद है, उनका भी आगे हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अश्विनी सुभाष सर, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को जो लगातार सामने, क्योंकि वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब इसराइल की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि हम बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखो प्रतिमा, इसमें कोई शक नहीं, पूरी लड़ाई की तैयारी कर रखी है। अभी ये ऑफेंसिव होने वाला है इसराइल का, उससे पहले जो प्रिलिमिनरी प्रीएम्प्टिव एक्शन करने होते हैं इसराइल ने वो कर लिए हैं। उसके टैंक रेडी हैं, बीएमपी गाड़ियां रेडी हैं, आर्मर जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं वो भी रेडी हैं। उनके बाद आर्टी गन्स वगैरह और मिसाइल रॉकेट ये भी फायर करना स्टार्ट करेंगी। और अब जिस प्रकार से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि एक पैलेस्टीन के जो सिविलियंस हैं वो नॉर्थ के इलाके को छोड़ के चले जाएं साउथ में, वो भी होगा। उसकी वजह ये है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज्यादा जबरदस्त चलने वाली है, क्योंकि हमास की डिफेंसिव टनल डिफेंस है, वो ऊपर नहीं लड़ेंगे, वो टनल डिफेंसिस के अंदर है और वो ऐसे इलाकों में है जहां पर रियासी इलाके हैं, वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये लड़ाई होगी और जब ये अंदर गाजा पट्टी के अंदर लड़ाई स्टार्ट होगी, तो ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई होगी, और बिल्टअप एरिया की लड़ाई जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, और वो डिफेंडर के लिए आसान है, अटैकर के लिए काफी मुश्किल है। हम टेक्निकलिटीज पर भी बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुलकर्णी सर, ये तादाद छोटी मोटी नहीं है, 11 लाख लोगों को एकाएक आपने कह दिया कि इन इलाकों को खाली कीजिए, क्योंकि हम बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और ये देखिए, हम टाइमर भी लगातार दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द वो एक्शन होने वाला है, और इसीलिए जाम की स्थिति वहां पर बन गई है। लोगों को जो समझ में आया वो उठाकर वो चलते बने। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन चेन है। सिवाज सर बता रहे थे, कुलकर्णी सर जो प्रतिमा सवाल पूछ रहे हैं कि कितना मुश्किल होगा, अभी चुनौती कितनी ज्यादा होगी ये गाजा पट्टी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मॉडल बनाया है। ये है गाजा पट्टी और इसी का ब्लो अप है ये जो नजर आ रहा है। ये जो गाजा पट्टी है ये 40 किलोमीटर लंबी है, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। टोटल इलाका 365 स्क्वायर किलोमीटर है, आबादी 22 लाख की है। लेकिन जो अब कयामत की रात है वो है नॉर्थ
नॉर्दर्न पोर्शन पे, नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी, यहाँ से जो 11 लाख मैंने कहा 22 लाख की आबादी है, 11 लाख लोग जो है यहाँ बसते हैं, जिन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो इस गाजा पट्टी को छोड़ दे। वो खत्म होने को आ रहा है, सारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है बंद है, एक ही पॉइंट है यहाँ पे जो राफा का पॉइंट है जो मिस्र के साथ है वो उन्होंने खोल रखा है, पर मिस्र ने भी अपनी बॉर्डर बंद कर दी। बिल्कुल, ये जो गाजा पट्टी है मिस्र के साथ 11 किलोमीटर लगती है और जो भी प्लान करना है लोगों ने यहाँ से इस सारी जगह से इसराइल से घिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसराइल ने घेर रखा है और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर है वो एक तरफ है, तो आप समझ सकते हैं कि 11 लाख लोगों को 24 घंटे दिए पलायन, चाहे उन्होंने सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट बोलते हैं जिस प्रकार से पिछले 7 दिन से लगातार बमबारी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट है स्पेशली नॉर्थ गाजा, ये जो नॉर्थ गाजा है गाजा सिटी है इसको जिस प्रकार से पिछले 7 दिन में लगातार हवाई जहाज के बम्बार्डमेंट के द्वारा ध्वस्त किया गया है, इसके अलावा टैंक्स भी हम देख रहे हैं, ये देखिए टैंक्स जो हैं ये अभी नॉर्थ गाजा में हैं। बिल्कुल, अभी ये जो टैंक्स हैं ये देखिए, ये बिल्कुल आपने जो कहा ये जितने टैंक्स हैं ये पिछले 4 दिन से खड़े हैं इस उम्मीद से कि कब उनको वक्त मिलता है और कब आदेश मिलता है कि वो गाजा पट्टी को जाकर के पूरा का पूरा शहर, लेकिन गाजा पट्टी में जो है जितनी गाजा पट्टी के जो इमारतें ऊपर थी उतनी ही नीचे भी टनल्स हैं, उस टनल्स के साथ यकीन करना है जब ये लड़ाई ऑफेंसिव जाएगा, ये ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है, जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि अगले 40 मिनट में शायद ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा, 7 बजे के आसपास ग्राउंड ऑफेंसिव जाने की उम्मीद है, उसको उस उम्मीद से ये लगाई जा सकती है कि गाजा पट्टी जो है कि किस प्रकार से उसको बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि ध्वस्त किया गया है, इमारतें गिरा दी गई हैं, लेकिन टनल में तो लोग उम्मीद हो सकते हैं जो फाइटिंग बिल्टअप एरिया बोलते हैं, आप ये कह रहे हैं टनल जो है, अगर मैं ये और व्यापक तरीके से इस मैप पे आए, इस नक्शे पे आए, इजरायली तैनाती के बीच हमास का एक्शन, ये बड़ी खबर सामने आ रही जहां हमास के लड़ाकों का मोर्टार से हमला हुआ है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मोर्टार से हमले से जुड़ी हुई खबर, इजरायली ठिकानों को किस तरीके से टारगेट किया गया है ये देखिए आप तस्वीरों में, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हमास के लड़ाके मोर्टार से हमला करते हुए नजर आए ये आप देखिए जरा, तो ये इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायली तैनाती के बीच हमास के एक्शन का ये वीडियो सामने आया है, हमास के लड़ाके किस तरीके से मोर्टार से हमला कर रहे हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, इजरायली ठिकानों को इन लड़ाकों द्वारा टारगेट किया जा रहा है और मोर्टार का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, इजरायली ठिकानों को ये टारगेट कर रहे हैं, ये तस्वीरें लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, आगे बढ़े उससे पहले देखिए 33 मिनट का ही वक्त बाकी है जिसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाना है उत्तरी गाजा के हिस्से में, जहां के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें हमास के लड़ाकों की तैयारी वाली तस्वीर भी सामने आई है, एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है, कंधे पर लॉन्चर लिए दिखा हमास का लड़ाका, ये तस्वीरें आप देखिए जरा, एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी की जा रही है, वार पलटवार का दौर जारी है और दोनों ही तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली, ये हमास के लड़ाके की तस्वीर है जिसमें वो किस तरीके से तैयार नजर आ रहा है ये आप देखिए जरा, और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, गाजा बॉर्डर पर बढ़ रहा है इजरायली मूवमेंट, ये हम आपको खबर बता रहे हैं, इजरायली सैन्य तैनाती बढ़ गई है, डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, इजरायली सैन्य गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, ये देखिए टैंक्स मूव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी अल्टीमेटम दिया था कि नॉर्थ गाजा से लोग खाली कर दें, एक घंटे बाद बड़ा अटैक करने वाला है इजरायल, इसीलिए लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, नॉर्थ गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल है, और ये टैंकों का मूवमेंट आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तो एक बार फिर से हम तस्वीरें बता दें, एक घंटे बाद बड़ा अटैक करेगा इजरायल और इसीलिए टैंक्स का मूवमेंट तेज हो गया है, जो सैन्य डिप्लॉयमेंट है, जो सैन्य तैनाती है वो बढ़ गई है इजरायल की तरफ से, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबकी नजरें इस वक्त नॉर्थ गाजा पर ही है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की कोशिश अब इजरायल की तरफ से की जाएगी, एक बड़ा सैन्य काफिला इस वक्त हम देख सकते हैं इस नॉर्थ बॉर्डर पर, जो गाजा बॉर्डर है
नॉर्थ साइड जो बताया जा रहा है, नॉर्थ गाजा, और यहाँ पर एक बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं। एक ऐसा गाड़ियों का काफिला जो बता रहा है कि तैयारी इजराइल की बड़ी है। इजराइल की सेना पूरी तरह से तैनात यहाँ पर होना चाहती है। हर चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाले हुए इजराइल की सेना, और यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो एक तरफ गाजा में बड़ी आबादी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके के हालात बने हुए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए, जगह बदलने की स्ट्रैटेजी, 11 लाख फिलिस्तीनी किस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इन्हें मूव किया गया है। ये गाजा पट्टी का पूरा इलाका यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गाजा पट्टी का इलाका है जहां पर इनको मूवमेंट करने के लिए कहा गया, अल्टीमेटम दिया गया बकायदा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये लोग मूव कर गए हैं। इसराइल ने अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व में मूव, दक्षिण से उत्तर की ओर मूव कर दिया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। यहां पर फिलिस्तीनियों को मूव किया गया दक्षिण की तरफ, तो इजरायलियों को मूव किया गया उत्तर की तरफ। इजरायल ने फिलिस्तीन के 11 लाख लोगों को उत्तर से गाजा से दक्षिण गाजा जाने को आदेश दे दिया, और अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर में भेज दिया है। तो इस पॉपुलेशन मूवमेंट की स्ट्रैटेजी, इसके पीछे क्या हो सकती है, इसका महत्व समझने की कोशिश अपने एक्सपर्ट से भी हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से घड़ी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। समय समझना बहुत जरूरी, एक बार फिर से जरा वो काउंटडाउन दिखाइए, कितना वक्त बाकी है जो एक्शन है। ये लीजिए, 29 मिनट का ही वक्त बाकी है, जिसके बाद क्योंकि उल्टी गिनती लगातार जारी है, अल्टीमेटम का वक्त नजदीक आता जा रहा है। राजेश जी, एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक्शन भी लिया जाना है, लेकिन इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ मूव हो जाइए, फिलिस्तीनियों को आपने अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन अपने 4 लाख नागरिकों को आपने नॉर्थ में क्यों भेजा, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? इसके पीछे तो यही समझ में आता है कि जो उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनूवर चाहिए, इतने सारे टैंक्स हैं, इतने सारे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो किस तरफ से आएंगे, क्योंकि एक डेडलाइन तो दे दी है उन्होंने। इस ज़रूरी नहीं है कि डेडलाइन के तुरंत बाद ही वो अटैक करें, वो ज़रूर उन्होंने रणनीति बनाई होगी, क्योंकि फाइनली जो लड़ाई है वो तो अंडरग्राउंड ही लड़ी जाएगी, पैदल लोगों से चढ़ी जाएगी, टैंक तो उनको वहां तक पहुंचाएंगे, इन्फेंट्री व्हीकल्स उनको वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो उनको अंदर घुस घुस के, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, बेसमेंट टू बेसमेंट, टनल टू टनल, जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमास के वो लड़ाकू हैं उनको वो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। और वो भी तैयार हैं, डेडलाइन भी निकल चुकी है, पॉपुलेशंस भी मूव हो चुके हैं, तो अब डेफिनेटली हमास भी पूरी तैयारी में है। सर, ये मूवमेंट आपको टेम्पररी लगता है या फिर ये परमानेंट है, क्योंकि यहाँ से लोगों को हटाना और अपने लोगों को बसाना, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी, इसे हम बहुत दूर का सोचा समझा प्लान मान के चले क्या? नहीं, ये जो इजरायली की मूवमेंट है ये तो टेम्पररी लगती है, ठीक है, ताकि वो क्रॉस फायर में ना आ जाएं। हमास कैसे, वो तो हमास की पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, फिलिस्तीनी पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, ये तो युद्ध का जो रिजल्ट है वो ही हमें बता पाएगा। तो अपने लिए क्या इनसाइड सपोर्ट की भी कोशिश की जा रही है, बात सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, कुछ सच्चाई ये है कि ये बड़ी सोची के साथ रणनीति बनाई है इजराइल ने, और जिस प्रकार से पैलेस्टीनियों को नॉर्थ से साउथ में किया है, तो वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो पैलेस्टीन सिविलियन, एक तो कोलेटरल डैमेज में मारे जा सकते हैं, दूसरा ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं हमास को। अब इनसाइड सपोर्ट इनका रहता है। अब सच्चाई ये है कि अब जो लड़ाई लड़ेगा इजराइल, उसके ये 3-4 पहलू हैं। पहले उन्होंने एयर पार से सोफन अप करेगा, फिर जब उसने HR जिसको बोलते हैं, जब असली लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले वो आर्टी फायर करेगा, रॉकेट फायर मिसाइल करेगा, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, और उसके बाद जो इन्फेंट्री है वो आर्मर्ड व्हीकलों में चलेगी यहाँ पर, क्योंकि बिल्टअप एरिया है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना प्रीतिमा, कि क्या हो रहा है कि जो हमास है उसने मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है, और उसके जो लड़ाई है वो ज़्यादातर होगी टनल में, वहाँ छुपे हुए हैं, और उसके साथ उन्होंने माइन फील्ड बहुत लगा लिए हैं, बूबी ट्रैप्स लगा लिए हैं, और ये भी एक है जो दुखती हुई कड़ी इजराइल की, जो 150 से ज़्यादा उन्होंने एक प्रकार से प्रिजनर बना रखे हैं, जिनको वो लेके चले गए हैं हमास, उनका क्या होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इजराइल भले ही हमास को खत्म करने के लिए उत्तरी गाजा खाली करा रहा है, लेकिन उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है।
कैसे? आइए इसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है। लेकिन इतने छोटे क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं, जो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। ये टनल जमीन के नीचे 10 से 12 मीटर की गहराई में है। इसकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर है, और इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल उठता है, इतनी सुरंगें क्यों बनाई गई? इन सुरंगों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो आइए इसे भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। गाजा पट्टी में तीन प्रकार की सुरंगें बनाई गई हैं। पहली, सामानों हथियारों के तस्करी के लिए, जो टनल के जरिए मिस्र और गाजा को जोड़ती है। वहीं दूसरी, सुरक्षा के लिए, जैसे लड़ाकों को रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना और हथियारों का भंडारण करना। तीसरी जो प्रकार की टनल है वो है जिसके जरिए हमास लड़ाके इसराइल में घुसपैठ करते हैं। तो ये जो है हम आपको बता रहे हैं 1, 2, 3। अब जो चुनौती है वो सुरंगें हैं जो सामने आई हैं। मैं चाहूंगी कि जो कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए कुलकर्णी सर, ये जो सुरंगें हमने देखी, ये 5 इलाके हैं और सुरंगें एक सबसे बड़ी चुनौती, जिनकी डिटेल के बारे में जानकारी हमने दी, अब इससे कैसे निपटा जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है, बिकॉज गाजा पट्टी में जो है ऊपर, ये चाहे नॉर्थ गाजा हो या गाजा सिटी हो, यहीं पर 11 लाख लोग बसते हैं, 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, बाकी तकरीबन 7-8 लाख लोग इधर हैं। ये 11 लाख लोग अगर पलायन भी करते हैं, हमास जो है पूरा का पूरा उसका लॉजिस्टिक्स, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया में सबसे बड़ी तकलीफ अगर होती है तो वो, क्योंकि जो डिफेंडर है वो अंदर अंदरूनी पूरे सुरंगों के अंदर। अगर आप टेबल पे समझाएं तो यहाँ पे सैनिक भी हैं। अगर आप देखिए ये जो सुरंगें हैं, ये सुरंगें अंदर होंगी। अब इन सुरंगों के अंदर जाकर के हमलावर को जाना बहुत कठिन होता है, यानी कि वो तो मौत के घाट जा रहा है, बल्कि जो डिफेंडर है वो इंतजार कर रहा है कि जो हमलावर है सुरंगों में घुसे। इजरायली जो है वो कभी भी सुरंगों के अंदर नहीं घुसेंगे, उनको अगर बाहर निकालना है। 1300 से ज्यादा हमास ने सुरंगें बना रखी, सुरंगों को बाहर निकालने के लिए जैसे कहा जा रहा है कि फास्फोरस एमिनेशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का वो इस्तेमाल करेंगे, कि जिससे कि जितने भी लोग सुरंगों के अंदर हैं ये बाहर अपने आप निकलेंगे, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये बाहर के जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्टिलरी की गाड़ियां हैं, ग्राउंड ट्रूप्स हैं, उसके अलावा आपके F-15 एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सैनिक हैं तो सुरंगों के अंदर कहां इस तरह से, ये जो आप दिखा रहे थे, मैं कह रही हूं चैलेंज कितना बड़ा है। अगर यहां पर होस्टेजेस होंगे तो फिर कैसे छुड़ाएं? बहुत बड़ा चैलेंज, सुरंगों के अंदर लड़ना मतलब जान देने बराबर है, बहुत मुश्किल होगा इसराइलियों को सुरंगों के अंदर लड़ना। वो पर सुरंगों के अंदर नहीं लड़ेंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि ये जितने भी हमास के लोग हैं या जो भी लड़ाकू हैं इनको बाहर निकाला जाए, और बाहर निकालने का तरीका है उनको गैस करना। पर ऐसे में रसद भी सर यहीं से पहुंचाया जाता, तो बहुत सारी सुरंगें, कितनी भी सुरंगें हों, सुरंगों के अंदर जा कर के लड़ना नामुमकिन के बराबर है। आप कैसे लड़ेंगे सुरंगों के अंदर जाना? लेकिन उनको आदमियों को सुरंगों से बाहर आप कैसे निकालेंगे? जब उसको गैस करेंगे आप उसमें इस तरह के, जब आप गैस डालेंगे सुरंगों के अंदर, तो आदमी जो अपने आप बाहर आएगा, क्योंकि उसको सांस लेने की तकलीफ होगी, उसको कुछ नहीं दिखेगा, तो अपने आप वो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो मारा जाएगा, और इसराइल ने यकीन किया होगा बाहर आएगा तो फिर टैंक्स भी हैं। ये सारे के सारे, मतलब ये जो जितने आपके सोल्जर्स हैं ये उनको वहीं पे मार देंगे। तो इसराइल ने यकीन किया है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया वो जानते हैं बहुत मुश्किल है, और उस चीज को आसान करने के लिए पिछले 7 दिन से वो लगातार इसको अब चैलेंज ये है कि इन सुरंगों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जल्दी से बता देते हैं, जैसा कि कुलकर्णी सर बता रहे हैं चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या चुनौतियां आएंगी? गाजा पट्टी में सुरंगों का इतना लंबा चौड़ा जाल है, तो इजरायली फोर्स के लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी यहां पर जाकर हमास के लड़ाकों को मारना? ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा पट्टी में ऑपरेशन के लिए इजरायली फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती टनल की खोज करना। अब टनल्स भी बहुत सारी हैं, और दूसरी चुनौती, अगर टनल खोज भी ली गई है तो उनमें हमास लड़ाकों को खोजना और उन्हें पकड़ना। फिर तीसरी चुनौती ये होगी कि सुरंगों के अंत तक पहुंचना और उनके नेटवर्क का पता लगाना, और चौथी चुनौती फिर ये होगी साथ साथ गाजा पट्टी में सुरंगों के जाल को खत्म कर देना। पिछले कुछ सालों में गाजा के टनल नेटवर्क से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 2008 में टनल में घुसते वक्त इजराइल ने अपने 9 सैनिकों को खो दिया था, जबकि 2014 में भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ही टनल में एंट्री करते वक्त 66 इजरायली सैनिक मारे गए थे। तो आसान नहीं है इतना,
और इसके चलते इजरायली फौज को उल्टे पांव लौटना भी पड़ा था। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशनल टास्क है। गाजा सीमा पर तैनाती के लिए और टैंक्स रवाना कर लिए गए हैं। गाजा सीमा पर हलचल और तेज हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 मिनट कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है जब बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ऐसे में टैंक्स का मूवमेंट किस तरीके से तेज होता हुआ दिख रहा है ये आप देखिए। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की लेटेस्ट हलचल का वीडियो। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, इजरायली अल्टीमेटम के खत्म होने में अब कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। बता दें गाजा में अफरा तफरी का इस बीच माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, गाजा में लोगों के भागने का ये लेटेस्ट वीडियो नजर आया, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा है कि इजरायल अब रुकने वाला नहीं है। इजरायल ने अल्टीमेटम भी दिया था, इन इलाकों को खाली करने को भी कहा था, और अब तस्वीरें इस बीच सामने आ रही है जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग जहां तहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 19 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली है। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था। शुरुआत में खबर ये भी आ रही थी कि गाजा में कई सारे लोगों ने डिनाई कर दिया था कि हम अपना घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी। देखिए डिनाई तो किया था और हमास ने भी उनको कहा था कि आप छोड़िए मत, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको पता है कि इसराइल कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन तो करेगा ही। तो जिन लोगों को लगा कि वो हमास के सामने उनकी ह्यूमन शील्ड नहीं बनना चाहते हैं, उन्होंने पलायन करने का सोच लिया है। जो उनके कट्टर जो उनके साथ हैं तो वो ज़रूर उनके साथ लड़ेंगे और वो ये ज़रूर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सिविलियन हैं, हमें मत मारो। और उनके पीछे हो सकता है हमास या कोई और खड़ा हो। तो और जितने भी ये टनल्स के जो हमने बात करी है, उनके जितने भी एंट्रीज हैं सब बेसमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट्स के थ्रू हैं। तो उससे उसके थ्रू आप नीचे जाएंगे 10-12 मीटर और फिर साइड टू साइड, उसका मैप भी नहीं है आपके पास, सीक्रेसी बनाई हुई है और बूबी ट्रैप्स हैं वहाँ पे, तो और माइंस हैं, तो कैसे उसका ऑपरेशन आप करेंगे। आपको जरूर उनको किसी ना किसी तरीके से ऊपर लाना पड़ेगा। जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे, और आपने देखा भी अभी अपनी तस्वीरों में हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल तैनात करके रखे हैं। और जैसे ही ये टैंक्स ये इन्फेंट्री व्हीकल्स अंदर जाएंगी, क्योंकि सर वक्त बहुत कम बचा है, हम एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वक्त बहुत कम बचा है। देखिए 17 मिनट 52 सेकंड, ये वक्त हमेशा सेकंड्स जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। 17 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है। सिवाज सर, इस बीच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गाजा जहां पर बड़ा एक्शन होने वाला है, गाजा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जा रहा है, वहां पर इसराइल के लिए एक्शन लेना या एक्शन करना कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है। अल्टीमेटम तो आपने दे दिया, लेकिन के बगैर एक्शन ले पाना कितना आसान होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुश्किल होगा, ये सच्चाई है, ये एक बड़ा चैलेंज है। मगर इसराइल को इसका ब्लूप्रिंट पता है और उसको मालूम है कि ये जो टनल्स हैं इनके एंट्री पॉइंट कहाँ हैं। देखो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई सबसे ज़्यादा टनल की होगी, क्योंकि अगर टनल के अंदर हमास अंदर रहे तो जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और ये निकलेंगे नहीं, ये सोचना कि हमास को आप गैस इन करके बाहर निकाल देंगे, शायद ये नहीं हो पाएगा। उनके पास गैस के मास्क हैं, इक्विपमेंट हैं, इतने शायद ना हो, मगर ये बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज होने वाला है और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और ये एक प्रकार अगर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर सिविलियन कैजुअल्टी हो जाती है कोलेटरल, तो फिर सिंपथी भी मुझे लगता है पैलेस्टाइन की तरफ सवाल जाएगी। यही पर तो यही ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वेल इक्विप्ड हुए कैसे, जब आप कह रहे हैं कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, कि आप कोई भी तरीका अपनाएंगे उसकी काट इनके पास है, तो बिना किसी के समर्थन के इनके पास सब कुछ कैसे? हाँ देखो सच्चाई ये है कि हमास को तैयारी कराने में ईरान का पूरा पूरा हाथ है, यही नहीं हमास को हिजबुल्ला को भी, और ये तैयारी 2 साल से हो रही थी। इसके लिए एक प्रकार उन्होंने गांव भी बना लिए थे मौकअप के लिए, और ड्रिल बना के उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिस की हुई है। और ये समझने की कोशिश करो, ये टनल जो हैं, ये जो जमावड़ा टनल्स का है, ये दूसरे देशों में भी निकलता है, तो इनका बहुत फ्लूइड मूवमेंट है, इनका लॉजिस्टिक वहाँ से आएगा, अम्यूनिशन वहाँ से आएगा, और ये मुझे लगता है वर्ल्ड के लिए
सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि टनल डिफेंसिस को कैसे न्यूट्रलाइज कराया जाए, और ये एक आने वाले समय के लिए ये पढ़ाया जाएगा कि इजरायली ने कैसे न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि हमास जो हैं वो कन्वेंशन लड़ने वाले नहीं है, वो आतंकवादी हैं। तो ये भी टनल्स को किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद किया जाता है, उससे किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये एक तरीके से केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाएगा, ये आप कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, उससे पहले निधि के पास हम चलते हैं। निधि के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। निधि। बिल्कुल प्रतिमा, टनल वॉरफेयर क्या होता है ये कुलकर्णी सरस से जानेंगे, लेकिन एक और डिटेल सामने आई है। हमास की ताकत और इजराइल की कमजोरी अब बताने का वक्त आ गया है। एक तरफ जहां सुरंगों का जाल है, तो दूसरी तरफ हमास की ताकत भी है। इजराइल की कमजोरी क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सुरंगों का जाल देखने को मिल रहा है, जो नेटवर्क है उसका पता नहीं है इजराइल को, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। टनल में सुरक्षित ठिकाने, अब इसको लेकर है कि एंट्री एग्जिट का अंदाजा नहीं है इजराइल को, तो ये एक कमजोरी है, ये वीकनेस है। बम और घातक हथियार, नीचे से निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है, ये कमजोरी है इजराइल की, ये नहीं पता ही, लेकिन ये हमास की ताकत है। इजराइल की कमजोरी और हमास की ताकत, ये दोनों आपको बता रहे हैं। बम और घातक कितने हो सकते हैं, नीचे से निकलकर कैसे हमला किया जा सकता है, टनल में सुरक्षित ठिकाने बनाए गए हैं हमास की तरफ से, हमास का एक्शन टनल के अंदर है, और दूसरी तरफ टनल वॉरफेयर शुरू हो गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि इजराइल एक्शन क्या लेता है। प्रथम बिल्कुल देखिए, टनल को लेकर हम बता रहे हैं कि दोनों की ही ताकत और कमजोरी क्या क्या है। गाजा में भारी तबाही देखने को मिल रही है, कई रिहायशी बिल्डिंग्स में इस वक्त ये एक्शन किया गया, जिसके बाद कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई है। ये तस्वीर आपके सामने, रिहायशी इलाकों से धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इजरायली सीमा से सटे गाजा के इलाकों में इस वक्त गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही है। ये रिहायशी इलाके की तस्वीरें बताई जा रही है। इसराइल बॉर्डर से गाजा में गोलीबारी के बाद किस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए जरा। अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने में अभी भी कुछ वक्त बचा है, 13 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से गाजा में अभी भी एक्शन जारी है, लेकिन बड़े स्तर पर एक्शन अभी होना बाकी है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर बम से अंडरग्राउंड बंकर को उड़ाया जाए तो क्या संभव है कि सभी बंकर खत्म हो जाए। आइए आपको बताते हैं कैसे बंकर बम काम करता है। देखिए, जब बंकर बम पिन पॉइंट अटैक करता है तो जमीन को पार करके कंक्रीट की मोटी परत भेजता है और फिर सुरंग के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है और सुरंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी सुरंगें उड़ाएंगे गाजा में, तो सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बंकर बम क्या कारगर साबित होंगे। हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, ये भी समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज सर, बड़ा चैलेंज है और हम टनल्स को लेकर हम बात भी कर रहे हैं, बंकर बम से कैसे निपटा जाए ये भी बड़ा सवाल है, ये कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे निपटा जाए। देखो, सच्चाई ये है कि इसराइल को मालूम है कि ये लड़ाई टनल्स की है और हमास टनल के अंदर छुपा हुआ है और उनको किसी तरीके से निकालना है। अगर नहीं निकले तो अंदर जाके उनको खत्म करना है, तो उससे पहले जब वो अंदर बढ़ेंगे तो एंट्री चाहिए, और एंट्री के लिए ये जिस प्रकार से इनके पास बॉम्ब है जो कि मारने से एक प्रकार अंदर जाके बस्ट होंगे और ओपनिंग करेंगे और उसके बाद जाएंगे। देखो, यही तो कहना है कि ये लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी टनल की, और ये लड़ाई एक बहुत ही लंबी और भयानक होने वाली है। एक और समझना प्रतिमा, क्योंकि ये जाल बिछाया हुआ टनल का और दूसरे देशों में भी निकलती है, तो इनका लॉजिस्टिक सिस्टम अम्यूशन वगैरह इन्होंने बढ़ा के रखा होगा। इसका मतलब हमास के पास काबिलियत और क्षमता है, वो लड़ सकते हैं लंबा, ये भी सच्चाई है, और उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। जो 5,000 रॉकेट फायर कर सकता है 20 मिनट के अंदर, इसका मतलब उन्होंने काफी जमावड़ा कर चुके हैं, और इसके लिए ईरान ने और बाकी देशों ने इनकी हेल्प की है। और मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई चलेगी ऐसे, तो कहीं ना कहीं हिजबुल्ला भी वहां से नॉर्थ से फायर करने की कोशिश करेगा। तो मैं यही कह सकता हूं, ये लड़ाई काफी मुश्किल होने वाली है इसराइल के लिए, मगर इसराइल का जो पास्ट
एक्सपीरियंस और बताता है कि इजराइल ने वो कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है कि इजराइल ने इसका कोई इलाज निकाला है। इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन हमास ने जिस तरीके से उनकी टेरिटरी में घुसकर हमला किया उसका भी तो पता मोसाद नहीं लगा सकी। तो आज जो अल्टीमेटम के बाद होने वाला है, क्या उससे निपटने के लिए भी हमास वेल इक्विप्ड है, राजेश सर? हाँ, वो देखिए, हमास ने तो पूरी तैयारी की है और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ईरान से स्टेटमेंट आया है कि हमास पूरी तरह तैयार है और वो जो है इसराइल का जो भी ऑफेंसिव है उसको नाकाम कर देगा। ज़रूर उनके पास तैयारी है और इसराइल ने डेडलाइन दी है, तो डेडलाइन के बाद उनको पता है, डेडलाइन के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी, वो तैयार हैं। अब किस तरह से उनको वो इसराइल उनको डिसेप्शन प्लान बना करके किस तरह से उनको सोचने पर मजबूर करेगा कि अटैक इधर से आ रहा है और अटैक एक्चुअली दूसरी तरफ से आया, उनकी क्या रणनीति है, वो बहुत ही सीक्रेट है। संभलने का मौका नहीं दिया जाए। और ये जो बंकर बस्टर जो आपने कहे, ये जो बॉम्ब नीचे जाके पेनिट्रेट करके और फिर ब्लास्ट होते हैं, ये या तो ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है इफेक्ट जो जितना भी है वो लिमिटेड एरिया में होता है। ये नहीं कि अब आप 1300 किलोमीटर के टनल हैं या 500 किलोमीटर के टनल हैं, तो अब 500 किलोमीटर टनल के लिए आप कितने बम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक दूसरी रणनीति बनानी होगी कि जहां पे आपको ओपनिंग चाहिए वहां पे ये बम लगाए जाएंगे, किस तरह से उनको मजबूर किया जाए कि वो बाहर निकलें और किस तरह से इन टनल्स को दूसरे एक्सप्लोजिव से ब्लॉक करके या डिस्ट्रॉय करके, राजेश जी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसे कैसे ऑपरेशन में लाया जाएगा और बंकर बम क्या होते हैं, इसको लेकर भी आपने बड़ी जानकारी दी। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हमास एयरफोर्स के चीफ की मौत हो गई है। हमास को बहुत बड़ा झटका है, IDF के हमले में ये मौत हुई है। 7 अक्टूबर के अटैक में बड़ा रोल था इसका बताया जा रहा है। तेल अवीव पर जो 5000 रॉकेट से अटैक किया गया, इसी ने ही इसे लीड किया था। 7 अक्टूबर के अटैक में इसका बड़ा रोल था और इसकी मौत हो गई, इसे ढेर कर दिया गया। संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी ये इसराइल का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, बहुत कम वक्त रह गया है, हम लगातार काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं, लेकिन रात में कैसे, किस तरह से एयरफोर्स भी पूरी तरह से कह रहे हैं कि मदद ली जाएगी जो इसराइल की एयरफोर्स है, तो रात में कैसे अंजाम दिया जाएगा ऑपरेशन? बहुत अच्छा सवाल है। इसराइली फोर्सेज जो है बहुत आधुनिक है, उनको रात के आले हैं उनके पास, इसलिए जो पिछले 7 दिन से जिस प्रकार से वो लगातार बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अब उसके बाद उन्होंने टनल वॉरफेयर करना है। जो ये टनल्स हैं, जो जितनी भी सुरंगें हैं उसका लेआउट उनको मालूम है और वो भी उनके पास आले हैं जिससे वो लेआउट का पता करेंगे। लेआउट का पता करने के बाद उनके पास मिसाइलें हैं जो उस टनल्स को बर्बाद कर सकती है। प्लान बी के तहत तेल अवीव से अगर एयरफोर्स को बिल्कुल एक्टिव किया गया तो यहाँ से फिर फाइटर जेट्स उड़ेंगे, F-15, F-16, F-35, जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं, सारे के सारे जो उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या है। इसके अलावा उन्होंने बिजली, पानी, खाना पीना सब बंद कर रखा है, तो वैसे ही वहाँ पे कठिनाई शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद वो गैस का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे सुरंगों के अंदर डालने के लिए, सुरंगों को बंद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि सांस ना लिया जाए, और बंकर जो बम है वो भी इस्तेमाल यही सुरंगों, यहाँ पे जितनी सुरंगों का एक दफा लेआउट पिछले 7 दिनों से इसराइल यही कर रहा होगा कि सुरंगों का लेआउट, क्योंकि 2007 के बाद जब से इसराइल बाहर निकला है उस पिछले 16 सालों में इन्होंने काफी कुछ अंदर का लेआउट बनाया होगा जिसके बारे में इसराइल को मालूम नहीं होगा। पर अब क्योंकि उनके पास आले हैं, रात को लड़ने के आले हैं, सुरंगों के लेआउट के पता करने के आले हैं, उनको ध्वस्त करने के भी आले हैं। बात सर आपकी तरफ से कही जा रही है कि बहुत ही वेल इक्विप्ड है इजरायली फोर्सेस और इसीलिए चुन चुन कर अपने टारगेट्स को तबाह किया जा रहा है। इजराइल के सेड्रोट से हमास का हमला, सेड्रोट पे हमास का एक साथ कई रॉकेट से हमला हुआ, हमास की मिसाइल सड़क पर जाकर गिरी है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस बीच सामने आ गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने है जहां पर सेड्रोट में हमास का हमला हुआ है। तो इस वक्त तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं इस सेड्रोट से सामने आ रही है जहां पर हमास की तरफ से हमला बोला गया, एक साथ कई रॉकेट से बताया जा रहा है कि ये हमला बोला गया है। हमास की मिसाइल सड़क पर जा गिरी है जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शिवाज सर,
अब बहुत कम वक्त बचा है, हम दिखा भी रहे लगातार, 5 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है जिसके बाद अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा और हम लोग की शुरुआत हो जाएगी इसराइल की तरफ से। और बात एक बार फिर से हो रही है कैजुअलिटीज की, दोनों तरफ से ही कितने बड़े स्तर पर इस युद्ध में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटम भले ही दे दिया गया था लेकिन पूरे इलाके को खाली करा पाना यूएन ने भी माना था कि असंभव है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, ये एक चैलेंज था और जो इसराइल ने एक प्रकार से डेड लाइन दी थी उसके बाद वो कभी भी हमला कर सकता है। ये जरूरी नहीं है जैसे डेड लाइन खत्म होगी उसके बाद इमीडिएटली हमला करेगा इसराइल अपना सोच समझ के एक टाइम पे। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि लड़ाई हरदम रात को होती है, क्योंकि जो दिन में अगर लड़ाई होगी तो डिफेंडर जो है उसको बड़ा फायदा होता है, वो देख सकता है। वैसे तो आजकल दिन में भी रात को भी दिन जैसा काम हो जाता है, नाइट विजन डिवाइस है, मगर फिर भी ये हमला रात को होगा और इसके लिए जो अब एयर पार का इस्तेमाल, मिसाइल का, रॉकेट का फायर करके उसको सोफन अप और फिर जो आर्मर्ड व्हीकलों से इन्फेंट्री घुसेगी। मगर ये भी याद रखो कि हमास भी इसके लिए तैयार है, उसने जो कहते हैं कि एंटी टैंक लेआउट बहुत अच्छा कर रखा है, मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है और उनकी जो डिफेंसिस हैं वो जाती हैं फिर टनल के अंदर। तो ये नहीं होगा इतना आसान इसराइल के लिए भी इतना जल्दी क्रॉस करके वो बिल्टअप एरिया में आ जाए, तो ये लड़ाई मुझे लगता लंबी खिंचेगी। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने 150 के करीब सिविलियंस को पकड़ के लेके गए हैं जिसमें फॉरनर्स भी हैं, उनका क्या भविष्य है, क्योंकि वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा हमास, अब उससे क्या होगा। मगर ये सच्चाई है, ये आर पार की लड़ाई है और इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और ये हमला कभी भी हो सकता है डेडलाइन के बाद, ये कतई नहीं कि अभी होगा। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहना कि अब जिस प्रकार से सीज कर लिया गाजा को, उसका एक प्रकार फ्यूल भी काट दिया, फूड भी काट दिया, बिजली पानी, मगर हमास के पास सब सम्मान सारे चीजें टनल्स के अंदर है और अभी भी ये टनल ब्लॉक नहीं है, ये इजिप्ट की तरफ भी निकलती है, लेबनान की तरफ भी निकलती है, वहां से भी ये मूवमेंट होती है। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मगर ये भी सच्चाई है इसराइल की काबिलियत और क्षमता को देखते हुए हम यही कहते हैं कि लड़ाई चलेगी लंबी। बड़ी खबर का मैं रुक करने जा रही हूँ, उत्तरी गाजा में इसराइल का एयर अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरी गाजा से। ये वही इलाका है जिसे खाली करने का अल्टीमेटम बकायदा दिया गया था, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ है, इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हमास के लिए ह्यूमन शील्ड बने रिहायशी इलाके, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये तस्वीरें भी इस बीच सामने आई हैं। देखिए आप, नॉर्थ गाजा की ये तस्वीरें, उत्तरी गाजा की ये तस्वीरें जहां पर इसराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है, ये रिहायशी इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर भीषण मिसाइल हमला हुआ है। तो इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया है, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। गाजा में इसराइल का भीषण अटैक, ये एयर स्ट्राइक की गई है और टनल को टारगेट किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने है, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमले की तस्वीरें आपके सामने है जहां पर इमारतों के बीच हमास के टनल को निशाना बनाया गया। हमास के लिए एक तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं वो अब तक ह्यूमन शील्ड के तौर पर काम करते आ रहे हैं और इन्हीं इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम भी इसराइल की तरफ से दे दिया गया था कि आप इन इलाकों को खाली करें और दक्षिणी गाजा का रुख करें। फिर हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां लंबा जाम लग गया था उन लोगों का जो पलायन कर रहे थे, अपना घर बार छोड़कर यहां से जा रहे थे, और अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मिसाइल अटैक होने शुरू भी हो गए। हमास के लिए हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ह्यूमन शील्ड बने हैं, ये तमाम रिहायशी इलाके इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया, तो रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ। बिल्कुल, नॉर्थ गाजा की तस्वीर दिखा रही है प्रतिमा आपको, और इस बीच क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल की सूचना मिल रही है कि इसके जरिए बड़ा हमला करेगा इसराइल और उसके बाद और इन बम्स के सहारे, यानी जो इन बॉम्ब्स के सहारे, जो बंकर बॉम्ब्स के सहारे ये सुरंगों पर अटैक किया जाएगा और इन सुरंगों को नष्ट नाबूद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर होस्टेज भी हो सकते हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत घनी आबादी वाला इलाका था जिन्हें पूरा शिफ्ट करने को कहा गया। ये हमास जो है ये ह्यूमन शील्ड यहाँ के वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी इस्तेमाल करेगा और ये जो होस्टेजेस हैं उनको भी इस्तेमाल करेगा, जिससे कि इसराइलियों को हमेशा अपने लोगों का बहुत ख्याल रहता है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रहता है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो यकीन करेंगे कि सुरंगों से पहले ही वो
एक तरीके का प्रोपेगेंडा करेंगे, ये आपके 10 होस्टेज इसके अंदर है, तो वो उस के ऊपर उस तरीके से हमला ना करें, उस तरीके से सोच रहे हैं। बंकर बम की जो जो कैपेसिटी होती है वो किस तरह की, क्योंकि ये टेरेन किस तरह का है, ये जितने हैं 10 से 12 मीटर जो जमीन के नीचे होंगे, सुरंगे जो है 10 से 12 मीटर जमीन के नीचे होंगे, और ये जो नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से सुरंगे जा रही होंगी, उन सुरंगों के बीच में छुपे होंगे। अल्टीमेटम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, गाजा की उल्टी गिनती के आखिरी जो वक्त थे, आखिरी जो समय था, वो भी खत्म हो चुका है, यानी जो अल्टीमेटम का समय है वो खत्म हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, इजरायली समय के हिसाब से अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है, यानी कभी भी गाजा के उत्तरी इलाके में एक्शन इजराइल का शुरू हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, इजराइल के अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है, ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन हमास के खिलाफ यहां शुरू हो सकता है। गाजा के उत्तरी इलाके को खाली कराने का अल्टीमेटम इजराइल की तरफ से दिया गया था, जिसका वक्त अब खत्म हो चुका है, ऐसे में किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हमारे साथ एयर मार्शल राजेश जी मौजूद है। सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रात के वक्त में अगर ऑपरेशन किया जाता है तो किस तरीके से एयरफोर्स उसको अंजाम देगी? देखिए, एयरफोर्स तो ज़रूर इस तरीके से, उनके पास रात में अटैक करने के बहुत सारे साधन हैं, और किसी न किसी तरह से जो डिसएडवांटेज होता है डिफेंडर का रात को ही होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन रिवील कर देता है किसी तरह से। जैसे आप बाहर निकले, थोड़ी टॉर्च की लाइट लगा दी तो आप पकड़े जाओगे, या कोई भी एक थर्मल सिग्नेचर अगर आप दोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा और आइडिया हो जाएगा कि इस तरफ से एंट्री है या एग्ज़िट है। तो अब आप ये देखिए, जो 10 से 12 मीटर नीचे जो सुरंग है उसके लिए जो बंकर पेनिट्रेटर बॉम्ब्स हैं वो शायद वहाँ तक इतनी डेप्थ तक ना पहुँच पाए, तो जहाँ पे उनकी जो एंट्रेंसेज हैं उसको एयरफोर्स ज़रूर टारगेट करेगा। और टनल्स के अंदर एक ये होता है कि अगर बड़े कैलिबर का बॉम्ब आप वहाँ डालें और उसके एंट्रेंस पे डालें तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका जो ब्लास्ट का इफेक्ट है वो टनल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसकी वजह से लोगों की मौत जो है बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो यही मेरी जो है ये मेरा एस्टिमेशन है, और देखते हैं कि किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, किस तरह के टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सिवाज सर, चूंकि आप खुद भी इसराइल में रहे हैं, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसराइल के इस तमाम ऑपरेशन को अंजाम देना बिना इंटरनेशनल एजेंसीज के, संस्थाओं के निगाह में आए हुए, क्योंकि उन्होंने लगातार आगाह किया है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज बड़े स्तर पर हो सकती है। जिस तरीके से आप बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और अब चूंकि अल्टीमेटम का समय खत्म हो गया और आगे की तरफ बढ़ रही है लगातार। देखो, सच्चाई ये है कि हमास की स्ट्रेंथ क्या है। हमास की स्ट्रेंथ है उसकी टनल डिफेंसिव, हमान की स्ट्रेंथ है कोलैटरल डैमेज के लिए ह्यूमन सीट, उनका वो इस्तेमाल करेगा, उनको जाने नहीं दे रहा सिविलियंस को। अभी आर्टी फायर, रॉकेट फायर, एयर पावर से फायर होगा, मगर वो इन इलाकों में से सिविलियन को नहीं जाने देगा और अपने टनल से बाहर नहीं निकलेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक प्रकार इजरायली फोर्स के लिए कि टनल के अंदर कैसे घुसें, एंट्री करें, क्योंकि घुसना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे नहीं। जिस प्रकार से सोच रहे हैं शायद गैस का इस्तेमाल करें, उसके लिए भी वेल इक्विप्ड है, उनका समाधान भी सब कुछ है। तो ये लड़ाई एक बहुत ही नई लड़ाई होगी कि जो कि बंकर्स के अंदर नहीं बल्कि टनल्स में होगी। टनल्स की एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट भी इतनी मुझे नहीं लगता कि शायद इजराइल को पता हो, तो वो कोशिश करेगा। मगर एक बार आपको एंट्री मिल गई टनल्स के अंदर तो फिर इजराइल की जो फोर्स है वो मुझको लगता है मूव करेगी उन टनल में और इनको बर्बाद करने की कोशिश करेगी। मगर एक चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये टनल्स हैं, ये जो हमास है ये एक प्रकार से कन्वेंशनल वारफेयर लड़ने वाले फौज नहीं है, ये गुरिल्ला टाइप हैं और ये बड़े और ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। और ये बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई होती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, और डिफेंडर, जो डिफेंडर होता है उसको फायदा होता है अटैकर की बजाय। टैंकों का इस्तेमाल, बड़ी गाड़ियों नहीं, इन्फेंट्री को अंदर घुसना पड़ेगा और टनल के अंदर घुसना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि टनल को मुझे हमास छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे ये, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ उसमें है। और दूसरा ये बात कर ही रहे हैं कि जो सिविलियंस कैजुअलिटी, जो सिविलियंस
को पकड़ा हुआ है उनका क्या करेगा? ये जो एक्शन हो रहा है या फिर होने वाला है उसमें ये हमास को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे आपको लगता है, या फिर ये लड़ाई लंबी चलने वाली? देखो ये लड़ाई मुझे लगता है लंबी चलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी हमास हाथ खड़े करने वाला नहीं, क्योंकि हमास ने तैयारी 2 साल से कर रखी है। उसने हर चीज को देख लिया। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल से अभी अभी की, एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है, हिजबुल्ला की इजराइल पर बमबारी। जी हाँ, लेबनन का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी। ये बहुत बड़ी खबर है, देखिए किस तरह से हिजबुल्ला एक्टिव हो गया है। सैन्य ठिकाने जो इजराइल की तरफ से बनाए गए थे नॉर्थ गाजा में, वहां पर इजराइल पर बमबारी की है हिजबुल्ला ने। आज सुबह खबर मिली थी कि इजराइल ने जो हिजबुल्ला के ठिकाने वहां पर बमबारी की, और अब हिजबुल्ला ने पलटवार करके इजराइल पर बमबारी की है। मैं चाहूंगी कुलकर्णी सर, ये लेबनान है, ये लेबनान जो कि सीधा लेबनान बॉर्डर कनेक्ट करता है इजराइल से, और यहाँ पर ये देखिए ये सीरिया है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से अटैक हुआ है, और लेबनान का चरमपंथी संगठन है हिजबुल्ला, उसने अटैक किया है। ये है लेबनान के, उनको मालूम है इजराइल को कि लेबनान जो है हिजबुल्ला जो दूसरा आतंकवादी संगठन है जो लेबनान में है वो हमला करेगा। उस हमले से बचने के लिए इजराइल ने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, यकीन करने के लिए कि हिजबुल्ला जो है इस लड़ाई के बीच में दखलअंदाजी ना दे, ईरान सीरिया के बीच में ना करे, इसलिए सीरिया के 2 जो एयरफील्ड्स हैं उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया कल रात। तो सीरिया को वहाँ किया, इधर लेबनान को कि हिजबुल्ला जो है इधर दखलअंदाजी ना करे इस लड़ाई में, इसलिए उन्होंने अपनी यहाँ पर तैनाती कर रखी है जिससे लेबनान को इधर संभाल ले, और वहाँ पर इस प्रकार से गाजा पट्टी में जो है पूरा जोर, ये जो आर्मी मूवमेंट है ये इजराइल का यहाँ लेबनान बॉर्डर पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा हरकत होगी, लेकिन इजराइल का आज मकसद ये होगा कि पहले वो काम खत्म करे गाजा पट्टी का। मैं आपको इस वक्त रोक रही हूं सर, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आ गया है, तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए आप हमास के लड़ाके किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तस्वीरें सामने है, ये लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का। तो इजरायली फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं हमास के लड़ाके, और किस तरीके से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमास के लड़ाके इन वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको दोनों ही तरफ की फोर्सेस नजर आएंगे, एक तरफ तो हमास के आतंकी कहा जा सकता है कि आपको ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ IDF के यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो सैनिक हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, किस तरीके से उनके सैन्य वाहन आगे की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि गाजा बॉर्डर का रुख कर रही है, तस्वीरें सामने आ रही है युद्ध क्षेत्र से। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो, और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस किस तरीके से गाजा बॉर्डर का रुख कर रही हैं, सैन्य वाहन बड़ी तादाद में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान बॉर्डर से इजरायल पर हमला हुआ है, बहुत बड़ी खबर, इजरायल पर मिसाइल से हमला किया है, और IDF ने भी लेबनान पर रॉकेट दागे हैं, इजराइल ने पलटवार करके जवाब दिया है, मिसाइल से जो हमला किया गया लेबनान की तरफ से, तो इजराइल की जो फोर्स है डिफेंस फोर्स उसने रॉकेट दाग दिए हैं, पलटवार किया है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई का विस्तार है वो लेबनान तक पहुंच चुका है, लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला हुआ और फिर इजराइल ने पलटवार किया। इजरायली अल्टीमेटम के बीच अभी अभी सबसे बड़ी विध्वंसक खबर सामने आई है, गाजा के पास इजरायली टैंकों का जमावड़ा नजर आ रहा है, अटैक के बाद बता दें बड़ी संख्या में इसके लिए टैंक्स तैनात है, थोड़ी ही देर में बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो गाजा के पास इजरायली टैंकों का जमावड़ा तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, माना जा रहा है अटैक के लिए बड़ी संख्या में ये टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं, और अब से कुछ ही देर बाद बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दें, इजरायली फोर्स ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है, ये बड़ी खबर है, शाम 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगा ऑपरेशन, बंधक ऑपरेशन के एक्सपर्ट अफसर शामिल, इमारत टनल में आज रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा,
इन ग्राउंड ऑपरेशंस की सारी फीड इसराइल में बैठे सीनियर कमांड सेंटर मॉनिटर करते रहेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आने के बाद कमांड सेंटर से एडिशनल फोर्सेस और अटैक हेलीकॉप्टर उस लोकेशन पर कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगी। ये बड़ी खबर सामने आपके। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये, इजरायली टैंक की फायरिंग शुरू हो चुकी है। गाजा सीमा के पास इजरायली टैंक्स ने पोजीशन ले ली है। ये बहुत बड़ी खबर है, इजरायली टैंक्स पूरी तरह से तैनात हैं और आज की रात कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म हो रहा है लोगों के लिए पलायन का। और इस वक्त जो खबर मिल रही है, पोजीशन टैंक्स ने ले ली है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, गाजा सीमा पर तैयारी पूरी है। तो उधर गाजा के भीतर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर बड़े पैमाने पर लोगों का जाना भी जारी है। हमारी टीम को इस मिलियन मार्च की कुछ हवाई तस्वीरें हासिल हुई है, जो आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया इसराइल की तरफ से लोगों को कि वो यहां से निकल जाएं, क्योंकि यहां पर इसराइल की ओर से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है। और किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग अब इस इलाके से पलायन कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए, समझिए किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी का माहौल होगा, क्योंकि वो घड़ी नजदीक आ रही है। हम टाइमर भी बीच बीच में आपको दिखाएंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि वो घड़ी कितनी नजदीक आ चुकी है, क्योंकि इजराइल की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाना है। इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था गाजा के उत्तरी इलाके को खाली कर दक्षिणी इलाके में ये लोग मूव हो जाएं, इस बात का लोगों को संदेश दे दिया गया था। और अब जाम की स्थिति हो गई है यहां से, क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं। अपना घर से जितना जरूरी सामान वो ले जा सकते थे वो ले जा रहे हैं और फिर यहां से मूव कर रहे हैं। ये तस्वीरें और विस्तार से आपके सामने हम रखेंगे, ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त हालात किस तरीके से भयावह बने हुए हैं। गाजा की जो तस्वीरें हैं वो क्या बता रही है, एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अश्विनी सुभाष सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ एयर मार्शल राजेश कुमार निधि के साथ मौजूद है, उनका भी आगे हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अश्विनी सुभाष सर, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को जो लगातार सामने, क्योंकि वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब इसराइल की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि हम बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखो प्रतिमा, इसमें कोई शक नहीं, पूरी लड़ाई की तैयारी कर रखी है। अभी यह ऑफेंसिव होने वाला है इसराइल का, उससे पहले जो प्रिलिमिनरी प्रीएम्प्टिव एक्शन करने होते हैं इसराइल ने, वो कर लिए हैं। उसके टैंक रेडी हैं, बीएमपी गाड़ियां रेडी हैं, आर्मर जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं वो भी रेडी हैं। उनके बाद आर्टी गन्स वगैरह और मिसाइल रॉकेट ये भी फायर करना स्टार्ट करेंगी। और अब जिस प्रकार से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि एक पैलेस्टीन के जो सिविलियंस हैं वो नॉर्थ के इलाके को छोड़ के चले जाएं साउथ में, वो भी होगा। उसकी वजह ये है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चलने वाली है, क्योंकि हमास की डिफेंसिव टनल डिफेंस है, वो ऊपर नहीं लड़ेंगे, वो टनल डिफेंसिस के अंदर है और वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पर रियासी इलाके हैं, वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये लड़ाई होगी और जब ये अंदर गाजा पट्टी के अंदर लड़ाई स्टार्ट होगी, तो ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई होगी, और बिल्टअप एरिया की लड़ाई जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, और वो डिफेंडर के लिए आसान है, अटैकर के लिए काफी मुश्किल है। हम टेक्निकलिटीज पर भी बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुलकर्णी सर, ये तादाद छोटी मोटी नहीं है, 11 लाख लोगों को एकाएक आपने कह दिया कि इन इलाकों को खाली कीजिए, क्योंकि हम बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और ये देखिए, हम टाइमर भी लगातार दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द वो एक्शन होने वाला है, और इसीलिए जाम की स्थिति वहां पर बन गई है। लोगों को जो समझ में आया वो उठाकर वो चलते बने। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन चेन है। सिवाज सर बता रहे थे, कुलकर्णी सर जो प्रतिमा सवाल पूछ रहे हैं कि कितना मुश्किल होगा, अभी चुनौती कितनी ज्यादा होगी ये गाजा पट्टी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मॉडल बनाया है। ये है गाजा पट्टी और इसी का ब्लो अप है ये जो नजर आ रहा है। ये जो गाजा पट्टी है ये 40 किलोमीटर लंबी है, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। टोटल इलाका 365 स्क्वायर किलोमीटर है, आबादी 22 लाख की है। लेकिन जो अब कयामत की रात है वो है नॉर्थ
नॉर्दर्न पोर्शन पे, नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी, यहाँ से जो 11 लाख, मैंने कहा 22 लाख की आबादी है, 11 लाख लोग जो है यहाँ बसते हैं, जिन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो इस गाजा पट्टी को छोड़ दे। खत्म हो रहा है, वो खत्म होने को आ रहा है, सारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है बंद है, एक ही पॉइंट है यहाँ पे जो राफा का पॉइंट है जो मिस्र के साथ है, वो उन्होंने खोल रखा है, पर मिस्र ने भी अपनी बॉर्डर बंद कर दी। बिल्कुल, ये जो गाजा पट्टी है मिस्र के साथ 11 किलोमीटर लगती है, और जो भी प्लान करना है लोगों ने यहाँ से, ये सारी जगह से एक इसराइल से घिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसराइल ने घेर रखा है, और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर है वो एक तरफ है, तो आप समझ सकते हैं कि 11 लाख लोग को 24 घंटे दिए पलायन, चाहे उन्होंने सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट बोलते हैं, जिस प्रकार से पिछले 7 दिन से लगातार बमबारी हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट है स्पेशली नॉर्थ गाजा, ये जो नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, इसको जिस प्रकार से पिछले 7 दिन में लगातार हवाई जहाज के बम्बार्डमेंट के द्वारा ध्वस्त किया गया है, इसके अलावा टैंक्स भी हम देख रहे हैं, ये देखिए टैंक्स जो हैं ये अभी नॉर्थ गाजा में हैं। बिल्कुल, अभी ये जो टैंक्स हैं ये देखिए, ये बिल्कुल आपने जो कहा ये जितने टैंक्स हैं ये पिछले 4 दिन से खड़े हैं इस उम्मीद से कि कब उनको वक्त मिलता है और कब आदेश मिलता है कि वो गाजा पट्टी को जाकर के पूरा का पूरा है। लेकिन गाजा पट्टी में जो है जितनी गाजा पट्टी के जो इमारतें ऊपर थी उतनी ही नीचे भी टनल्स हैं, उस टनल्स के साथ यकीन करना है जब ये लड़ाई ऑफेंसिव जाएगा, ये ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है, जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि अगले 40 मिनट में शायद ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा, 7 बजे के आसपास ग्राउंड ऑफेंसिव जाने की उम्मीद है, उसको उस उम्मीद से ये लगाई जा सकती है कि गाजा पट्टी जो है कि किस प्रकार से उसको बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि ध्वस्त किया गया है, इमारतें गिरा दी गई हैं, लेकिन टनल में तो लोग उम्मीद हो सकते हैं जो फाइटिंग बिल्टअप एरिया बोलते हैं, आप ये कह रहे हैं टनल जो है, अगर मैं ये और व्यापक तरीके से इस मैप पे आए, इस नक्शे पे आए, इजरायली तैनाती के बीच हमास का एक्शन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हमास के लड़ाकों का मोर्टार से हमला हुआ है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मोर्टार से हमले से जुड़ी हुई खबर, इजरायली ठिकानों को किस तरीके से टारगेट किया गया है, ये देखिए आप तस्वीरों में, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हमास के लड़ाके मोर्टार से हमला करते हुए नजर आए, ये आप देखिए जरा, तो ये इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायली तैनाती के बीच हमास के एक्शन का ये वीडियो सामने आया है, हमास के लड़ाके किस तरीके से मोर्टार से हमला कर रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है इजरायली ठिकानों को इन लड़ाकों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, और मोर्टार का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, इजरायली ठिकानों को ये टारगेट कर रहे हैं, ये तस्वीरें लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, आगे बढ़े उससे पहले देखिए 33 मिनट का ही वक्त बाकी है, जिसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाना है उत्तरी गाजा के हिस्से में, जहां के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के लड़ाकों की तैयारी वाली तस्वीर भी सामने आई है, एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है, कंधे पर लॉन्चर लिए दिखा हमास का लड़ाका, ये तस्वीरें आप देखिए जरा, एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी की जा रही है, वार पलटवार का दौर जारी है, और दोनों ही तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली, ये हमास के लड़ाके की तस्वीर है जिसमें वो किस तरीके से तैयार नजर आ रहा है, ये आप देखिए जरा, और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, गाजा बॉर्डर पर बढ़ रहा है इजरायली मूवमेंट, ये हम आपको खबर बता रहे हैं, इजरायली सैन्य तैनाती बढ़ गई है, डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, इजरायली सैन्य गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, ये देखिए टैंक्स मूव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी अल्टीमेटम दिया था कि नॉर्थ गाजा से लोग खाली कर दें, 1 घंटे बाद बड़ा अटैक करने वाला है इजरायल, इसीलिए लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, नॉर्थ गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल है, और ये टैंकों का मूवमेंट आप देख रहे हैं तस्वीरों में, एक बार फिर से हम तस्वीरें बता दें, 1 घंटे बाद बड़ा अटैक करेगा इजरायल, और इसीलिए टैंक्स का मूवमेंट तेज हो गया है, जो सैन्य डिप्लॉयमेंट है, जो सैन्य तैनाती है वो बढ़ गई है इजरायल की तरफ से, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबकी नजरें इस वक्त नॉर्थ गाजा पर ही है, क्योंकि यहां पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की कोशिश अब इजरायल की तरफ से की जाएगी, एक बड़ा सैन्य काफिला इस वक्त हम देख सकते हैं इस नॉर्थ बॉर्डर पर, जो गाजा बॉर्डर है, नॉर्थ साइड जो बताया जा रहा है, नॉर्थ गाजा,
और यहाँ पर एक बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, एक ऐसा गाड़ियों का काफिला जो बता रहा है कि तैयारी इजराइल की बड़ी है। इजराइल की सेना पूरी तरह से तैनात यहाँ पर होना चाहती है, हर चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाले हुए इजराइल की सेना, और यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो एक तरफ गाजा में बड़ी आबादी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके के हालात बने हुए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए जगह बदलने की स्ट्रैटेजी, 11 लाख फिलिस्तीनी किस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इन्हें मूव किया गया है, ये गाजा पट्टी का पूरा इलाका यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गाजा पट्टी का इलाका है जहां पर इनको मूवमेंट करने के लिए कहा गया, अल्टीमेटम दिया गया बकायदा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये लोग मूव कर गए हैं। इसराइल ने अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व में मूव, दक्षिण से उत्तर की ओर मूव कर दिया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। यहां पर फिलिस्तीनियों को मूव किया गया दक्षिण की तरफ, तो इजरायलियों को मूव किया गया उत्तर की तरफ। इजरायल ने फिलिस्तीन के 11 लाख लोगों को उत्तर से गाजा से दक्षिण गाजा जाने को आदेश दे दिया और अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर में भेज दिया है। तो इस पॉपुलेशन मूवमेंट की स्ट्रैटेजी, इसके पीछे क्या हो सकती है, इसका महत्व समझने की कोशिश अपने एक्सपर्ट से भी हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से घड़ी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, समय समझना बहुत जरूरी। एक बार फिर से जरा वो काउंटडाउन दिखाइए, कितना वक्त बाकी है जो एक्शन है, ये लीजिए 29 मिनट का ही वक्त बाकी है जिसके बाद, क्योंकि उल्टी गिनती लगातार जारी है, अल्टीमेटम का वक्त नजदीक आता जा रहा है। राजेश जी, एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक्शन भी लिया जाना है, लेकिन इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ मूव हो जाइए, फिलिस्तीनियों को आपने अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन अपने 4 लाख नागरिकों को आपने नॉर्थ में क्यों भेजा, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? इसके पीछे तो यही समझ में आता है कि जो उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनूवर चाहिए, इतने सारे टैंक्स हैं, इतने सारे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो किस तरफ से आएंगे, क्योंकि एक डेडलाइन तो दे दी है उन्होंने, इस ज़रूरी नहीं है कि डेडलाइन के तुरंत बाद ही वो अटैक करें, वो ज़रूर उन्होंने रणनीति बनाई होगी, क्योंकि फाइनली जो लड़ाई है वो तो अंडरग्राउंड ही लड़ी जाएगी, पैदल लोगों से चढ़ी जाएगी, टैंक तो उनको वहां तक पहुंचाएंगे, इन्फेंट्री व्हीकल्स उनको वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो उनको अंदर घुस घुस के बिल्डिंग टू बिल्डिंग, बेसमेंट टू बेसमेंट, टनल टू टनल, जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमास के वो लड़ाकू हैं उनको वो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, और वो भी तैयार हैं, डेडलाइन भी निकल चुकी है, पॉपुलेशंस भी मूव हो चुके हैं, तो अब डेफिनेटली हमास भी पूरी तैयारी में है। सर, ये मूवमेंट आपको टेम्पररी लगता है या फिर ये परमानेंट है, क्योंकि यहाँ से लोगों को हटाना और अपने लोगों को बसाना, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी, इसे हम बहुत दूर का सोचा समझा प्लान मान के चले क्या? नहीं, ये जो इजरायली की मूवमेंट है ये तो टेम्पररी लगती है, ठीक है, ताकि वो क्रॉस फायर में ना आ जाए। हमास कैसे, वो तो हमास की पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, फिलिस्तीनी पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, ये तो युद्ध का जो रिजल्ट है वो ही हमें बता पाएगा। तो अपने लिए क्या इनसाइड सपोर्ट की भी कोशिश की जा रही है, सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखो, सच्चाई ये है कि ये बड़ी सोची के साथ रणनीति बनाई है इजराइल ने, और जिस प्रकार से पैलेस्टीनियों को नॉर्थ से साउथ में किया है, तो वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो पैलेस्टीन सिविलियन, एक तो कोलेटरल डैमेज में मारे जा सकते हैं, दूसरा ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं हमास को। अब इनसाइड सपोर्ट इनका रहता है। अब सच्चाई ये है कि अब जो लड़ाई लड़ेगा इजराइल, उसके ये 3-4 पहलू हैं। पहले उन्होंने एयर पावर से सोफन अप करेगा, फिर जब उसने HR जिसको बोलते हैं, जब असली लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले वो आर्टी फायर करेगा, रॉकेट फायर मिसाइल करेगा, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, और उसके बाद जो इन्फेंट्री है वो आर्मर्ड व्हीकलों में चलेगी यहाँ पर, क्योंकि बिल्टअप एरिया है। मगर एक चीज का ध्यान रखना प्रीतिमा, कि क्या हो रहा है कि जो हमास है उसने मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है, और उसके जो लड़ाई है वो ज्यादातर होगी टनल में, वहां छुपे हुए हैं, और उसके साथ उन्होंने माइनफील्ड बहुत लगा लिए हैं, बूबी ट्रैप्स लगा लिए हैं, और ये भी एक है जो दुखती हुई कड़ी इजराइल की, जो 150 से ज्यादा उन्होंने एक प्रकार से प्रिजनर बना रखे हैं, जिनको वो लेके चले गए हैं हमास, उनका क्या होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसराइल भले ही हमास को खत्म करने के लिए उत्तरी गाजा खाली करा रहा है, लेकिन उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है,
कैसे? आइए इसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है। लेकिन इतने छोटे क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं, जो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं। ये टनल जमीन के नीचे 10 से 12 मीटर की गहराई में है। इसकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर है, और इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल उठता है, इतनी सुरंगें क्यों बनाई गई? इन सुरंगों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो आइए इसे भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। गाजा पट्टी में तीन प्रकार की सुरंगें बनाई गई हैं। पहली, सामानों हथियारों के तस्करी के लिए, जो टनल के जरिए मिस्र और गाजा को जोड़ती है। वहीं दूसरी, सुरक्षा के लिए, जैसे लड़ाकों को रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना और हथियारों का भंडारण करना। तीसरी जो प्रकार की टनल है वो है जिसके जरिए हमास लड़ाके इजराइल में घुसपैठ करते हैं। तो ये जो है हम आपको बता रहे हैं, 1, 2, 3। अब जो चुनौती है वो सुरंगें हैं जो सामने आई हैं। मैं चाहूंगी कि जो कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए कुलकर्णी सर, ये जो सुरंगें हमने देखी, ये 5 इलाके हैं और सुरंगें एक सबसे बड़ी चुनौती, जिनकी डिटेल के बारे में जानकारी हमने दी, अब इससे कैसे निपटा जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है, बिकॉज गाजा पट्टी में जो है ऊपर, ये चाहे नॉर्थ गाजा हो या गाजा सिटी हो, यहीं पर 11 लाख लोग बसते हैं, 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, बाकी तकरीबन 7-8 लाख लोग इधर हैं। ये 11 लाख लोग अगर पलायन भी करते हैं, हमास जो है पूरा का पूरा उसका लॉजिस्टिक्स, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया में सबसे बड़ी तकलीफ अगर होती है तो वो, क्योंकि जो डिफेंडर है वो अंदर अंदरूनी पूरे सुरंगों के अंदर। अगर आप टेबल पे समझाएं तो यहाँ पे सैनिक भी हैं। अगर आप देखिए ये जो सुरंगें हैं, ये सुरंगें अंदर होंगी। अब इन सुरंगों के अंदर जाकर के हमलावर को जाना बहुत कठिन होता है, यानी कि वो तो मौत के घाट जा रहा है, बल्कि जो डिफेंडर है वो इंतजार कर रहा है कि जो हमलावर है सुरंगों में घुसे। इजरायली जो है वो कभी भी सुरंग के अंदर नहीं घुसेंगे, उनको अगर बाहर निकालना है। 1300 से ज्यादा हमास ने सुरंगें बना रखी। सुरंगों को बाहर निकालने के लिए जैसे कहा जा रहा है कि फास्फोरस एमिनेशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का वो इस्तेमाल करेंगे, कि जिससे कि जितने भी लोग सुरंगों के अंदर हैं ये बाहर अपने आप निकलेंगे, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये बाहर के जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्टिलरी की गाड़ियां हैं, ग्राउंड ट्रूप्स हैं, उसके अलावा आपके F-15 एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सैनिक हैं तो सुरंगों के अंदर कहां इस तरह से, ये जो आप दिखा रहे थे, मैं कह रही हूं चैलेंज कितना बड़ा है। अगर यहां पर होस्टेसेस होंगे तो फिर कैसे छुड़ाएं? बहुत बड़ा चैलेंज, सुरंगों के अंदर लड़ना मतलब जान देने बराबर है, बहुत मुश्किल होगा इजरायलियों को सुरंगों के अंदर लड़ना। वो पर सुरंगों के अंदर नहीं लड़ेंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि ये जितने भी हमास के लोग हैं या जो भी लड़ाकू हैं, इनको बाहर निकाला जाए, और बाहर निकालने का तरीका है उनको गैस करना। पर ऐसे में रसद भी सर यहीं से पहुंचाया जाता, तो बहुत सारी सुरंगे, कितनी भी सुरंगे हों, सुरंगों के अंदर जा करके लड़ना नामुमकिन के बराबर है। आप कैसे लड़ेंगे सुरंगों के अंदर जाना? लेकिन उनको आदमियों को सुरंगों से बाहर आप कैसे निकालेंगे? जब उसको गैस करेंगे आप उसमें इस तरह के, जब आप गैस डालेंगे सुरंगों के अंदर, तो आदमी जो अपने आप बाहर आएगा, क्योंकि उसको सांस लेने की तकलीफ होगी, उसको कुछ नहीं देखेगा, तो अपने आप वो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो मारा जाएगा, और इसराइल ने यकीन किया होगा बाहर आएगा तो फिर टैंक्स भी हैं। ये सारे के सारे, मतलब ये जो जितने आपके सोल्जर्स हैं, ये उनको वहीं पे मार देंगे। तो इसराइल ने यकीन किया है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया वो जानते हैं बहुत मुश्किल है, और उस चीज को आसान करने के लिए पिछले 7 दिन से वो लगातार इसको अब चैलेंज ये है कि इन सुरंगों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जल्दी से बता देते हैं, जैसा कि कुलकर्णी सर बता रहे हैं चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े, तो क्या चुनौतियां आएंगी? गाजा पट्टी में सुरंगों का इतना लंबा चौड़ा जाल है, तो इजरायली फोर्स के लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी यहां पर जाकर हमास के लड़ाकों को मारना? ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा पट्टी में ऑपरेशन के लिए इजरायली फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती टनल की खोज करना। टनल्स भी बहुत सारी हैं, और दूसरी चुनौती, अगर टनल खोज भी ली गई है तो उनमें हमास लड़ाकों को खोजना और उन्हें पकड़ना। फिर तीसरी चुनौती ये होगी कि सुरंगों के अंत तक पहुंचना और उनके नेटवर्क का पता लगाना। और चौथी चुनौती फिर ये होगी साथ साथ गाजा पट्टी में सुरंगों के जाल को खत्म कर देना। पिछले कुछ सालों में गाजा के टनल नेटवर्क से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 2008 में टनल में घुसते वक्त इजराइल ने अपने 9 सैनिकों को खो दिया था, जबकि 2014 में भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ही टनल में एंट्री करते वक्त 66 इजरायली सैनिक मारे गए थे। तो आसान नहीं है इतना,
और इसके चलते इजरायली फौज को उल्टे पांव लौटना भी पड़ा था। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशनल टास्क है। गाजा सीमा पर तैनाती के लिए और टैंक्स रवाना कर लिए गए हैं। गाजा सीमा पर हलचल और तेज हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी देर में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 मिनट कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है जब बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ऐसे में टैंक्स का मूवमेंट किस तरीके से तेज होता हुआ दिख रहा है ये आप देखिए। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की लेटेस्ट हलचल का वीडियो। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, इजरायली अल्टीमेटम के खत्म होने में अब कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। बता दें गाजा में अफरा तफरी का इस बीच माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, गाजा में लोगों के भागने का ये लेटेस्ट वीडियो नजर आया, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा है कि इजरायल अब रुकने वाला नहीं है। इजरायल ने अल्टीमेटम भी दिया था, इन इलाकों को खाली करने को भी कहा था, और अब तस्वीरें इस बीच सामने आ रही है जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग जहां तहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 19 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली है। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था। शुरुआत में खबर ये भी आ रही थी कि गाजा में कई सारे लोगों ने डिनाई कर दिया था कि हम अपना घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी। देखिए डिनाई तो किया था और हमास ने भी उनको कहा था कि आप छोड़िए मत, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको पता है कि इसराइल कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन तो करेगा ही। तो जिन लोगों को लगा कि वो हमास के सामने उनकी ह्यूमन शील्ड नहीं बनना चाहते हैं, उन्होंने पलायन करने का सोच लिया है। जो उनके कट्टर जो उनके साथ हैं तो वो ज़रूर उनके साथ लड़ेंगे और वो ये ज़रूर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सिविलियन हैं, हमें मत मारो। और उनके पीछे हो सकता है हमास या कोई और खड़ा हो। तो और जितने भी ये टनल्स के जो हमने बात करी है, उनके जितने भी एंट्रीज हैं सब बेसमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट्स के थ्रू हैं। तो उससे उसके थ्रू आप नीचे जाएंगे 10-12 मीटर और फिर साइड टू साइड, उसका मैप भी नहीं है आपके पास, सीक्रेसी बनाई हुई है और बूबी ट्रैप्स हैं वहाँ पे, तो और माइंस हैं, तो कैसे उसका ऑपरेशन आप करेंगे। आपको ज़रूर उनको किसी ना किसी तरीके से ऊपर लाना पड़ेगा। जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे, और आपने देखा भी अभी अपनी तस्वीरों में हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल तैनात करके रखे हैं। और जैसे ही ये टैंक्स ये इन्फेंट्री व्हीकल्स अंदर जाएंगी, क्योंकि सर वक्त बहुत कम बचा है। हम एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वक्त बहुत कम बचा है। देखिए 17 मिनट 52 सेकंड, ये वक्त हमेशा सेकंड्स जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। 17 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है। सिवाज सर, इस बीच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गाजा जहां पर बड़ा एक्शन होने वाला है, गाजा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जा रहा है, वहां पर इसराइल के लिए एक्शन लेना या एक्शन करना कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है। अल्टीमेटम तो आपने दे दिया, लेकिन के बगैर एक्शन ले पाना कितना आसान होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुश्किल होगा। ये सच्चाई है, ये एक बड़ा चैलेंज है, मगर इसराइल को इसका ब्लूप्रिंट पता है और उसको मालूम है कि ये जो टनल्स हैं इनके एंट्री पॉइंट कहाँ हैं। देखो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई सबसे ज़्यादा टनल की होगी, क्योंकि अगर टनल के अंदर हमास अंदर रहे तो जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और ये निकलेंगे नहीं, ये सोचना कि हमास को आप गैस इन करके बाहर निकाल देंगे, शायद ये नहीं हो पाएगा। उनके पास गैस के मास्क हैं, इक्विपमेंट हैं, इतने शायद ना हो, मगर ये बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज होने वाला है और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और ये एक प्रकार अगर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर सिविलियन कैजुअल्टी हो जाती है कोलेट्रल, तो फिर सिंपति भी मुझे लगता है पैलेस्टाइन की तरफ। सवाल तो यही पर यही है, बहुत बड़ा चैलेंज है। वेल इक्विप्ड हुए कैसे, जब आप कह रहे हैं कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, कि आप कोई भी तरीका अपनाएंगे उसकी काट इनके पास है, तो बिना किसी के समर्थन के इनके पास सब कुछ कैसे? हाँ देखो सच्चाई ये है कि हमास को तैयारी कराने में ईरान का पूरा पूरा हाथ है, यही नहीं हमास को, हिजबुल्ला को भी। और ये तैयारी 2 साल से हो रही थी, इसके लिए एक प्रकार उन्होंने गांव भी बना लिए थे मौकअप के लिए और ड्रिल बना के उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिस की हुई है। और ये समझने की कोशिश करो, ये टनल जो हैं, ये जो जमावड़ा टनल्स का है, ये दूसरे देशों में भी निकलता है, तो इनका बहुत फ्लूइड मूवमेंट है, इनका लॉजिस्टिक वहाँ से आएगा, अम्यूनिशन वहाँ से आएगा। और ये मुझे लगता है वर्ल्ड के लिए
सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि टनल डिफेंसिस को कैसे न्यूट्रलाइज कराया जाए, और ये एक आने वाले समय के लिए ये पढ़ाया जाएगा कि इजरायली ने कैसे न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि हमास जो हैं वो कन्वेंशनल लड़ने वाले नहीं है, वो आतंकवादी हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा, टनल्स को किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद किया जाता है, उससे किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये एक तरीके से केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाएगा, ये आप कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, उससे पहले निधि के पास हम चलते हैं, निधि के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। निधि बिल्कुल प्रतिमा, टनल वॉरफेयर क्या होता है ये कुलकर्णी सरस से जानेंगे, लेकिन एक और डिटेल सामने आई है, हमास की ताकत और इजराइल की कमजोरी अब बताने का वक्त आ गया है। एक तरफ जहां सुरंगों का जाल है तो दूसरी तरफ हमास की ताकत भी है। इसराइल की कमजोरी क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सुरंगों का जाल देखने को मिल रहा है, जो नेटवर्क है उसका पता नहीं है इसराइल को, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। टनल में सुरक्षित ठिकाने, अब इसको लेकर है कि एंट्री एग्जिट का अंदाजा नहीं है इसराइल को, तो ये एक कमजोरी है, ये वीकनेस है। बम और घातक हथियार, नीचे से निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है, ये कमजोरी है इसराइल की, ये नहीं पता ही, लेकिन ये हमास की ताकत है। इसराइल की कमजोरी और हमास की ताकत, ये दोनों आपको बता रहे हैं। बम और घातक कितने हो सकते हैं, नीचे से निकलकर कैसे हमला किया जा सकता है, टनल में सुरक्षित ठिकाने बनाए गए हैं हमास की तरफ से, हमास का एक्शन टनल के अंदर है, और दूसरी तरफ टनल वॉरफेयर शुरू हो गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि इजराइल एक्शन क्या लेता है। प्रथम बिल्कुल देखिए, टनल को लेकर हम बता रहे हैं कि दोनों की ही ताकत और कमजोरी क्या क्या है। गाजा में भारी तबाही देखने को मिल रही है, कई रिहायशी बिल्डिंग्स में इस वक्त ये एक्शन किया गया, जिसके बाद कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई है। ये तस्वीर आपके सामने, रिहायशी इलाकों से धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इजरायली सीमा से सटे गाजा के इलाकों में इस वक्त गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही है, ये रिहायशी इलाके की तस्वीरें बताई जा रही है। इसराइल बॉर्डर से गाजा में गोलीबारी के बाद किस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए जरा। अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने में अभी भी कुछ वक्त बचा है, 13 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से गाजा में अभी भी एक्शन जारी है, लेकिन बड़े स्तर पर एक्शन अभी होना बाकी है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर बम से अंडरग्राउंड बंकर को उड़ाया जाए तो क्या संभव है कि सभी बंकर खत्म हो जाए। आइए आपको बताते हैं कैसे बंकर बम काम करता है। देखिए जब बंकर बम पिन पॉइंट अटैक करता है तो जमीन को पार करके कंक्रीट की मोटी परत भेजता है और फिर सुरंग के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है और सुरंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी सुरंगें उड़ाएंगे गाजा में, तो सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बंकर बम क्या कारगर साबित होंगे। हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, ये भी समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज सर, बड़ा चैलेंज है और हम टनल्स को लेकर हम बात भी कर रहे हैं, बंकर बम से कैसे निपटा जाए ये भी बड़ा सवाल है, ये कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे निपटा जाए। देखो सच्चाई ये है कि इसराइल को मालूम है कि ये लड़ाई टनल्स की है और हमास टनल के अंदर छुपा हुआ है और उनको किसी तरीके से निकालना है। अगर नहीं निकले तो अंदर जाके उनको खत्म करना है, तो उससे पहले जब वो अंदर बढ़ेंगे तो एंट्री चाहिए, और एंट्री के लिए ये जिस प्रकार से इनके पास बॉम्ब है जो कि मारने से एक प्रकार अंदर जाके बस्ट होंगे और ओपनिंग करेंगे और उसके बाद जाएंगे। देखो यही तो कहना है कि ये लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी टनल की, और ये लड़ाई एक बहुत ही लंबी और भयानक होने वाली है। एक और समझना प्रतिमा, क्योंकि ये जाल बिछाया हुआ टनल का और दूसरे देशों में भी निकलती है, तो इनका लॉजिस्टिक सिस्टम अमनूशन वगैरह इन्होंने बढ़ा के रखा होगा। इसका मतलब हमास के पास काबिलियत और क्षमता है, वो लड़ सकते हैं लंबा, ये भी सच्चाई है, और उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। जो 5,000 रॉकेट फायर कर सकता है 20 मिनट के अंदर, इसका मतलब उन्होंने काफी जमावड़ा कर चुके हैं, और इसके लिए ईरान ने और बाकी देशों ने इनकी हेल्प की है। और मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई चलेगी ऐसे तो कहीं ना कहीं हिजबुल्ला भी वहां से नॉर्थ से फायर करने की कोशिश करेगा। तो मैं यही कह सकता हूं ये लड़ाई काफी मुश्किल होने वाली है इसराइल के लिए, मगर इसराइल का जो पास्ट
एक्सपीरियंस और बताता है कि इजराइल ने वो कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है कि इजराइल ने इसका कोई इलाज निकाला है। इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन हमास ने जिस तरीके से उनकी टेरिटरी में घुसकर हमला किया उसका भी तो पता मोसाद नहीं लगा सकी। तो आज जो अल्टीमेटम के बाद होने वाला है, क्या उससे निपटने के लिए भी हमास वेल इक्विप्ड है, राजेश सर? हाँ, वो देखिए, हमास ने तो पूरी तैयारी की है और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ईरान से स्टेटमेंट आया है कि हमास पूरी तरह तैयार है और वो जो है इसराइल का जो भी ऑफेंसिव है उसको नाकाम कर देगा। ज़रूर उनके पास तैयारी है और इसराइल ने डेडलाइन दी है, तो डेडलाइन के बाद उनको पता है, डेडलाइन के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी, वो तैयार हैं। अब किस तरह से उनको वो इसराइल उनको डिसेप्शन प्लान बना करके किस तरह से उनको सोचने पर मजबूर करेगा कि अटैक इधर से आ रहा है और अटैक एक्चुअली दूसरी तरफ से आया, उनकी क्या रणनीति है, वो बहुत ही सीक्रेट है। संभलने का मौका नहीं दिया जाए। और ये जो बंकर बस्टर जो आपने कहे, ये जो बॉम्ब नीचे जाके पेनेट्रेट करके और फिर ब्लास्ट होते हैं, ये या तो ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है इफेक्ट जो जितना भी है वो लिमिटेड एरिया में होता है। ये नहीं कि अब आप 1300 किलोमीटर के टनल हैं या 500 किलोमीटर के टनल हैं, तो अब 500 किलोमीटर टनल के लिए आप कितने बम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक दूसरी रणनीति बनानी होगी कि जहाँ पे आपको ओपनिंग चाहिए वहाँ पे ये बम लगाए जाएंगे, किस तरह से उनको मजबूर किया जाए कि वो बाहर निकलें और किस तरह से इन टनल्स को दूसरे एक्सप्लोजिव से ब्लॉक करके या डिस्ट्रॉय करके, राजेश जी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसे कैसे ऑपरेशन में लाया जाएगा और बंकर बम क्या होते हैं, इसको लेकर भी आपने बड़ी जानकारी दी। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हमास एयरफोर्स के चीफ की मौत हो गई है। हमास को बहुत बड़ा झटका है, IDF के हमले में ये मौत हुई है। 7 अक्टूबर के अटैक में बड़ा रोल था इसका बताया जा रहा है। तेल अवीव पर जो 5000 रॉकेट से अटैक किया गया, इसी ने ही इसे लीड किया था। 7 अक्टूबर के अटैक में इसका बड़ा रोल था और इसकी मौत हो गई, इसे ढेर कर दिया गया। संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी ये इसराइल का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, बहुत कम वक्त रह गया है, हम लगातार काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं, लेकिन रात में कैसे, किस तरह से एयरफोर्स भी पूरी तरह से कह रहे हैं कि मदद ली जाएगी जो इसराइल की एयरफोर्स है, तो रात में कैसे अंजाम दिया जाएगा ऑपरेशन? बहुत अच्छा सवाल है। इसराइली फोर्सेज जो है बहुत आधुनिक है, उनको रात के आले हैं उनके पास, इसलिए जो पिछले 7 दिन से जिस प्रकार से वो लगातार बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अब उसके बाद उन्होंने टनल वॉरफेयर करना है। जो ये टनल्स हैं, जो जितनी भी सुरंगें हैं उसका लेआउट उनको मालूम है और वो भी उनके पास आले हैं जिससे वो लेआउट का पता करेंगे। लेआउट का पता करने के बाद उनके पास मिसाइलें हैं जो उस टनल्स को बर्बाद कर सकती है। प्लान बी के तहत तेल अवीव से अगर एयरफोर्स को बिल्कुल एक्टिव किया गया तो यहाँ से फिर फाइटर जेट्स उड़ेंगे, F-15, F-16, F-35, जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, सारे के सारे जो उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या है। इसके अलावा उन्होंने बिजली, पानी, खाना पीना सब बंद कर रखा है, तो वैसे ही वहाँ पे कठिनाई शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद वो गैस का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे सुरंगों के अंदर डालने के लिए, सुरंगों को बंद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि सांस ना लिया जाए। और बंकर जो बम है वो भी इस्तेमाल यही सुरंगों, यहाँ पे जितनी सुरंगों का एक दफा लेआउट पिछले 7 दिनों से इसराइल यही कर रहा होगा कि सुरंगों का लेआउट, क्योंकि 2007 के बाद जब से इसराइल बाहर निकला है उस पिछले 16 सालों में इन्होंने काफी कुछ अंदर का लेआउट बनाया होगा जिसके बारे में इसराइल को मालूम नहीं होगा। पर अब क्योंकि उनके पास आले हैं, रात को लड़ने के आले हैं, सुरंगों के लेआउट के पता करने के आले हैं, उनको ध्वस्त करने के भी आले हैं। बात सर आपकी तरफ से लड़ाई जा रही है कि बहुत ही वेल इक्विप्ड है इजरायली फोर्सेस और इसीलिए चुन चुनकर अपने टारगेट्स को तबाह किया जा रहा है। इजराइल के सेड्रोट से हमास का हमला, सेड्रोट पे हमास का एक साथ कई रॉकेट से हमला हुआ, हमास की मिसाइल सड़क पर जाकर गिरी है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस बीच सामने आ गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने है जहां पर सेड्रोट में हमास का हमला हुआ है। तो इस वक्त तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं सेड्रोट से सामने आ रही है जहां पर हमास की तरफ से हमला बोला गया, एक साथ कई रॉकेट से बताया जा रहा है कि ये हमला बोला गया है। हमास की एक मिसाइल सड़क पर जा गिरी है जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शिवाज सर,
अब बहुत कम वक्त बचा है, हम दिखा भी रहे लगातार, 5 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है जिसके बाद अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा और हम लोग की शुरुआत हो जाएगी इसराइल की तरफ से। और बात एक बार फिर से हो रही है कैजुअलिटीज की, दोनों तरफ से ही कितने बड़े स्तर पर इस युद्ध में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटम भले ही दे दिया गया था लेकिन पूरे इलाके को खाली करा पाना यूएन ने भी माना था कि असंभव है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, ये एक चैलेंज था और जो इसराइल ने एक प्रकार से डेड लाइन दी थी उसके बाद वो कभी भी हमला कर सकता है। ये जरूरी नहीं है जैसे डेड लाइन खत्म होगी उसके बाद इमीडिएटली हमला करे, हमला करेगा इसराइल अपना सोच समझ के एक टाइम पे। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि लड़ाई हरदम रात को होती है, क्योंकि जो दिन में अगर लड़ाई होगी तो डिफेंडर जो है उसको बड़ा फायदा होता है, वो देख सकता है। वैसे तो आजकल दिन में भी रात को भी दिन जैसा काम हो जाता है, नाइट विजन डिवाइस है, मगर फिर भी ये हमला रात को होगा और इसके लिए जो अब एयर पावर का इस्तेमाल, मिसाइल का, रॉकेट का फायर करके उसको सोफन अप और फिर जो आर्मर्ड व्हीकलों से इन्फेंट्री घुसेगी। मगर ये भी याद रखो कि हमास भी इसके लिए तैयार है, उसने जो कहते हैं कि एंटी टैंक लेआउट बहुत अच्छा कर रखा है, मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है और उनकी जो डिफेंसिस हैं वो जाती हैं फिर टनल के अंदर। तो ये नहीं होगा इतना आसान इसराइल के लिए भी इतना जल्दी क्रॉस करके वो बिल्टअप एरिया में आ जाएं, तो ये लड़ाई मुझे लगता लंबी खिंचेगी। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने 150 के करीब सिविलियंस को पकड़ के लेके गए हैं जिसमें फॉरनर्स भी हैं, उनका क्या भविष्य है, क्योंकि वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा हमास, अब उससे क्या होगा। मगर ये सच्चाई है, ये आर पार की लड़ाई है और इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और ये हमला कभी भी हो सकता है डेडलाइन के बाद, ये कतई नहीं कि अभी होगा। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहना कि अब जिस प्रकार से सीज कर लिया गाजा को, उसका एक प्रकार फ्यूल भी काट दिया, फूड भी काट दिया, बिजली पानी, मगर हमास के पास सब सम्मान सारे चीजें टनल्स के अंदर है और अभी भी ये टनल ब्लॉक नहीं है, ये इजिप्ट की तरफ भी निकलती है, लेबनान की तरफ भी निकलती है, वहां से भी ये मूवमेंट होती है, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। मगर ये भी सच्चाई है, इसराइल की काबिलियत और क्षमता को देखते हुए हम यही कहते हैं कि लड़ाई चलेगी लंबी। आपका मैं रुक कर, उससे पहले एक बड़ी खबर का मैं रुक करने जा रही हूँ, उत्तरी गाजा में इसराइल का एयर अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरी गाजा से। ये वही इलाका है जिसे खाली करने का अल्टीमेटम बकायदा दिया गया था, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ है, इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हमास के लिए ह्यूमन शील्ड बने रिहायशी इलाके, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये तस्वीरें भी इस बीच सामने आई है। देखिए आप, नॉर्थ गाजा की ये तस्वीरें, उत्तरी गाजा की ये तस्वीरें जहां पर इसराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है, ये रिहायशी इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर भीषण मिसाइल हमला हुआ है। तो इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया है, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। गाजा में इसराइल का भीषण अटैक, ये एयर स्ट्राइक की गई है और टनल को टारगेट किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने है, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमले की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर इमारतों के बीच हमास के टनल को निशाना बनाया गया। हमास के लिए एक तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं वो अब तक ह्यूमन शील्ड के तौर पर काम करते आ रहे हैं और इन्हीं इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम भी इसराइल की तरफ से दे दिया गया था कि आप इन इलाकों को खाली करें और दक्षिणी गाजा का रुख करें। फिर हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां लंबा जाम लग गया था उन लोगों का जो पलायन कर रहे थे, अपना घर बार छोड़कर यहां से जा रहे थे, और अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मिसाइल अटैक होने शुरू भी हो गए। हमास के लिए हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ह्यूमन शील्ड बने हैं ये तमाम रिहायशी इलाके, इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ। बिल्कुल, नॉर्थ गाजा की तस्वीर दिखा रही है प्रतिमा आपको, और इस बीच क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल की सूचना मिल रही है कि इसके जरिए बड़ा हमला करेगा इसराइल और उसके बाद और इन बम्स के सहारे, यानी जो इन बॉम्ब्स के सहारे, जो बंकर बॉम्ब्स के सहारे ये सुरंगों पर अटैक किया जाएगा और इन सुरंगों को नष्ट नाबूद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर होस्टेज भी हो सकते हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत घनी आबादी वाला इलाका था जिन्हें पूरा शिफ्ट करने को कहा गया। ये हमास जो है ये ह्यूमन शील्ड यहाँ के वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी इस्तेमाल करेगा और ये जो होस्टेजेस हैं उनको भी इस्तेमाल करेगा, जैसे कि इसराइलियों को हमेशा अपने लोगों का बहुत ख्याल रहता है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रहता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो यकीन करेंगे कि सुरंगों से पहले ही वो
एक तरीके का प्रोपेगेंडा करेंगे कि आपके 10 होस्टेज इसके अंदर हैं, तो वो उस के ऊपर उस तरीके से हमला ना करें, इस तरीके से सोच रहे हैं। बंकर बम की जो जो कैपेसिटी होती है वो किस तरह की, क्योंकि ये टेरेन किस तरह का है, ये जितने हैं 10 से 12 मीटर जो जमीन के नीचे होंगे, सुरंगे जो है 10 से 12 मीटर जमीन के नीचे होंगे। और ये जो नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से सुरंगे जा रही होंगी, उन सुरंगों के बीच में छुपे होंगे। अल्टीमेटम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, गाजा की उल्टी गिनती के आखिरी जो वक्त थे, आखिरी जो समय था वो भी खत्म हो चुका है, यानी जो अल्टीमेटम का समय है वो खत्म हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, इजरायली समय के हिसाब से अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है, यानी कभी भी गाजा के उत्तरी इलाके में एक्शन इजराइल का शुरू हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, इजराइल के अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है, ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन हमास के खिलाफ यहां शुरू हो सकता है। गाजा के उत्तरी इलाके को खाली कराने का अल्टीमेटम इजराइल की तरफ से दिया गया था, जिसका वक्त अब खत्म हो चुका है, ऐसे में किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हमारे साथ एयर मार्शल राजेश जी मौजूद है। सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रात के वक्त में अगर ऑपरेशन किया जाता है तो किस तरीके से एयरफोर्स उसको अंजाम देगी? देखिए, एयरफोर्स तो ज़रूर इस तरीके से, उनके पास रात में अटैक करने के बहुत सारे साधन हैं, और किसी न किसी तरह से जो डिसएडवांटेज होता है डिफेंडर का रात को ही होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन रिवील कर देता है किसी तरह से। जैसे आप बाहर निकले, थोड़ी टॉर्च की लाइट लगा दी तो आप पकड़े जाओगे, या कोई भी एक थर्मल सिग्नेचर अगर आप दोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा और आइडिया हो जाएगा कि इस तरफ से एंट्री है या एग्जिट है। तो अब आप ये देखिए, जो 10 से 12 मीटर नीचे जो सुरंग है उसके लिए जो बंकर पेनिट्रेटर बॉम्ब्स हैं वो शायद वहाँ तक इतनी डेप्थ तक ना पहुँच पाएँ, तो जहाँ पे उनकी जो एंट्रेंसेज हैं उसको एयरफोर्स ज़रूर टारगेट करेगा। और टनल्स के अंदर एक ये होता है कि अगर बड़े कैलिबर का बॉम्ब आप वहाँ डालें और उसके एंट्रेंस पे डालें तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका जो ब्लास्ट का इफेक्ट है वो टनल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसकी वजह से लोगों की मौत जो है बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो यही मेरी जो है ये मेरा एस्टिमेशन है, और देखते हैं कि किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, हाँ। किस तरह के टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सिवाज सर, चूंकि आप खुद भी इसराइल में रहे हैं, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसराइल के इस तमाम ऑपरेशन को अंजाम देना बिना इंटरनेशनल एजेंसीज के, संस्थाओं के निगाह में आए हुए, क्योंकि उन्होंने लगातार आगाह किया है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज बड़े स्तर पर हो सकती है। जिस तरीके से आप बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और अब चूंकि अल्टीमेटम का समय खत्म हो गया और आगे की तरफ बढ़ रही है लगातार। देखो, सच्चाई यह है कि हमास की स्ट्रेंथ क्या है। हमास की स्ट्रेंथ है उसकी टनल डिफेंसिव, हमान की स्ट्रेंथ है कोलैटरल डैमेज के लिए ह्यूमन सीट, उनका वो इस्तेमाल करेगा, उनको जाने नहीं दे रहा सिविलियंस को। अभी आर्टी फायर, रॉकेट फायर, एयर पावर से फायर होगा, मगर वो इन इलाकों में से सिविलियन को नहीं जाने देगा और अपने टनल से बाहर नहीं निकलेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक प्रकार इजरायली फोर्स के लिए कि टनल के अंदर कैसे घुसें, एंट्री करें, क्योंकि घुसना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर निकलेंगे नहीं। जिस प्रकार से सोच रहे हैं शायद गैस का इस्तेमाल करें, उसके लिए भी वेल इक्विप्ड है, उनका समाधान भी सब कुछ है। तो ये लड़ाई एक बहुत ही नई लड़ाई होगी कि जो कि बंकर्स के अंदर नहीं बल्कि टनल्स में होगी। टनल्स की एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट भी इतनी मुझे नहीं लगता कि शायद इजराइल को पता हो तो वो कोशिश करेगा, मगर एक बार आपको एंट्री मिल गई टनल के अंदर तो फिर इजराइल की जो फोर्स है वो मुझको लगता है मूव करेगी उन टनल में और इनको बर्बाद करने की कोशिश करेगी। मगर एक चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये टनल्स हैं, ये जो हमास है ये एक प्रकार से कन्वेंशनल वारफेयर लड़ने वाले फौज नहीं है, ये गुरिल्ला टाइप हैं और ये बड़े और ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। और ये बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई होती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, और डिफेंडर, जो डिफेंडर होता है उसको फायदा होता है अटैकर की बजाय। टैंकों का इस्तेमाल, बड़ी गाड़ियों नहीं, इन्फेंट्री को अंदर घुसना पड़ेगा और टनल के अंदर घुसना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि टनल को मुझे हमास छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे ये, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ उसमें है। और दूसरा ये बात कर ही रहे हैं कि जो सिविलियंस कैजुअलिटी, जो सिविलियंस
को पकड़ा हुआ है उनका क्या करेगा हमास? ये जो एक्शन हो रहा है या फिर होने वाला है उसमें ये हमास को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे आपको लगता है या फिर ये लड़ाई लंबी चलने वाली? देखो ये लड़ाई मुझे लगता लंबी चलेगी क्योंकि इतनी जल्दी हमास हाथ खड़े करने वाला नहीं, क्योंकि हमास ने तैयारी 2 साल से कर रखी है, उसने हर चीज को देख लिया। उसने अपनी जो है इजराइल से अभी अभी की एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है, हिजबुल्ला की इजराइल पर बमबारी। जी हाँ, लेबनन का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी। ये बहुत बड़ी खबर है, देखिए किस तरह से हिजबुल्ला एक्टिव हो गया है। सैन्य ठिकाने जो इजराइल की तरफ से बनाए गए थे नॉर्थ गाजा में, वहां पर इजराइल पर बमबारी की है हिजबुल्ला ने। आज सुबह खबर मिली थी कि इजराइल ने जो हिजबुल्ला के ठिकाने वहां पर बमबारी की, और अब हिजबुल्ला ने पलटवार करके इजराइल पर बमबारी की है। मैं चाहूंगी कुलकर्णी सर, ये लेबनान है, ये लेबनान जो कि सीधा लेबनान बॉर्डर कनेक्ट करता है इजराइल से, और यहाँ पर ये देखिए ये सीरिया है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से अटैक हुआ है, और लेबनान का चरमपंथी संगठन है हिजबुल्ला, उसने अटैक किया। ये है लेबनान के, उनको मालूम है इजराइल को कि लेबनान जो है हिजबुल्ला जो दूसरा आतंकवादी संगठन है जो लेबनान में है वो हमला करेगा। उस हमले से बचने के लिए इजराइल ने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, यकीन करने के लिए कि हिजबुल्ला जो है इस लड़ाई के बीच में दखलंदाजी ना दे, ईरान सीरिया के बीच में ना करे। इसलिए सीरिया के 2 जो एयरफील्ड हैं उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया कल रात, तो सीरिया को वहाँ किया, इधर लेबनान को कि हिजबुल्ला जो है इधर दखलंदाजी ना करे इस लड़ाई में, इसलिए उन्होंने अपनी यहाँ पर तैनाती कर रखी है जिससे लेबनान को इधर संभाल ले। और वहाँ पर इस प्रकार से गाजा पट्टी में जो है पूरा जोर, ये जो आर्मी मूवमेंट है ये इजराइल का यहाँ लेबनान बॉर्डर पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा हरकत होगी, लेकिन इजराइल का आज मकसद ये होगा कि पहले वो काम खत्म करे गाजा पट्टी। आपको इस वक्त रोक रही हूं सर, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आ गया है, तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए आप हमास के लड़ाके किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तस्वीरें सामने है, ये लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का। तो इजरायली फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं हमास के लड़ाके, और किस तरीके से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमास के लड़ाके इन वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको दोनों ही तरफ की फोर्सेस नजर आएंगे, एक तरफ तो हमास के आतंकी कहा जा सकता है कि आपको ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ IDF के यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो सैनिक हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, किस तरीके से उनके सैन्य वाहन आगे की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि गाजा बॉर्डर का रुख कर रही है, तस्वीरें सामने आ रही है युद्ध क्षेत्र से। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने है हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो, और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस किस तरीके से गाजा बॉर्डर का रुख कर रही हैं, सैन्य वाहन बड़ी तादाद में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान बॉर्डर से इजरायल पर हमला हुआ है, बहुत बड़ी खबर, इजरायल पर मिसाइल से हमला किया है, और IDF ने भी लेबनान पर रॉकेट दागे हैं, इजराइल ने पलटवार करके जवाब दिया है मिसाइल से जो हमला किया गया लेबनान की तरफ से, तो इजराइल की जो फोर्स है डिफेंस फोर्स उसने रॉकेट दाग दिए हैं, पलटवार किया है, तो ये बहुत बड़ी जो लड़ाई का विस्तार है वो लेबनान तक पहुंच चुका है, लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला हुआ और फिर इजराइल ने पलटवार किया। इजरायली अल्टीमेटम के बीच अभी अभी सबसे बड़ी विध्वंसक खबर सामने आई है, गाजा के पास इजरायली टैंकों का जमावड़ा नजर आ रहा है, अटैक के बाद बता दें बड़ी संख्या में इसके लिए टैंक्स तैनात है, थोड़ी ही देर में बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो गाजा के पास इजरायली टैंकों का जमावड़ा तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, माना जा रहा है अटैक के लिए बड़ी संख्या में ये टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं, और अब से कुछ ही देर बाद बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दें, इजरायली फोर्स ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है, ये बड़ी खबर है, शाम 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगा ऑपरेशन, बंधक ऑपरेशन के एक्सपर्ट अफसर शामिल, इमारत टनल में आज रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा,
इन ग्राउंड ऑपरेशंस की सारी फीड इजराइल में बैठे सीनियर कमांड सेंटर मॉनिटर करते रहेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आने के बाद कमांड सेंटर से एडिशनल फोर्सेस और अटैक हेलीकॉप्टर उस लोकेशन पर कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगी। ये बड़ी खबर सामने आपके। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये। इजरायली टैंक की फायरिंग शुरू हो चुकी है। गाजा सीमा के पास इजरायली टैंक्स ने पोजीशन ले ली है। ये बहुत बड़ी खबर है। इजरायली टैंक्स पूरी तरह से तैनात है और आज की रात कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म हो रहा है लोगों के लिए पलायन का। और इस वक्त जो खबर मिल रही है, पोजीशन टैंक्स ने ले ली है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, गाजा सीमा पर तैयारी पूरी है। तो उधर गाजा के भीतर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर बड़े पैमाने पर लोगों का जाना भी जारी है। हमारी टीम को इस मिलियन मार्च की कुछ हवाई तस्वीरें हासिल हुई है, जो आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया इसराइल की तरफ से लोगों को कि वो यहां से निकल जाएं, क्योंकि यहां पर इसराइल की ओर से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है। और किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग अब इस इलाके से पलायन कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए, समझिए किस तरीके से लोगों में अफरा-तफरी का माहौल होगा, क्योंकि वो घड़ी नजदीक आ रही है। हम टाइमर भी बीच-बीच में आपको दिखाएंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि वो घड़ी कितनी नजदीक आ चुकी है, क्योंकि इजराइल की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाना है। इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था गाजा के उत्तरी इलाके को खाली कर दक्षिणी इलाके में ये लोग मूव हो जाएं, इस बात का लोगों को संदेश दे दिया गया था। और अब जाम की स्थिति हो गई है यहां से, क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं। अपना घर से जितना जरूरी सामान वो ले जा सकते थे वो ले जा रहे हैं और फिर यहां से मूव कर रहे हैं। ये तस्वीरें और विस्तार से आपके सामने हम रखेंगे, ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त हालात किस तरीके से भयावह बने हुए हैं। गाजा की जो तस्वीरें हैं वो क्या बता रही है, एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अश्विनी सुभाष सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ एयर मार्शल राजेश कुमार निधि के साथ मौजूद है, उनका भी आगे हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अश्विनी सुभाष सर, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को जो लगातार सामने, क्योंकि वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब इसराइल की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि हम बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखो प्रतिमा, इसमें कोई शक नहीं, पूरी लड़ाई की तैयारी कर रखी है। अभी यह ऑफेंसिव होने वाला है इसराइल का, उससे पहले जो प्रिलिमिनरी प्रीएम्प्टिव एक्शन करने होते हैं इसराइल ने वो कर लिए हैं। उसके टैंक रेडी हैं, बीएमपी गाड़ियां रेडी हैं, आर्मर जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं वो भी रेडी हैं। उनके बाद आर्टी गन्स वगैरह और मिसाइल रॉकेट ये भी फायर करना स्टार्ट करेंगी। और अब जिस प्रकार से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि एक पैलेस्टीन के जो सिविलियंस हैं वो नॉर्थ के इलाके को छोड़ के चले जाएं साउथ में, वो भी होगा। उसकी वजह ये है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज्यादा जबरदस्त चलने वाली है, क्योंकि हमास की डिफेंसिव टनल डिफेंस है, वो ऊपर नहीं लड़ेंगे, वो टनल डिफेंसिस के अंदर है और वो ऐसे इलाकों में है जहां पर रियासी इलाके हैं, वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये लड़ाई होगी और जब ये अंदर गाजा पट्टी के अंदर लड़ाई स्टार्ट होगी, तो ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई होगी, और बिल्टअप एरिया की लड़ाई जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है और वो डिफेंडर के लिए आसान है, अटैकर के लिए काफी मुश्किल है। हम टेक्निकलिटीज पर भी बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुलकर्णी सर, ये तादाद छोटी मोटी नहीं है, 11 लाख लोगों को एकाएक आपने कह दिया कि इन इलाकों को खाली कीजिए, क्योंकि हम बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और ये देखिए, हम टाइमर भी लगातार दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द वो एक्शन होने वाला है, और इसीलिए जाम की स्थिति वहां पर बन गई है। लोगों को जो समझ में आए वो उठाकर वो चलते बने। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन चेन है। सिवाज सर बता रहे थे, कुलकर्णी सर जो प्रतिमा सवाल पूछ रहे हैं कि कितना मुश्किल होगा, अभी चुनौती कितनी ज्यादा होगी ये गाजा पट्टी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मॉडल बनाया है। ये है गाजा पट्टी और इसी का ब्लो अप है ये जो नजर आ रहा है। ये जो गाजा पट्टी है ये 40 किलोमीटर लंबी है, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। टोटल इलाका 365 स्क्वायर किलोमीटर है, आबादी 22 लाख की है। लेकिन जो अब कयामत की रात है वो है नॉर्थ
नॉर्दर्न पोर्शन में, नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी, यहाँ से जो 11 लाख मैंने कहा 22 लाख की आबादी है, 11 लाख लोग जो है यहाँ बसते हैं, जिन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो इस गाजा पट्टी को छोड़ दे। खत्म हो रहा है, वो खत्म होने को आ रहा है, सारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है बंद है, एक ही पॉइंट है यहाँ पे जो राफा का पॉइंट है जो मिस्र के साथ है वो उन्होंने खोल रखा है, पर मिस्र ने भी अपनी बॉर्डर बंद कर दी। बिल्कुल, ये जो गाजा पट्टी है मिस्र के साथ 11 किलोमीटर लगती है और जो भी प्लान करना है लोगों ने यहाँ से इस सारी जगह से इसराइल से घिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसराइल ने घेर रखा है और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर है वो एक तरफ है, तो आप समझ सकते हैं कि 11 लाख लोग को 24 घंटे दिए प्लान, चाहे उन्होंने सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट बोलते हैं जिस प्रकार से पिछले 7 दिन से लगातार बमबारी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट है स्पेशली नॉर्थ गाजा, ये जो नॉर्थ गाजा है गाजा सिटी है इसको जिस प्रकार से पिछले 7 दिन में लगातार हवाई जहाज के बम्बार्डमेंट के द्वारा ध्वस्त किया गया है, इसके अलावा टैंक्स भी हम देख रहे हैं, ये देखिए टैंक्स जो हैं ये अभी अब नॉर्थ गाजा में हैं। बिल्कुल, अब ये जो टैंक्स हैं ये देखिए, ये बिल्कुल आपने जो कहा ये जितने टैंक्स हैं ये पिछले 4 दिन से खड़े हैं इस उम्मीद से कि कब उनको वक्त मिलता है और कब आदेश मिलता है कि वो गाजा पट्टी को जा करके पूरा का पूरा, लेकिन गाजा पट्टी में जो है जितनी गाजा पट्टी के जो इमारतें ऊपर थी उतनी ही नीचे भी टनल्स हैं, उस टनल्स के साथ यकीन करना है जब ये लड़ाई ऑफेंसिव जाएगा, ये ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है, जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि अगले 40 मिनट में शायद ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा, 7 बजे के आसपास ग्राउंड ऑफेंसिव जाने की उम्मीद है, उसको उस उम्मीद से ये लगाई जा सकती है कि गाजा पट्टी जो है कि किस प्रकार से उसको बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि ध्वस्त किया गया है, इमारतें गिरा दी गई हैं, लेकिन टनल में तो लोग उम्मीद हो सकते हैं जो फाइटिंग बिल्टअप एरिया बोलते हैं, आप ये कह रहे हैं टनल जो है, अगर मैं ये और व्यापक तरीके से इस मैप पे आए, इस नक्शे पे आए, इजरायली तैनाती के बीच हमास का एक्शन, ये बड़ी खबर सामने आ रही जहां हमास के लड़ाकों का मोर्टार से हमला हुआ, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मोर्टार से हमले से जुड़ी हुई खबर, इजरायली ठिकानों को किस तरीके से टारगेट किया गया है ये देखिए आप तस्वीरों में, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हमास के लड़ाके मोर्टार से हमला करते हुए नजर आए ये आप देखिए जरा, तो ये इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायली तैनाती के बीच हमास के एक्शन का ये वीडियो सामने आया है, हमास के लड़ाके किस तरीके से मोर्टार से हमला कर रहे हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, इजरायली ठिकानों को इन लड़ाकों द्वारा टारगेट किया जा रहा है और मोर्टार का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, इजरायली ठिकानों को ये टारगेट कर रहे हैं, ये तस्वीरें लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, आगे बढ़े उससे पहले देखिए 33 मिनट का ही वक्त बाकी है जिसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाना है उत्तरी गाजा के हिस्से में, जहां के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें हमास के लड़ाकों की तैयारी वाली तस्वीर भी सामने आई है, एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है, कंधे पर लॉन्चर लिए दिखा हमास का लड़ाका, ये तस्वीरें आप देखिए जरा, एंटी टैंक लॉन्चर के साथ हमले की तैयारी की जा रही है, वार पलटवार का दौर जारी है और दोनों ही तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली, ये हमास के लड़ाके की तस्वीर है जिसमें वो किस तरीके से तैयार नजर आ रहा है ये आप देखिए जरा, और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, गाजा बॉर्डर पर बढ़ रहा है इजरायली मूवमेंट, ये हम आपको खबर बता रहे हैं, इजरायली सैन्य तैनाती बढ़ गई है, डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, इजरायली सैन्य गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, ये देखिए टैंक्स मूव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी अल्टीमेटम दिया था कि नॉर्थ गाजा से लोग खाली कर दे, एक घंटे बाद बड़ा अटैक करने वाला है इजरायल, इसीलिए लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, नॉर्थ गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल है, और ये टैंकों का मूवमेंट आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तो एक बार फिर से हम तस्वीरें बता दें, एक घंटे बाद बड़ा अटैक करेगा इजरायल और इसीलिए टैंक्स का मूवमेंट तेज हो गया है, जो सैन्य डिप्लॉयमेंट है, जो सैन्य तैनाती है वो बढ़ गई है इजरायल की तरफ से, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबकी नजरें इस वक्त नॉर्थ गाजा पर ही है,
क्योंकि यहां पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की कोशिश अब इजराइल की तरफ से की जाएगी। एक बड़ा सैन्य काफिला इस वक्त हम देख सकते हैं इस नॉर्थ बॉर्डर पर, जो गाजा बॉर्डर है, नॉर्थ साइड जो बताया जा रहा है, नॉर्थ गाजा, और यहां पर एक बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं। एक ऐसा गाड़ियों का काफिला जो बता रहा है कि तैयारी इजराइल की बड़ी है, इजराइल की सेना पूरी तरह से तैनात यहां पर होना चाहती है, हर चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाले हुए इजराइल की सेना, और यहां पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो एक तरफ गाजा में बड़ी आबादी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके के हालात बने हुए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए जगह बदलने की स्ट्रैटेजी, 11 लाख फिलिस्तीनी किस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इन्हें मूव किया गया है। ये गाजा पट्टी का पूरा इलाका यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गाजा पट्टी का इलाका है जहां पर इनको मूवमेंट करने के लिए कहा गया, अल्टीमेटम दिया गया बकायदा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये लोग मूव कर गए हैं। इसराइल ने अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व में मूव, दक्षिण से उत्तर की ओर मूव कर दिया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। यहां पर फिलिस्तीनियों को मूव किया गया दक्षिण की तरफ, तो इजरायलियों को मूव किया गया उत्तर की तरफ। इजरायल ने फिलिस्तीन के 11 लाख लोगों को उत्तर से गाजा से दक्षिण गाजा जाने को आदेश दे दिया और अपने 4 लाख नागरिकों को दक्षिण से उत्तर में भेज दिया है। तो इस पॉपुलेशन मूवमेंट की ये स्ट्रैटेजी, इसके पीछे क्या हो सकती है, इसका महत्व समझने की कोशिश अपने एक्सपर्ट से भी हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से घड़ी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। समय समझना बहुत जरूरी, एक बार फिर से जरा वो काउंटडाउन दिखाइए, कितना वक्त बाकी है जो एक्शन है, ये लीजिए 29 मिनट का ही वक्त बाकी है जिसके बाद, क्योंकि उल्टी गिनती लगातार जारी है, अल्टीमेटम का वक्त नजदीक आता जा रहा है। राजेश जी, एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक्शन भी लिया जाना है, लेकिन इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ मूव हो जाइए, फिलिस्तीनियों को आपने अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन अपने 4 लाख नागरिकों को आपने नॉर्थ में क्यों भेजा, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? इसके पीछे तो यही समझ में आता है कि जो उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनूवर चाहिए, इतने सारे टैंक्स हैं, इतने सारे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो किस तरफ से आएंगे, क्योंकि एक डेडलाइन तो दे दी है उन्होंने, इस ज़रूरी नहीं है कि डेडलाइन के तुरंत बाद ही वो अटैक करें, वो ज़रूर उन्होंने रणनीति बनाई होगी, क्योंकि फाइनली जो लड़ाई है वो तो अंडरग्राउंड ही लड़ी जाएगी, पैदल लोगों से चढ़ी जाएगी, टैंक तो उनको वहां तक पहुंचाएंगे, इन्फेंट्री व्हीकल्स उनको वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो उनको अंदर घुस घुस के बिल्डिंग टू बिल्डिंग, बेसमेंट टू बेसमेंट, टनल टू टनल, जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमास के वो लड़ाकू हैं उनको वो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, और वो भी तैयार हैं, डेडलाइन भी निकल चुकी है, पॉपुलेशंस भी मूव हो चुके हैं, तो अब डेफिनेटली हमास भी पूरी तैयारी में है। सर, ये मूवमेंट आपको टेम्पररी लगता है या फिर ये परमानेंट है, क्योंकि यहाँ से लोगों को हटाना और अपने लोगों को बसाना, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी, इसे हम बहुत दूर का सोचा समझा प्लान मान के चले क्या? नहीं, ये जो इजरायली की मूवमेंट है ये तो टेम्पररी लगती है, ठीक है, ताकि वो क्रॉस फायर में ना आ जाए। हमास कैसे, वो तो हमास की पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, फिलिस्तीनी पॉपुलेशन वापस आ पाएगी कि नहीं, ये तो युद्ध का जो रिजल्ट है वो ही हमें बता पाएगा। तो अपने लिए क्या इनसाइड सपोर्ट की भी कोशिश की जा रही है, इस बात सर आपको चार्ट करना चाह रहे हैं? देखो, सच्चाई ये है कि ये बड़ी सोची के साथ रणनीति बनाई है इजराइल ने, और जिस प्रकार से पैलेस्टीनियों को नॉर्थ से साउथ में किया है, तो वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो पैलेस्टीन सिविलियन एक तो कोलेटरल डैमेज में मारे जा सकते हैं, दूसरा ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं हमास को। अब इनसाइड सपोर्ट इनका रहता है। अब सच्चाई ये है कि अब जो लड़ाई लड़ेगा इजराइल, उसके ये 3-4 पहलू हैं। पहले उन्होंने एयर पार से सोफन अप करेगा, फिर जब उसने HR जिसको बोलते हैं, जब असली लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले वो आर्टिफायर करेगा, रॉकेट फायर मिसाइल करेगा, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, और उसके बाद जो इन्फेंट्री है वो आर्मर्ड व्हीकलों में चलेगी यहाँ पर, क्योंकि बिल्टअप एरिया है। मगर एक चीज का ध्यान रखना प्रीतिमा, कि क्या हो रहा है कि जो हमास है उसने मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है, और उसके जो लड़ाई है वो ज़्यादातर होगी टनल में, वहाँ छुपे हुए हैं, और उसके साथ उन्होंने माइन फील्ड बहुत लगा लिए हैं, बूबी ट्रैप्स लगा लिए हैं, और ये भी एक है जो दुखती कड़ी इसराइल की, जो 150 से ज़्यादा उन्होंने एक प्रकार से
प्रिजनर बना रखे हैं जिनको वो लेके चले गए हैं हमास, उनका क्या होगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसराइल भले ही हमास को खत्म करने के लिए उत्तरी गाजा खाली करा रहा है, लेकिन उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कैसे, आइए इसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है। लेकिन इतने छोटे क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं, जो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। ये टनल जमीन के नीचे 10 से 12 मीटर की गहराई में है। इसकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर है, और इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल उठता है, इतनी सुरंगें क्यों बनाई गई? इन सुरंगों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो आइए इसे भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। गाजा पट्टी में तीन प्रकार की सुरंगें बनाई गई हैं। पहली, सामानों हथियारों की तस्करी के लिए, जो टनल के जरिए मिस्र और गाजा को जोड़ती है। वहीं दूसरी, सुरक्षा के लिए, जैसे लड़ाकों को रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना और हथियारों का भंडारण करना। तीसरी जो प्रकार की टनल है वो है जिसके जरिए हमास लड़ाके इसराइल में घुसपैठ करते हैं। तो ये जो है हम आपको बता रहे हैं, 1, 2, 3। अब जो चुनौती है वो सुरंगें हैं जो सामने आई हैं। मैं चाहूंगी कि जो कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए कुलकर्णी सर, ये जो सुरंगें हमने देखी, ये 5 इलाके हैं और सुरंगें एक सबसे बड़ी चुनौती, जिनकी डिटेल के बारे में जानकारी हमने दी, अब इससे कैसे निपटा जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है, बिकॉज गाजा पट्टी में जो है ऊपर, ये चाहे नॉर्थ गाजा हो या गाजा सिटी हो, यहीं पर 11 लाख लोग बसते हैं, 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, बाकी तकरीबन 7-8 लाख लोग इधर हैं। ये 11 लाख लोग अगर पलायन भी करते हैं, हमास जो है पूरा का पूरा उसका लॉजिस्टिक्स, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया में सबसे बड़ी तकलीफ अगर होती है तो वो, क्योंकि जो डिफेंडर है वो अंदर अंदरूनी पूरे सुरंगों के अंदर। अगर आप टेबल पे समझाएं तो यहाँ पे सैनिक भी हैं। ये देखिए, अगर आप देखिए, ये जो सुरंगें हैं, ये सुरंगें अंदर होंगी। अब इन सुरंगों के अंदर जाकर के हमलावर को जाना बहुत कठिन होता है, यानी कि वो तो मौत के घाट जा रहा है, बल्कि जो डिफेंडर है वो इंतजार कर रहा है कि जो हमलावर है सुरंगों में घुसे। इजरायली जो है वो कभी भी सुरंग के अंदर नहीं घुसेंगे, उनको अगर बाहर निकालना है। 1300 से ज्यादा हमास ने सुरंगें बना रखी, सुरंगों को बाहर निकालने के लिए जैसे कहा जा रहा है कि फास्फोरस एमिनेशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का वो इस्तेमाल करेंगे, कि जिससे कि जितने भी लोग सुरंगों के अंदर हैं ये बाहर अपने आप निकलेंगे, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये बाहर के जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्टिलरी की गाड़ियां हैं, ग्राउंड ट्रूप्स हैं, उसके अलावा आपके F-15 एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सैनिक हैं तो सुरंगों के अंदर कहां इस तरह से, ये जो आप दिखा रहे थे, मैं कह रही हूं चैलेंज कितना बड़ा है। अगर यहां पर होस्टेजेस होंगे तो फिर कैसे छुड़ाएं? बहुत बड़ा चैलेंज, सुरंगों के अंदर लड़ना मतलब जान देने बराबर है, बहुत मुश्किल होगा इसराइलियों को सुरंगों के अंदर लड़ना। वो पर सुरंगों के अंदर नहीं लड़ेंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि ये जितने भी हमास के लोग हैं या जो भी लड़ाकू हैं, इनको बाहर निकाला जाए, और बाहर निकालने का तरीका है उनको गैस करना। पर ऐसे में रसद भी सर यहीं से पहुंचाया जाता, तो बहुत सारी सुरंगें, कितनी भी सुरंगें हों, सुरंगों के अंदर जा करके लड़ना नामुमकिन के बराबर है। आप कैसे लड़ेंगे सुरंगों के अंदर जाना? लेकिन उनको, आदमियों को सुरंगों से बाहर आप कैसे निकालेंगे? जब उसको गैस करेंगे आप, उसमें इस तरह के जब आप गैस डालेंगे सुरंगों के अंदर, तो आदमी जो अपने आप बाहर आएगा, क्योंकि उसको सांस लेने की तकलीफ होगी, उसको कुछ नहीं देखेगा, तो अपने आप वो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो मारा जाएगा, और इसराइल ने यकीन किया होगा बाहर आएगा तो फिर टैंक्स भी हैं। ये सारे के सारे, मतलब ये जो जितने आपके सोल्जर्स हैं, ये उनको वहीं पे मार देंगे। तो इसराइल ने यकीन किया है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया वो जानते हैं बहुत मुश्किल है, और उस चीज को आसान करने के लिए पिछले 7 दिन से वो लगातार इसको अब चैलेंज ये है कि इन सुरंगों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जल्दी से बता देते हैं, जैसा कि कुलकर्णी सर बता रहे हैं चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या चुनौतियां आएंगी? गाजा पट्टी में सुरंगों का इतना लंबा चौड़ा जाल है, तो इजरायली फोर्स के लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी यहां पर जाकर हमास के लड़ाकों को मारना? ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा पट्टी में ऑपरेशन के लिए इजरायली फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती टनल की खोज करना। टनल्स भी बहुत सारी हैं, और दूसरी चुनौती, अगर टनल खोज भी ली गई है तो उनमें हमास लड़ाकों को खोजना और उन्हें पकड़ना। फिर तीसरी चुनौती ये होगी कि सुरंगों के अंत तक पहुंचना और उनके नेटवर्क का पता लगाना। और चौथी चुनौती फिर ये होगी, साथ साथ गाजा पट्टी में सुरंगों के जाल को खत्म कर देना।
पिछले कुछ सालों में गाजा के टनल नेटवर्क से इसराइल को भारी नुकसान हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 2008 में टनल में घुसते वक्त इसराइल ने अपने 9 सैनिकों को खो दिया था, जबकि 2014 में भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ही टनल में एंट्री करते वक्त 66 इजरायली सैनिक मारे गए थे। तो आसान नहीं है इतना, और इसके चलते इजरायली फौज को उल्टे पांव लौटना भी पड़ा था। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशनल टास्क है। गाजा सीमा पर तैनाती के लिए और टैंक्स रवाना कर लिए गए हैं। गाजा सीमा पर हलचल और तेज हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी देर में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 मिनट कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है जब बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ऐसे में टैंक्स का मूवमेंट किस तरीके से तेज होता हुआ दिख रहा है ये आप देखिए। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की लेटेस्ट हलचल का वीडियो। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, इजरायली अल्टीमेटम के खत्म होने में अब कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। बता दें गाजा में अफरा तफरी का इस बीच माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, गाजा में लोगों के भागने का ये लेटेस्ट वीडियो नजर आया, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा है कि इसराइल अब रुकने वाला नहीं है। इसराइल ने अल्टीमेटम भी दिया था, इन इलाकों को खाली करने को भी कहा था, और अब तस्वीरें इस बीच सामने आ रही है जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग जहां तहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 19 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली है। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था। शुरुआत में खबर ये भी आ रही थी कि गाजा में कई सारे लोगों ने डिनाई कर दिया था कि हम अपना घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी। देखिए डिनाई तो किया था, और हमास ने भी उनको कहा था कि आप छोड़िए मत, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको पता है कि इसराइल कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन तो करेगा ही। तो जिन लोगों को लगा कि वो हमास के सामने उनकी ह्यूमन शील्ड नहीं बनना चाहते हैं, उन्होंने पलायन करने का सोच लिया है। जो उनके कट्टर जो उनके साथ हैं तो वो ज़रूर उनके साथ लड़ेंगे, और वो ये ज़रूर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सिविलियन हैं, हमें मत मारो। और उनके पीछे हो सकता है हमास या कोई और खड़ा हो। तो और जितने भी ये टनल्स के जो हमने बात करी है, उनके जितने भी एंट्रीज हैं सब बेसमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट्स के थ्रू हैं। तो उससे उसके थ्रू आप नीचे जाएंगे 10-12 मीटर, और फिर साइड टू साइड उसका मैप भी नहीं है आपके पास। सीक्रेसी बनाई हुई है, और बूबी ट्रैप्स हैं वहाँ पे, तो और माइंस हैं, तो कैसे उसका ऑपरेशन आप करेंगे। आपको जरूर उनको किसी ना किसी तरीके से ऊपर लाना पड़ेगा। जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे, और आपने देखा भी अभी अपनी तस्वीरों में हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल तैनात करके रखे हैं। बिल्कुल, और जैसे ही ये टैंक्स ये इन्फेंट्री व्हीकल्स अंदर जाएंगी। क्योंकि सर वक्त बहुत कम बचा है, हम एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वक्त बहुत कम बचा है। देखिए 17 मिनट 52 सेकंड, ये वक्त हमेशा सेकंड्स जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। 17 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है। सिवाज सर, इस बीच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गाजा जहां पर बड़ा एक्शन होने वाला है, गाजा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जा रहा है, वहां पर इसराइल के लिए एक्शन लेना या एक्शन करना कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है। अल्टीमेटम तो आपने दे दिया, लेकिन ह्यूमन कैजुअलिटीज के बगैर एक्शन ले पाना कितना आसान होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुश्किल होगा, ये सच्चाई है, ये एक बड़ा चैलेंज है। मगर इसराइल को इसका ब्लूप्रिंट पता है, और उसको मालूम है कि ये जो टनल्स हैं इनके एंट्री पॉइंट कहाँ हैं। देखो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई सबसे ज़्यादा टनल की होगी, क्योंकि अगर टनल के अंदर हमास अंदर रहे तो जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और ये निकलेंगे नहीं, ये सोचना कि हमास को आप गैस इन करके बाहर निकाल देंगे, शायद ये नहीं हो पाएगा। उनके पास गैस के मास्क हैं, इक्विपमेंट हैं, इतने शायद ना हो, मगर ये बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज होने वाला है, और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और ये एक प्रकार अगर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर सिविलियन कैजुअल्टी हो जाती है कोलैटरल, तो फिर सिंपथी भी मुझे लगता है पैलेस्टाइन की तरफ सवाल जाएगी। यही पर यही तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वेल इक्विप्ड हुए कैसे, जब आप कह रहे हैं कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, कि आप कोई भी तरीका अपनाएंगे उसकी काट इनके पास है, तो बिना किसी के समर्थन के इनके पास सब कुछ कैसे। हाँ देखो सच्चाई ये है कि
हमास को तैयारी कराने में ईरान का पूरा पूरा हाथ है, यही नहीं हमास को, हिजबुल्ला को भी। और ये तैयारी 2 साल से हो रही थी, इसके लिए एक प्रकार उन्होंने गांव भी बना लिए थे मोकअप के लिए और ड्रिल बना के उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिस की हुई है। और ये समझने की कोशिश करो, ये टनल जो हैं, ये जो जमावड़ा टनल्स का है, ये दूसरे देशों में भी निकलता है, तो इनका बहुत फ्लूइड मूवमेंट है, इनका लॉजिस्टिक वहाँ से आएगा, अम्यूनिशन वहाँ से आएगा। और ये मुझे लगता है वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि टनल डिफेंसिस को कैसे न्यूट्रलाइज कराया जाए, और ये एक आने वाले समय के लिए ये पढ़ाया जाएगा कि इजरायली ने कैसे न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि हमास जो हैं वो कन्वेंशन लड़ने वाले नहीं है, आतंकवादी हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा, और स्पेशली टनल्स को किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद किया जाता है, उससे किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये एक तरीके से केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाएगा, ये आप कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, उससे पहले निधि के पास हम चलते हैं, निधि के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। निधि। बिल्कुल प्रतिमा, टनल वॉरफेयर क्या होता है ये कुलकर्णी सरस से जानेंगे, लेकिन एक और डिटेल सामने आई है, हमास की ताकत और इजराइल की कमजोरी अब बताने का वक्त आ गया है। एक तरफ जहां सुरंगों का जाल है, तो दूसरी तरफ हमास की ताकत भी है। इजराइल की कमजोरी क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सुरंगों का जाल देखने को मिल रहा है, जो नेटवर्क है उसका पता नहीं है इजराइल को, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। टनल में सुरक्षित ठिकाने, अब इसको लेकर है कि एंट्री एग्जिट का अंदाजा नहीं है इजराइल को, तो ये एक कमजोरी है, ये वीकनेस है। बम और घातक हथियार, नीचे से निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है, ये कमजोरी है इजराइल की, ये नहीं पता है, लेकिन ये हमास की ताकत है। इजराइल की कमजोरी और हमास की ताकत, ये दोनों आपको बता रहे हैं। बम और घातक कितने हो सकते हैं, नीचे से निकलकर कैसे हमला किया जा सकता है, टनल में सुरक्षित ठिकाने बनाए गए हैं हमास की तरफ से, हमास का एक्शन टनल के अंदर है, और दूसरी तरफ टनल वॉरफेयर शुरू हो गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि इजराइल एक्शन क्या लेता है। प्रतिभा। बिल्कुल, देखिए टनल को लेकर हम बता रहे हैं कि दोनों की ही ताकत और कमजोरी क्या क्या है। गाजा में भारी तबाही देखने को मिल रही है, कई रिहायशी बिल्डिंग्स में इस वक्त ये एक्शन किया गया, जिसके बाद कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई है। ये तस्वीर आपके सामने, रिहायशी इलाकों से धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इजरायली सीमा से सटे गाजा के इलाकों में इस वक्त गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही है, ये रिहायशी इलाके की तस्वीरें बताई जा रही है। इजरायल बॉर्डर से गाजा में गोलीबारी के बाद किस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए जरा। अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने में अभी भी कुछ वक्त बचा है, 13 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से गाजा में अभी भी एक्शन जारी है, लेकिन बड़े स्तर पर एक्शन अभी होना बाकी है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर बम से अंडरग्राउंड बंकर को उड़ाया जाए तो क्या संभव है कि सभी बंकर खत्म हो जाए। आइए आपको बताते हैं कैसे बंकर बम काम करता है। देखिए जब बंकर बम पिन पॉइंट अटैक करता है तो जमीन को पार करके कंक्रीट की मोटी परत भेजता है और फिर सुरंग के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है और सुरंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी सुरंगें उड़ाएंगे गाजा में, तो सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बंकर बम क्या कारगर साबित होंगे। हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, ये भी समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, सिवाज सर, बड़ा चैलेंज है और हम टनल्स को लेकर हम बात भी कर रहे हैं, बंकर बम से कैसे निपटा जाए ये भी बड़ा सवाल है, ये कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे निपटा जाए। देखो सच्चाई यह है कि इजराइल को मालूम है कि ये लड़ाई टनल्स की है और हमास टनल के अंदर छुपा हुआ है और उनको किसी तरीके से निकालना है, अगर नहीं निकले तो अंदर जाके उनको खत्म करना है। तो उससे पहले जब वो अंदर बढ़ेंगे तो एंट्री चाहिए, और एंट्री के लिए ये जिस प्रकार से इनके पास बॉम्ब है जो कि मारने से एक प्रकार अंदर जाके बस्ट होंगे और ओपनिंग करेंगे और उसके बाद जाएंगे,
देखो यही तो कहना है कि यह लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी टनल की, और यह लड़ाई एक बहुत ही लंबी और भयानक होने वाली है। एक और समझना प्रतिमा, क्योंकि ये जाल बिछाया हुआ टनल का और दूसरे देशों में भी निकलती है, तो इनका लॉजिस्टिक सिस्टम अमनूचन वगैरह इन्होंने बढ़ा के रखा होगा। इसका मतलब हमास के पास काबिलियत और क्षमता है, वो लड़ सकते हैं लंबा, ये भी सच्चाई है, और उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। जो 5000 रॉकेट फायर कर सकता है 20 मिनट के अंदर, इसका मतलब उन्होंने काफी जमावड़ा कर चुके हैं, और इसके लिए ईरान ने और बाकी देशों ने इनकी हेल्प की है। और मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई चलेगी ऐसे, तो कहीं ना कहीं हिजबुल्ला भी वहां से नॉर्थ से फायर करने की कोशिश करेगा। तो मैं यही कह सकता हूं ये लड़ाई काफी मुश्किल होने वाली है इसराइल के लिए, मगर इसराइल का जो पास्ट एक्सपीरियंस और बताता है कि इसराइल ने वो कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है कि इसराइल ने इसका कोई इलाज निकाला है। इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन हमास ने जिस तरीके से उनकी टेरिटरी में घुसकर हमला किया उसका भी तो पता मोसाद नहीं लगा सकी। तो आज जो अल्टीमेटम के बाद होने वाला है, क्या उससे निपटने के लिए भी हमास वेल इक्विप्ड है, राजेश सर? हाँ, वो देखिए हमास ने तो पूरी तैयारी की है, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ईरान से स्टेटमेंट आया है कि हमास पूरी तरह तैयार है, और वो जो है इसराइल का जो भी ऑफेंसिव है उसको नाकाम कर देगा। ज़रूर उनके पास तैयारी है, और इसराइल ने डेडलाइन दी है, तो डेडलाइन के बाद उनको पता है, डेडलाइन के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी, वो तैयार हैं। अब किस तरह से उनको वो इसराइल उनको डिसेप्शन प्लान बना करके किस तरह से उनको सोचने पर मजबूर करेगा कि अटैक इधर से आ रहा है और अटैक एक्चुअली दूसरी तरफ से आया है, उनकी क्या रणनीति है, वो बहुत ही सीक्रेट है। संभलने का मौका नहीं दिया जाए। और ये जो बंकर बस्टर जो आपने कहे, ये जो बॉम्ब नीचे जाके पेनेट्रेट करके और फिर ब्लास्ट होते हैं, ये या तो ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है इफेक्ट जो जितना भी है वो लिमिटेड एरिया में होता है। ये नहीं कि अब आप 1300 किलोमीटर के टनल हैं या 500 किलोमीटर के टनल हैं, तो अब 500 किलोमीटर टनल के लिए आप कितने बम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक दूसरी रणनीति बनानी होगी कि जहाँ पे आपको ओपनिंग चाहिए वहाँ पे ये बम लगाए जाएंगे, किस तरह से उनको मजबूर किया जाए कि वो बाहर निकलें, और किस तरह से इन टनल्स को दूसरे एक्सप्लोजिव से ब्लॉक करके या डिस्ट्रॉय करके, राजेश जी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसे कैसे ऑपरेशन में लाया जाएगा, और बंकर बम क्या होते हैं इसको लेकर भी आपने बड़ी जानकारी दी। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हमास एयरफोर्स के चीफ की मौत हो गई है। हमास को बहुत बड़ा झटका है, IDF के हमले में ये मौत हुई है। 7 अक्टूबर के अटैक में बड़ा रोल था इसका बताया जा रहा है। तेल अवीव पर जो 5000 रॉकेट से अटैक किया गया, इसी ने ही इसे लीड किया था। 7 अक्टूबर के अटैक में इसका बड़ा रोल था, और इसकी मौत हो गई, इसे ढेर कर दिया गया। संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी ये इसराइल का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, बहुत कम वक्त रह गया है, हम लगातार काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं, लेकिन रात में कैसे, किस तरह से एयरफोर्स भी पूरी तरह से कह रहे हैं कि मदद ली जाएगी जो इसराइल की एयरफोर्स है, तो रात में कैसे अंजाम दिया जाएगा ऑपरेशन? बहुत अच्छा सवाल है। इसराइली फोर्सेज जो है बहुत आधुनिक है, उनको रात के आले हैं उनके पास, इसलिए जो पिछले 7 दिन से जिस प्रकार से वो लगातार बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अब उसके बाद उन्होंने टनल वॉरफेयर करना है। जो ये टनल्स हैं, जो जितनी भी सुरंगें हैं उसका लेआउट उनको मालूम है, और वो भी उनके पास आले हैं जिससे वो लेआउट का पता करेंगे। लेआउट का पता करने के बाद उनके पास मिसाइलें हैं जो उस टनल्स को बर्बाद कर सकती है। प्लान बी के तहत तेल अवीव से अगर एयरफोर्स को बिल्कुल एक्टिव किया गया, तो यहाँ से फिर फाइटर जेट्स उड़ेंगे, F-15, F-16, F-35, जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, सारे के सारे जो उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या है। इसके अलावा उन्होंने बिजली, पानी, खाना पीना सब बंद कर रखा है, तो वैसे ही वहाँ पे कठिनाई शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद वो गैस का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे सुरंगों के अंदर डालने के लिए, सुरंगों को बंद करने की कोशिश करेंगे जिससे किसी की सांस ना लिया जाए, और बंकर जो बम है वो भी इस्तेमाल यही सुरंगों, यहाँ पे जितनी सुरंगों का एक दफा लेआउट, पिछले 7 दिनों से इसराइल यही कर रहा होगा कि सुरंगों का लेआउट, क्योंकि 2007 के बाद जब से इसराइल बाहर निकला है उस पिछले 16 सालों में इन्होंने काफी कुछ अंदर का लेआउट बनाया होगा जिसके बारे में इसराइल को मालूम नहीं होगा। पर अब क्योंकि उनके पास आले हैं, रात को लड़ने के आले हैं, सुरंगों के लेआउट के पता करने के आले हैं,
उनको ध्वस्त करने के लिए आ गए हैं। बात सर आपकी तरफ से कही जा रही है कि बहुत ही वेल इक्विप्ड है इजरायली फोर्सेस और इसीलिए चुन चुन कर अपने टारगेट्स को तबाह किया जा रहा है। इजराइल के सेड्रोट से हमास का हमला, सेड्रोट में हमास का एक साथ कई रॉकेट से हमला हुआ, हमास की मिसाइल सड़क पर जाकर गिरी है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस बीच सामने आ गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने है जहां पर सेड्रोट में हमास का हमला हुआ है। तो इस वक्त तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं सेड्रोट से सामने आ रही है जहां पर हमास की तरफ से हमला बोला गया, एक साथ कई रॉकेट से बताया जा रहा है कि ये हमला बोला गया है। हमास की एक मिसाइल सड़क पर जा गिरी है जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शिवाज सर अब बहुत कम वक्त बचा है, हम दिखा भी रहे लगातार 5 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है जिसके बाद अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा और हम लोग की शुरुआत हो जाएगी इजराइल की तरफ से। और बात एक बार फिर से हो रही है कैजुअलिटीज की, दोनों तरफ से ही कितने बड़े स्तर पर इस युद्ध में नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटम भले ही दे दिया गया था लेकिन पूरे इलाके को खाली करा पाना यूएन ने भी माना था कि असंभव है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, ये एक चैलेंज था और जो इजराइल ने एक प्रकार से डेडलाइन दी थी उसके बाद वो कभी भी हमला कर सकता है। ये जरूरी नहीं है जैसे डेडलाइन खत्म होगी उसके बाद इमीडिएटली हमला करेगा इसराइल अपना सोच समझ के एक टाइम पे। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि लड़ाई हरदम रात को होती है क्योंकि जो दिन में अगर लड़ाई होगी तो डिफेंडर जो है उसको बड़ा फायदा होता है, वो देख सकता है। वैसे तो आजकल दिन में भी रात को भी दिन जैसा काम हो जाता है, नाइट विजन डिवाइस है, मगर फिर भी ये हमला रात को होगा और इसके लिए जो अब एयर पार्क का इस्तेमाल मिसाइल का रॉकेट का फायर करके उसको सोफन अप और फिर जो आर्मर्ड व्हीकलों से इन्फेंट्री घुसेगी। मगर ये भी याद रखो कि हमास भी इसके लिए तैयार है, उसने जो कहते हैं कि एंटी टैंक लेआउट बहुत अच्छा कर रखा है, मल्टी टीयर डिफेंस बना रखी है और उनकी जो डिफेंसिस हैं वो जाती हैं फिर टनल के अंदर। तो ये नहीं होगा इतना आसान इसराइल के लिए भी इतना जल्दी क्रॉस करके वो बिल्टअप एरिया में आ जाएं, तो ये लड़ाई मुझे लगता है लंबी खिंचेगी। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने 150 के करीब सिविलियंस को पकड़ के लेके गए हैं जिसमें फॉरनर्स भी हैं, उनका क्या भविष्य है क्योंकि वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा हमास, अब उससे क्या होगा। मगर ये सच्चाई है, ये आर पार की लड़ाई है और इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और ये हमला कभी भी हो सकता है डेडलाइन के बाद, ये कतई नहीं कि अभी होगा। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहना कि अब जिस प्रकार से सीज कर लिया गाजा को, उसका एक प्रकार फ्यूल भी काट दिया, फूड भी काट दिया, बिजली पानी, मगर हमास के पास सब सम्मान सारे चीजें टनल्स के अंदर है और अभी भी ये टनल ब्लॉक नहीं है, ये इजिप्ट की तरफ भी निकलती है, लबनान की तरफ भी निकलती है, वहां से भी ये मूवमेंट होती है। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मगर ये भी सच्चाई है इसराइल की काबिलियत और क्षमता को देखते हुए हम यही कहते हैं कि लड़ाई चलेगी लंबी। बड़ी खबर का मैं रुख करने जा रही हूँ, उत्तरी गाजा में इसराइल का एयर अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरी गाजा से। ये वही इलाका है जिसे खाली करने का अल्टीमेटम बकायदा दिया गया था, रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ है, इमारतों के बीच हमास के टनल पर निशाना साधा गया, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है।